वेलकम बच्चों, CBSE 10th क्लास चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि हमको बहुत सारी टर्मिनोलॉजी समझनी है इसके अंदर। फिर हम एक्टिविटीज़ को करेंगे, फिर बीच में कुछ क्वेश्चंस है उनको करेंगे, फिर एंड में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव? कैसे डिफरेंस करेंगे अलाइव और नॉट अलाइव में? तो हम देखते हैं कि डॉग रनिंग, काऊ कुछ खा रही है और मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, ये सब पे हम कह सकते हैं कि ये सब लिविंग बींग्स थे। लेकिन क्या होगा जब ये सब सो जाएंगे, तब हम क्या चेक करेंगे? तब हम ब्रीदिंग चेक करेंगे, तब हम क्या बोलेंगे कि ये सब अलाइव है क्योंकि ब्रीथ कर रहे थे। लेकिन व्हाट अबाउट प्लांट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि प्लांट का तो हमको नहीं पता चलता ना, तो वो कैसे पता लगा कि ये अलाइव हैं? तो कुछ लोग क्या कहेंगे कि वी सी देम ग्रीन, हमने उनको हरा देखा था। लेकिन अगर अदर देन ग्रीन प्लांट हो तो हम क्या बोलेंगे? तो कुछ लोग बोलेंगे कि दे ग्रो ओवर टाइम, इसलिए वो अलाइव हैं, वो टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ते जाते हैं। आगे देखो, इन अदर वर्ड्स वी टेंड टू थिंक सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो हम लोग क्या देखते हैं? सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट देखते हैं, और ये मूवमेंट जो होता है ना, ये इधर ग्रोथ रिलेटेड भी हो सकता है और नॉट भी हो सकता है। जैसे देखो, हमने एक नया बीज लगाया और वो बढ़ता गया, तो वो तो हो गई ग्रोथ। लेकिन अगर ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट अगर नहीं है तो वो क्या होता है? तो वो आपने एक प्लांट देखा होगा चुई मुई का, जिसको बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट। जैसे आप उसको टच करते हो तो वो श्रिंक हो जाता है, फिर भी वो मूवमेंट तो शो कर रहा है ना, ग्रोथ नहीं हुई। इसलिए ये कॉमन एविडेंस हैं फॉर बीइंग अलाइव के। अब कुछ प्लांट होते हैं और कुछ एनिमल्स होते हैं जो ब्रीथ करते हैं विदाउट विजिबल मूवमेंट। अब मूवमेंट तो नहीं दिख रहा हमको, वो हमारे विजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो ब्रीथ कर रहे हैं। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, ये जो हमने कैरेक्टरिस्टिक सब डिफाइन किए ना लाइफ के बारे में, इट्स नॉट इनफ, मजा नहीं आया। इससे हम नहीं पता लगा सकते कि कोई चीज़ अलाइव है या डेड है, ठीक है? तो फिर क्या होगा? तो फिर यहाँ आओ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मूवमेंट्स और वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आइज, नंगी आंखों से हम वेरी स्मॉल स्केल पे जो मूवमेंट होता है ना उसको नहीं देख सकते। वो मूवमेंट होता है मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, वायरसेस जो होते ना, अभी आपने देखा होगा COVID-19 के अंदर लोग इन्फेक्ट हो रहे थे वायरस से, है ना? तो वायरस तो कहीं दिखा नहीं, बहुत वेरी स्मॉल स्केल पे होता है, लेकिन फिर भी मूवमेंट चलता रहता है उसका। ये वायरस जब बाहर पड़ा रहता है ना तो डेड होता है, लेकिन जब ये सेल में चला जाता है ना तो उसको इन्फेक्ट कर देता है। समझ में आई बात? तो अभी इस पर कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है कि ये ऐसा क्यों है, कि ये अलाइव है या अलाइव नहीं है। तो अपन को इस कॉन्ट्रोवर्सी में घुसना ही नहीं है, अपन आगे चलते हैं। आगे देखो क्या बोल रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है? मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखो आप, कि सेल्स होती हैं हमारे अंदर, बहुत सारी सेल्स इकट्ठे होकर टिश्यू बनाती है, बहुत सारे टिश्यूज इकट्ठे होकर ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एंड देन ह्यूमन बॉडी। आपने मूवीज में या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से उसकी मौत हो गई। अगर ये सिस्टम ब्रेकडाउन हो जाता है बीच में से, सपोज करो ऑर्गन गायब हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं या ब्रेकडाउन हो जाता है, तो ये ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएगा। समझ में आई बात? ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ ऑर्डर ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव, सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग। यानी हमको इन चीज़ों का रिपेयर और मेंटेनेंस करना रहता है। समझ में? कि कुछ सेल्स डेड हो गई तो नई सेल्स बननी चाहिए। समझ में आया? बिल्डअप होनी चाहिए। अगर टिश्यू डेड हो गए तो नए बनने चाहिए, या फिर उनकी रिपेयर होती रहे, रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर। अब ये कैसे होता है? सिंस ऑल दी स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, सब मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम, इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव होते रहने चाहिए। अब ये मॉलिक्यूल्स जो मूवमेंट है ना, ये हमको दिखाई नहीं देता जो इसने यहाँ पे बात की है, लेकिन फिर भी हम इसी बेसिस पे कहते हैं कि वो अलाइव है। अब मेंटेनेंस कैसे कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, कि मेंटेनेंस प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। लेकिन उससे पहले अब हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन। The maintenance function of living organism must go on even when they are not doing anything particular. Maintenance तब भी होता रहता है जब आप कुछ particular काम नहीं कर रहे होते। Even when we are just sitting in class, even if we are just asleep, अगर हम सो गए हों, क्लास में बैठे हुए हों, तो भी हमारा maintenance चलता रहता है। This maintenance job has to go on. और लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन ये रही, द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस, ये लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं। अब मेंटेनेंस के कुछ प्रोसेस होते हैं, चार प्रोसेस हैं, तो ये चैप्टर उन चार प्रोसेस पे ही टिका हुआ है। तो पहला जो है ना आपको पढ़ना है न्यूट्रिशन, सेकेंड हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, थर्ड हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन, वेरी इंपॉर्टेंट,
और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। तो ये जो चार टॉपिक पे मैंने लाइन लगाई है ना, ये चारों हमको पढ़ना है और ये चैप्टर पूरा चारों पे डिपेंड है। पहले हमें न्यूट्रिशन पे बात करनी है, तो आ जाओ न्यूट्रिशन को देख लेते हैं। ये न्यूट्रिशन हमको मिलता कहाँ से है? सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेकडाउन। ये मेंटेनेंस प्रोसेस एक्चुअली करता क्या है? प्रिवेंट करता है, रोकता है किसको? डैमेज को और ब्रेकडाउन को। कैसे रोकता है? उसको एनर्जी चाहिए होती है, और ये एनर्जी हमको मिलती कहाँ से? आउटसाइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म के बाहर से हमको ये एनर्जी मिलती रहती है। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल फूड टू द इनसाइड। और आउटसाइड से फूड कहाँ जा रहा है? इनसाइड में जा रहा है, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। तो ये आपको डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए सबसे पहले, तभी आप कर पाओगे। आगे देखो क्या बोल रहा है। अगर ऑर्गेनिज्म की साइज जो होते हैं ना, बड़ी हो जाती है और ग्रो करती रहती है, तो उसको एडिशनल रॉ मटेरियल भी चाहिए होते हैं आउटसाइड से। जैसे देखो, अगर हम खाना ही खाना खाएं ना, तो शायद हमारी बॉडी में कुछ विटामिन्स की कमी हो जाएगी, तो हम लोगों को और ऊपर से क्या लेना पड़ता है? जैसे हम लोग दूध भी लेते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग बाहर से लेते रहते हैं। ग्रीन सब्जियां ले ली हमने, ठीक है ना, खाली गेहूं नहीं खाया हमने, कभी बाजरा भी खाया, कभी मक्के की रोटी खाई, बदल बदल की चीज़ें खाई, तो एडिशनल रॉ मटेरियल इस टाइप के हो गए। जैसे हमने ऑलमंड्स खाली, बादाम, उसके अंदर मैग्नीशियम था, सोडियम था, बनाना खाया, फ्रूट्स खाए, है ना, समझ में ही बात आपको। तो ये रॉ मटेरियल हमको एडिशनल भी चाहिए होते हैं आउटसाइड से। आगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। हमारी जो लाइफ है ना अर्थ पे, वो किस पे डिपेंड है? कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड है। मतलब कार्बन चाहिए हमारी बॉडी को। मोस्ट ऑफ दिस फूड सोर्स आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्सेज, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। सब अपना अपना प्रोसेस न्यूट्रिशनल जो होता है ना, सबका डिफरेंट होता है। कैसे? द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड। एनर्जी जो है वो वेरिड हो सकती है, सिंस द एनवायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ये जो एनवायरमेंट है ना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं है। जैसे चेंज होता गया, कुछ बदलाव आते गए, कभी सर्दी कभी गर्मी, है ना। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी। और ये एनर्जी जो है बाहर पड़ी हुई है, ये हमको अंदर लेके जानी है, एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी। और हमको एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी बनानी है बॉडी के अंदर जाके, ठीक है। दैट कैन बी यूज फॉर द वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर द मेंटेनिंग लाइफ स्ट्रक्चर। और मॉलिक्यूलर मूवमेंट के लिए ये जरूरी है। आगे देखो, फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी आर नेसेसरी। और बॉडी के अंदर क्या चलती है? बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चल रही है, जो हम फर्स्ट चैप्टर से पढ़ के आए हैं। उनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। अगर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना है, जो आपने खाया है, अंदर जाके टूटे वो, जैसे हम बोलते ना कि हमने दांत से चबा लिया, नहीं, अंदर भी बॉडी उनको ब्रेक डाउन करती रहती है, तो उसके लिए हमें बहुत सारी रिएक्शंस की जरूरत है। पता चल गया आपको? आगे चलते हैं। Many organisms use oxygen source from outside the body. आगे देखो, ये definition है respiration की, यहां से आपको लिखना है। The process of acquiring oxygen from outside the body. Oxygen को हम acquire कहां से करते हैं? Outside the body, क्योंकि हमारा nose जो होता है body के बाहर होता है। And to use it in the process of breakdown of food. और food को breakdown करने के लिए करते हैं। किसकी जरूरत के लिए करते हैं? Cellular needs के लिए करते हैं, हम अपने लिए नहीं करते, cellular needs के लिए करते हैं। और cellular किसकी need है? हमारी तो need हुई finally आके, is what we called respiration. तो बच्चे क्या समझते हैं ना, रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग समझ लेते हैं। नहीं, ब्रीदिंग होती है सिर्फ इनहेल और एक्सहेल करना, लेकिन रेस्पिरेशन होता है कि बाहर से ऑक्सीजन का यूज करके फूड को ब्रेक डाउन करना और सेलुलर नीड्स के लिए करना। समझ में आई बात? ये रेस्पिरेशन कहलाता है। आगे देखो, इन द केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड। जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये क्या करते हैं? इनके पास कोई अलग से स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होते फूड लेने के लिए। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ वेस्ट मे बी नीडेड बिकॉज द एंटायर सर्फेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टेक्ट विद द एनवायरमेंट। तो इनकी सारी जो बॉडी रहती है ना ऑर्गेनिज्म की, वो एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट में रहती है। किसकी? सिंगल सेल्ड की बात कर रहे हैं। बट व्हाट हैपेंस व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस एंड बॉडी डिजाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। अगर मोर कॉम्प्लेक्स हो जाए तो क्या हुआ? तो ये अब हमारी बात कर रहा है, एनिमल्स की बात कर रहा है, प्लांट की बात कर रहा है, कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, ऑल द सेल्स मे नॉट बी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरमेंट, द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑल द सेल्स। ये क्वेश्चन है, उसका आंसर है, और एक आपको डिफ्यूजन के बारे में बताता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और एक बार समझोगे तो समझ में आ जाएगा। डिफ्यूजन को समझते हैं, क्या कहता है कि आपने एक बीकर लिया, उसको पानी से भर दिया, ठीक है, आपने इसके अंदर नमक डाल दिया, ये नमक यहां पे कौन से कॉन्सेंट्रेशन में है? हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, लेकिन यहां पे नमक नहीं है, आपने देखा होगा, ये पानी खारा नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में आप देखोगे कि ये पूरा वाटर जो है ना, ये खारा हो जाएगा, ठीक है, सॉल्ट हो जाएगा, इसके अंदर पूरा मिक्स हो जाएगा, विच मींस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस
from higher concentration to lower concentration is known as diffusion. समझ में आ गया, लिख लोगे? यहाँ पे नमक हाई कॉन्सेंट्रेशन में था, यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन में था, तो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन अगर मूवमेंट हो जाए सब्सटेंस का, वो क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है. बैठ गई बात? अब अमीबा की जब बात आएगी ना आगे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की, तब अपन बात करेंगे कि ये डिफ्यूजन होता कैसे और अच्छे से, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा इतना सा समझ में आ गया इसकी डेफिनेशन, तो आप लिख के आ सकते हो. नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे आएगी कि ट्रांसपोर्टेशन के बारे में लिखो, तो आपको कचरा नहीं करके आना है वहाँ पे, वर्बोसिटी नहीं करनी है, आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है. यहाँ से उसकी डेफिनेशन, सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन आर नाउ टेकन अप एट वन प्लेस. अब देखो ऑक्सीजन और फूड है ना एक प्लेस से लिया जाता है, जैसे फूड मुंह से ले लेते हैं, ऑक्सीजन नाक से ले लेते हैं, ठीक है ना, काफ़ी ऊपर है, लेकिन पता चला हमारे जो टोज हैं पाँव में और हमारे जो लेग्स हैं या हमारे जो फिंगर्स हैं, इन सबको भी एनर्जी चाहिए. समझ में आई बात? तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट कैसे होगी वो एनर्जी? हमने तो मुंह से खाना खाया है और एनर्जी तो पूरी बॉडी को चाहिए, वाइल ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी नीड देम, है ना. दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड फॉर अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी. समझ में आ गई बात? तो ये ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन जो आपको याद करनी है. आगे देखो एक्सक्रीशन की, अगर आप यहाँ से लिख के आओगे तो अब आप मेरे फेवरेट बच्चे हो. क्या बोलता है? व्हेन केमिकल रिएक्शंस यूज द कार्बन सोर्सेज. अब हमने जो खाना खाया ना वो कार्बन ही तो था, और क्या, कार्बन सोर्स ही तो था. लाइफ किस पे बेस्ड है? अर्थ में कार्बन पे तो बेस्ड है, तो केमिकल रिएक्शन भी होती है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हुआ है. तो क्या बोल रहा है? एंड द ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन दे क्रिएट बाई प्रोडक्ट्स. जब हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन होती है और एनर्जी जनरेशन होता है, तब बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं. देट आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल्स ऑफ द बॉडी बट कुड इवन बी हार्मफुल. वो खाली यूजलेस भी नहीं है, हार्मफुल भी है अगर हमारे बॉडी के अंदर वो वेस्ट रह गया तो. और हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट किस किस फॉर्म में रहता है आपने देखा होगा, सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस फॉर्म में भी होता है. सॉलिड फॉर्म में तो जो वेस्ट होता है ना वो हम एनल के थ्रू सीक्रेट कर देते हैं, ठीक है, फीसिस बोलते हैं, मल जो होता है. लिक्विड फॉर्म में देखो यूरिन होता है और सॉल्ट होता है, जब हमको पसीना आता है तो सॉल्ट ही तो बाहर निकल रहा है, और गैस फॉर्म में हम CO2 निकाल देते हैं, ठीक है. दीज वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड बाय द प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन. उसको डिस्कार्डेड करना है. ये खाली यूजलेस ही नहीं है, हार्मफुल भी है, ठीक है, इसलिए इनको बॉडी से निकालना है. वो प्रोसेस क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है, याद रहेगा. आगे चलते हैं. तो इस एक्सक्रीशन के लिए अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर एक्सक्रीशन विल बी डेवलप्ड. तो इस एक्सक्रीशन के लिए पूरा हमारे पास में स्पेशलाइज टिश्यूज होते हैं, फिर स्पेशल ऑर्गन होते हैं. समझ में आया? किसके अंदर? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, सिंगल सेल के अंदर ये सब नहीं होता. विच मीन्स दैट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट अवे फ्रॉम सेल्स टू दिस एक्सक्रीटरी टिश्यूज. अब आगे देखते हैं. लेट अस कंसीडर द वेरियस प्रोसेसेस सो एसेंशियल टू मेंटेनेंस लाइफ वन बाय वन. अब इनको वन बाय वन पढ़ेंगे, पहले न्यूट्रिशन को पूरा पढ़ेंगे. क्वेश्चंस को देखते हैं. पहला देखो, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट the oxygen requirements of multicellular organism like humans. Diffusion जो है ना वो multicellular organism के लिए है ना insufficient है oxygen की requirement को पूरा करने के लिए. कौन? Diffusion. और diffusion होता क्या है कि ये पानी से भर दिया, sugar डाल दिया, salt डाल दिया, ये सब mix हो जाएगा थोड़ी देर के अंदर पूरा का पूरा. यानी मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है ना वो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन होता है. थोड़ी देर बाद में आप चम्मच से उठा के ये वाला हिस्सा लोगे ना तो आप टेस्ट करोगे ना तो आपको अगर शुगर डाला तो मीठा लगेगा और नमक डाला तो, लेकिन आपने तो नमक नीचे डाल दिया था, नीचे चला गया था, तो वो सब थोरोली मिक्सअप हो गया उसके अंदर, तो ये डिफ्यूजन कहलाता है. बैठ गया? तो ये इनसफिशियंट क्यों है? तो अभी अपन ने पढ़ा था, क्योंकि हमारी बॉडी जो होती ना वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होती, इसलिए सिंपल डिफ्यूजन जो होता है ना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाता. सेकेंड क्वेश्चन देखो, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव. तो क्या क्या क्राइटेरिया? तो हमने बात की थी कि दौड़ रहे हैं, कोई खा रहा है, ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी ना ये इनफ नहीं थी. इनफ होने के लिए मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, और मूवमेंट मॉलिक्यूल्स का तभी होगा जब हम लाइफ प्रोसेस देंगे उसको. अगर लाइफ प्रोसेस प्रेजेंट है तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि वो अलाइव है या नहीं है. थर्ड क्वेश्चन देखो, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज फॉर बाई एन ऑर्गेनिज्म. तो क्या क्या है? सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्स आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड. बस यही लिख के आना है, सब आपकी बुक से लिया गया है. फोर्थ देखो, वॉट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ. वो हम बात कर चुके हैं, या आपकी बुक में जो पिंक कलर का पेज होता ना तो वहाँ से लिया. तो मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर लाइफ प्रोसेस कौन से हैं? पहला न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. NRTE. बस सी गायब है, वरना तो NCERT बन जाता आपका सिलेबस वाला. और सी क्या है? CO2 हो गया, बस डाल देना, वो भी एक एक्सक्रीशन ही है, वेस्ट प्रोडक्ट ही है, ठीक है. आगे चलते हैं.
तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं न्यूट्रिशन पे। न्यूट्रिशन की जब बात करेंगे तब क्या बात आती है कि व्हेन वी वॉक और राइड अ बाइसाइकिल या वॉक कर रहे हैं, वी आर यूजिंग अप एनर्जी, हम एनर्जी ले रहे हैं। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपेरेंट एक्टिविटी, अगर हम कोई स्पष्ट रूप से कोई एक्टिविटी नहीं भी कर रहे हैं ना, तो भी एनर्जी नीडेड होती है टू मेंटेन अ ऑर्डर ऑफ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन अवर बॉडी। वी ऑल्सो नीड मटीरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, आउटसाइड से भी हमको देखो मटीरियल चाहिए होता है, ग्रो डेवलप सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंस नीडेड इन द बॉडी। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटीरियल, एनर्जी और मटीरियल जो होता है ना वो फूड ही होता है जो हम खाते हैं, ये चाहिए हमको और यही क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, तो अब जो है ना आपने बचपन में जो पढ़ी ना कि ऑटोट्रॉफ जो होते हैं ना वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, दे मेक देयर फूड बाय देयर ओन, ये सब नहीं लिखना है डेफिनेशन। अब देखो कितनी अच्छी डेफिनेशन है, उसके बारे में बात करेंगे कि लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उनमें से कुछ ऑटोट्रॉफ होते हैं और कुछ हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, तो इसमें लिखना क्या है वो देखो। ऑटोट्रॉफ जो होते हैं ना इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स भी होते हैं और सम बैक्टीरिया होते हैं, इनको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। ये क्या करते हैं इनका ढंग से समझना, यूज सिंपल फूड मटीरियल यूज करते हैं, और कहां से मिलता है इनको, ये ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यहां से इनको मिलता है, इनऑर्गेनिक सोर्स से मिलता है। अब बच्चे पूछते हैं सर इनऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक वो होता है जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन एक साथ नहीं होना चाहिए, ये इनऑर्गेनिक होता है, और अगर कार्बन हाइड्रोजन एक साथ हैं तो वो ऑर्गेनिक हो जाता है। यहां पे जब आप CO2 को देखोगे ना तो सी के साथ एच नहीं आ रहा है, ओ आ रहा है, और वाटर को देखोगे ना तो एच आ रहा है लेकिन सी नहीं आ रहा, बैठ गई बात। तो ये क्या करते हैं, ये सिंपल फूड मटेरियल यूज करते हैं इनऑर्गेनिक सोर्स से, और कौन कौन से हैं वो, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये होते हैं ऑटोट्रॉफ। और ऑटोट्रॉफ का एग्जांपल पूछे तो ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। अदर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस यूज करते हैं, यानी जो प्लांट होते हैं ऑटोट्रॉफ जो होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट और सम बैक्टीरिया की हमने बात की, ये सिंपल यूज करते हैं, और जो अदर होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस यूज करते हैं, और वो कौन होते हैं, वो हेटरोट्रॉफ होते हैं, एनिमल्स हो गए, उसके एग्जाम्पल ये दे दिए इसमें, एनिमल्स एंड फंगी। आगे देखो क्या होता है, दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज जो होते हैं ना जो अदर ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस, ये पहले कॉम्प्लेक्स से टूट के सिंपल में जाना चाहिए, और हमने कहा कि ऑटोट्रॉफ तो पहले से ही सिंपल वाला यूज करते हैं, तो ये डेफिनेशन आपको देनी है यहाँ पे, ठीक है। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स, तो ये कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में कैसे तोड़ देते हैं हेटरोट्रॉफ्स, ये तोड़ते हैं एंजाइम्स, वो होते हैं बायोकैटलिस्ट। जैसे ही आप कुछ खाते हो ना, आपकी बॉडी में आपने इनटेक किया, तो वो जैसे फूड अंदर जाएगा ना तो ये एंजाइम्स जो है ना ये आ जाते हैं और ये उसको ब्रेक डाउन करना चालू कर देते हैं। एंजाइम्स के बारे में ये बताया गया है या बायोकैटलिस्ट के बारे में ये बताया जाता है कि कई बार टीचर बोल देता है कि ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, नहीं, ये रिएक्शन की स्पीड को कम भी कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको तो ये लिखना है कि ये रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर देते हैं, समझ में आया, बढ़ा भी देते हैं घटा भी देते हैं, तो ये सब नहीं लिख के इतना सही लिखना है कि बायोकैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर देते हैं, और बायोकैटलिस्ट क्या कहलाते हैं, एंजाइम्स कहलाते हैं। अब देखो जैसे आपको भूख लगी है तो ये एंजाइम्स है ना, आपने कुछ खाया, आलू खाया, ब्रेड खाया, कार्बोहाइड्रेट्स जो भी खाए, ये आके यहाँ पे उसको ब्रेक करना चालू कर देते हैं, समझ में आ रही बात आपको, ठीक है, और आपकी भूख जो है ना वो खत्म हो जाती है। लेकिन दूसरा केस स्टार्ट होता है कि सपोज करो किसी ने टायर खा लिया, किसी ने पॉलीथीन खा ली, तो ये एंजाइम्स क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि इसके आगे देखो क्या लिखा है, बायो कैटलिस्ट, ये ऐसी चीजें ही तोड़ेंगे जो बायोलॉजी से रिलेटेड है, ऐसे नहीं कि आपने पॉलीथीन खा ली, टायर खा लिया, कांच खा लिया, लोहा खा लिया और ये बायो कैटलिस्ट आ गया उसको तोड़ दिया, नहीं, ठीक है, आगे चले। दस द हेटरोट्रॉफ सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ, तो हेटरोट्रॉफ जो होते हैं ना वो ऑटोट्रॉफ पे ही डिपेंड होते हैं, और हेटरोट्रॉफ जो होते हैं ना वो कौन कौन होते हैं, एनिमल एंड फंगी होते हैं, और हम लोग भी इसी के अंदर आते हैं। तो अब ये चीज़ याद रखोगे कि ऑटोट्रॉफ सिंपल फूड मटीरियल यूज करते हैं और हेटरोट्रॉफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यूज करते हैं। आगे चलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अब ऑटोट्रॉफ की बात आ रही है उसको देखते हैं। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस, जितने भी ऑटोट्रॉफ होते हैं ना ये अपनी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होते हैं ना ये फुलफिल कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, बाहर से लेते हैं ये भी और कन्वर्ट कर देते हैं स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में। बाहर से अब देखो क्या कहलाते हैं, पहली चीज कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर, और तीसरा सनलाइट, और चौथा क्लोरोफिल, दिख रहा है आपको ये चारों चीजें, और ये क्या बना लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स बना लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट, कार्बोहाइड्रेट्स को ही वो यूटिलाइज करते हैं और उनसे उनको एनर्जी मिलती रहती है प्लांट को,
आगे देखो, द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन. जो भी प्लांट ने कार्बोहाइड्रेट्स बनाया है और उसने वो अगर इमीडिएटली यूज अप नहीं किया तो वो उसको स्टोर कर लेता है, और स्टोर फॉर्म क्या कहलाती है? स्टार्च कहलाती है. भूलोगे तो नहीं, फ्लो देखो कितना अच्छा बन रहा है. जो भी कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट ने बनाए वो स्टोर कर लिया, और स्टोर फॉर्म क्या कहलाता है? स्टार्च कहलाता है. याद रखोगे. आगे देखो, विच सर्व एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज एज एंड वैन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट. जब भी प्लांट को रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, ये इंटरनल एनर्जी प्लांट के पास पड़ी और यहाँ से ले लेता है. अ समवॉट सिमिलर सिचुएशन इज सीन इन अस वेयर सम ऑफ द एनर्जी ड्राइव फ्रॉम द फूड वी ईट इज स्टोर्ड इन अवर बॉडी. हम लोग भी कुछ ऐसा कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. कहाँ पे? लीवर में. समझ में आ गई बात? तो प्लांट ने भी स्टोर कर लिया, और जो स्टोर फॉर्म है ना उसको क्या बोलते हैं? स्टार्च बोलते हैं. तो इसको भूलना नहीं, स्टार्च बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार नाम आएगा. तो हम लोग भी ऐसा कर लेते हैं, प्लांट भी ऐसा कर लेते हैं. आगे चलते हैं. अब देखो रिएक्शन को, बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद होनी चाहिए कि प्लांट ने क्या लिया. CO2 लिया, H2O लिया. क्या थे ये? इनऑर्गेनिक सोर्सेज हैं. और क्या लिया? क्लोरोफिल और सनलाइट लिया, और क्या बना लिया? ग्लूकोज बना लिया. थोड़ी देर पहले वो कार्बोहाइड्रेट बोल रहा था, अब ग्लूकोज बोल रहा था, है ना? तो इसका मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ. कार्बोहाइड्रेट्स को शॉर्ट फॉर्म में कार्ब्स बोलते हैं, और ग्लूकोज और स्टार्च ये कार्बोहाइड्रेट्स की ही फॉर्म होती है. समझ में आ गया? भूलोगे तो नहीं. चले आगे. तो इस रिएक्शन को याद कर लेना. लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली में होता क्या है, तो उसकी ये बात कर रहा है. तो पहले क्या बोलता है कि क्लोरोफिल होता है प्लांट के अंदर, वो लाइट एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्प्शन कर लेता है. यानी क्लोरोफिल जिसके पास होगा ना, वही लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा. लाइट एनर्जी कौन सी? सनलाइट एनर्जी. ठीक है. नेक्स्ट काम क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. अब लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें हो रही? केमिकल एनर्जी में. और एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है, हमको मालूम. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और वाटर मॉलिक्यूल जो होता है ना, ये वाला, ये स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. तीसरा देखो क्या काम होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स. अब कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ? फिर देखो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको. इस ग्लूकोज को ही उसने कार्बोहाइड्रेट्स बोला है. रिडक्शन होता है, क्या होता है रिडक्शन में? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, ये कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज हो जाता है या ग्लूकोज में चेंज हो जाता है. इसको रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं. हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी कि रिडक्शन तब होता है जब गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो उसको हम रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं. और ऑक्सीडेशन को हम तब बोलेंगे जब ऑक्सीजन का गेन और हाइड्रोजन का रिडक्शन. तो ये तो हमको अभी नहीं लेना है, इसको लेना है. हाइड्रोजन का गेन हुआ है क्या? देखते हैं कि ये CO2 था और उधर जाके सी कहाँ? ये रसी. तो इसके पास कौन आ गया? हाइड्रोजन आ गया, विच मीन्स रिडक्शन रिएक्शन हो गई. क्यों हुई? क्योंकि हाइड्रोजन का गेन हो गया. नाम ऐसा है कि हाइड्रोजन का गेन हो गया, लेकिन गेन हो रहा तो भी हम उसको रिडक्शन बोल रहे हैं. समझ में आई बात? याद रखोगे. चले आगे. दीज स्टेप नीड्स नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली. ये सब स्टेप है ना, एक के बाद एक नहीं होते. ऐसा नहीं कि आपने जो फर्स्ट नंबर लिख दिया ये ही पहले होगा, ऐसा कुछ नहीं है. ये पहले हो सकता है, ये पहले हो सकता है, कोई भी नंबर वन पे आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल, डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट. डेजर्ट प्लांट होते ना जो डेजर्ट में मरुस्थलीय, ये रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और इंटरमीडिएट एक प्रोडक्ट बना लेते हैं. इंटरमीडिएट में बीच का प्रोडक्ट बना लिया, और जब भी उनको एनर्जी मिली ना दिन में, तो वहां से वो क्लोरोफिल वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और फाइनल फूड बन जाएगा उनका. समझ में आ गई? आगे देखो, हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द अबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ अंडर माइक्रोस्कोप, यू विल नोटिस दैट सम सेल कंटेन ग्रीन डॉट्स. कुछ सेल ऐसी हैं जिनके पास ग्रीन डॉट है. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो ग्रीन डॉट हैं, छोटे 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 छोटे, है ना? दीज ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनेल्स. सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब होता है कोशिकांग, यानी आंग, यानी अंग उनके कुछ. तो ये एक अंग का काम करते हैं एक टाइप से. तो इन सेल ऑर्गेनेल्स को क्या बोलते हैं हम? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं. अभी क्लोरोफिल का नाम आया, अब क्लोरोप्लास्ट का आया. कन्फ्यूज मत होना, सब बता दूंगा. सबसे पहले देखो, इनके पास ग्रीन डॉट दिख रहे हैं आपको, ये ग्रीन डॉट क्लोरोप्लास्ट भी कहलाते हैं और सेल ऑर्गेनेल्स भी इनको बोल सकते हैं. इनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है इन ग्रीन डॉट्स के अंदर. तो एक बार अच्छे से डायग्राम को देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं. तो देखो इस डायग्राम को बहुत अच्छे से, सबसे पहले ये एक लीव है. इस लीव में देखो आपको एक रेड कलर दिख रहा होगा, एक ब्लू कलर, रेड ब्लू रेड ब्लू. ये रेड ब्लू क्या क्या होते हैं? जो रेड वाला ना वो तो फ्लोएम है, वस्कुलर टिश्यूज होते हैं, आगे पढ़ेंगे अपन. और ब्लू वाला जो होता है ना वो जाइलम होता है. यहां तक बैठा? आगे इसमें मिडरिब भी है, वेन भी है, लैमिना भी है और लीफ ब्लेड भी है. ये सब आप नाम याद होने चाहिए. दूसरा देखो, यहाँ पे इसने एक सर्कल कर रखा है, आपको बहुत अच्छे से दिख रहा हूँ. इस सर्कल को इसने पता क्या किया है? बड़ा किया है, मैग्नीफाइड इमेज दिखाई है, और वो बड़ा होकर ये मैग्नीफाइड इमेज ऐसी दिखाई देती है हमको. इसमें हम जो ग्रीन डॉट की जो बात कर रहे थे ना, ये ग्रीन डॉट, इनको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट या फिर सेल ऑर्गेनल बोलते हैं. बैठ गई बात? अब ये जो पत्ती इसने बड़ी की है ना लीव्स को, इसका एक ऊपर वाला हिस्सा भी दिख रहा होगा, एक नीचे वाला हिस्सा भी है. देखो दो हिस्से होते हैं. तो ऊपर वाला हिस्सा जो होता है ना वो
अपर एपिडर्मिस कहलाता है और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो लोअर एपिडर्मिस कहलाता है। ये जब पूरा डायग्राम देखोगे ना एक साथ, तब आपको ऐसा दिखेगा। ये पूरा डायग्राम यहाँ से लेके यहाँ तक ये है, जिस जो इसने मैग्नीफाइड लेंस से बड़ा करके अपन को दिखाया है, समझ में? ऊपर और नीचे वाला। इसमें देखो क्लोरोप्लास्ट भी आ गया, एयर स्पेसिस भी आ गया, गार्ड सेल भी आ गया और ये लोअर एपिडर्मिस भी आ गया। अभी जो आपका सैंपल पेपर आया था ना 2022 और 23 के लिए CBSE का, उसमें ये पूछा था कि इसमें से सबसे ज़्यादा वाला कौन सा पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस करता है मैक्सिमम। तो ये वाला मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करता है, ये एवरेज करता है, ये मिनिमम आ गया, और ये वाला पार्ट जो होता ना अपर एपिडर्मिस, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसके पास आपको कहीं पे ग्रीन डॉट दिख रहे हैं, नहीं है। ब्लू वाले जरूर दिख रहे हैं, ग्रीन नहीं है। जो मैक्सिमम ग्रीन आप काउंट करो देखो आपको यहीं पे मिलेगा। तो ये मैक्सिमम हो गया, ये एवरेज फोटोसिंथेसिस हो जाता है यहाँ पे। पहला पार्ट ये हो गया ऊपर वाला, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा लोअर एपिडर्मिस हो गया। समझ में आया? पहला कौन सा हो गया? ये वाला हो गया, अपर वाला। तो याद रखोगे, ऐसा पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम कौन सा फोटोसिंथेसिस करता है। तो इसमें आपको देखो यहाँ पे तीन ग्रीन डॉट यहाँ हैं, दो यहाँ पे हैं, यानी ये मिनिमम करता है मतलब, ठीक है। ये एवरेज वाला यहाँ पे आ गया। और ये किस चीज़ का डायग्राम है, ये आपको नाम याद होना चाहिए। क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीफ होता है, पूरा क्रॉस सेक्शन है ये, और फिर इसको बड़ा करके यहाँ से उसने दिखा दिया, तो ये डायग्राम बन गया। याद रखोगे? चले आगे। आगे देखो क्या कह रहा है, लेट अस डू एन एक्टिविटी विच डेमोन्स्ट्रेट दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फिर वो कुछ एक्टिविटी करेगा जहाँ पे वो ये बताएगा कि फोटोसिंथेसिस वही कर सकते हैं जिनके पास क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है, विच कंटेन्स क्लोरोफिल। बैठ गई बात, चलें आगे। अब देखो ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक्टिविटी का एक एम होता है। इस एक्टिविटी की बात करें ना कि इसका क्या एम है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। अभी अपन ने पढ़ा था कि प्लांट के पास एक स्टोर फॉर्म में भी वो एनर्जी कर लेता है, उसको हम स्टार्च बोलते हैं। तो स्टार्च का अगर हमको पता लगाना होता है ना, तो हम आयोडीन टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट? आयोडीन टेस्ट। अगर हम आयोडीन टेस्ट करेंगे ना, और अगर किसी के पास स्टार्च है, तो वो ग्रीन कलर से कैसा हो जाएगा? ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। इस एक्टिविटी का एम पता चला आपको? वेरी गुड, चलते हैं आगे। टेक अ पॉटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीव्स, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट एंड क्रोटोन्स। कह रहा है कि जो लीव्स ले रहे हो ना, वो आप मनी प्लांट की या क्रोटोन्स की लो, इन्हीं की क्यों ली? तो इसमें देखो कुछ पार्ट आपको इसका ग्रीन दिखेगा जो खाना बना लेता है, और बाकी बचा हुआ पार्ट जो है ना वो खाना नहीं बना पाता, फूड नहीं बना पाता। बैठ गई, इसलिए हमने ये लीव्स ली हैं। कीप द प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर 3 डेज सो दैट ऑल द स्टार्च गेट्स यूज्ड अप। अब क्या यूज हो रहा है? देखो उसको जब डार्क रूम में रखोगे ना, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास सनलाइट नहीं है, है ना? तो उसके पास जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी जो था ना, वो स्टार्च था, तो वो यूज्ड अप हो जाएगा। बैठ गया यहाँ से। आगे देखो, कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर्स। अब उसको 6 घंटे के लिए वापस, प्लांट को 6 घंटे के लिए रखो धूप के अंदर। फिर क्या, जब वो खाना बना लेगा ना अपना, वापस से फोटोसिंथेसिस हो जाएगा ना। तो आप एक चीज भूल रहे हो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली उसने कि जब 6 घंटे के लिए रखोगे ना, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस तो कर लेगा, लेकिन अगेन क्या कर लेगा? स्टोर कर लेगा। और किस फॉर्म में कर लेगा? वापस स्टार्च फॉर्म में कर लेगा। ये ध्यान रखना कि जब भी प्लांट खाना बनाता है ना, तो वो इंटरनल एनर्जी रिजर्व रखता है अपनी, स्टोर कर लेता है। और किस फॉर्म में? स्टार्च में। तो वापस जब हमने उसको सनलाइट में जैसे ही रखा ना, तो कुछ पार्ट उसने स्टोर भी कर लिया। अब जैसे उसने स्टोर किया ना, तब आपको बोल रहा है कि आप लीफ को तोड़ो प्लांट में से, एक लीफ को प्लक कर लो और मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर। ट्रेस करो उसको एक पेपर लेके कि भाई कहाँ कहाँ ग्रीन डॉट था। तो एक पेपर लो और इसी पे ये लीव ऐसे पटक दो यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ट्रेस कर देना। डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर ए फ्यू मिनट्स। अब वाटर को है ना बॉइल करो बर्नर से, और इसके अंदर ये लीफ पटक दो। पटक दी। आफ्टर दिस इमर्स इट इन अ बीकर कंटेनिंग अल्कोहल। अब इस लीफ को एक और दूसरा कंटेनर जिसके अंदर हमने अल्कोहल भी डाल रखा है, उसके अंदर पटको इसको। केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन ए वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगन्स टू बॉयल। और तब तक पटके हुए रखो जब तक अल्कोहल बॉयल नहीं हो जाता। समझ में आया? व्हाट हैपन्स टू द कलर ऑफ लीफ? क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा मेरे बेटे, लीफ का कलर। लीफ की कलर की बात करूँ, ये जो लीफ पड़ी है ना, ये कलरलेस हो जाएगी। वॉट इज द कलर ऑफ द सोल्यूशन? और ये जो एल्कोहल का सोल्यूशन था ना, इसका कलर कैसा हो जाएगा? ये ग्रीन कलर हो जाएगा, क्योंकि लीफ के अंदर जो ग्रीन डॉट थे वो इसके अंदर आ गए। क्यों आ गए? खाली पानी में गर्म नहीं किया है, एल्कोहल में भी गर्म किया है, ठीक है। तो लीफ का कलर तो कलरलेस हो गया, और सोल्यूशन का कलर कैसा हो गया? ग्रीन कलर हो गया। नाउ डिप द लीफ इन अ डायल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर अ फ्यू मिनट्स। आयोडीन में डालो।
Take out the leaf and rinse off the iodine solution. Observe the color of the leaf and compare this with the tracing of the leaf done in the beginning, or what can you conclude about the presence of starch in various areas of the leaf. स्टार्च की ही प्रेजेंस के बारे में पूछ रहा है कि फूड जो स्टोर किया वापस जब हमने 6 घंटे के लिए रखा तो क्या उसका स्टार्च था, तो हमने बोला कि हाँ स्टार्च था, और जैसे ही हमने इसके ऊपर आयोडीन डाला, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम आयोडीन लेके डाला पटका, तो उसने अपना कलर चेंज करके कैसा हो गया, ब्लू ब्लैक हो जाता है। ढंग से देखोगे ना आपको तो इसको ब्लू ब्लैक मिलेगा आपको। ये एक्टिविटी खाली 10th क्लास में नहीं, 7th क्लास में भी है। तो ये बन गया, तो आयोडीन टेस्ट जब भी करेंगे ना, और अगर स्टार्च प्रेजेंट होगा तो लीव अपना कलर चेंज करके ब्लू ब्लैक कर लेगी। लेकिन दो काम साथ में और करने, पहले पानी के साथ गर्म करना है और फिर अल्कोहल के साथ गर्म करना है। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, दूसरी चीज, स्टार्च कहाँ कहाँ पे स्टोर होता है, बच्चे वो पूछ लेते हैं। तो स्टार्च लीव्स में भी स्टोर हो जाता है, स्टेम में भी हो जाता है, और रूट में भी हो जाता है। याद रखोगे स्टार्च कहाँ कहाँ स्टोर होता है। आगे चलते हैं, आगे देखो क्या बोल रहा है। हाउ द प्लांट ऑब्टेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है। तो जवाब है, लीव्स की सरफेस पे छोटे छिद्र होते हैं, टाइनी पोर्स, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। याद रहेगा, यहां से होता है। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, यानी गैस एक्सचेंज हो रही है, CO2 तो ले रहा है, O2 दे रहा है, किस पर्पज के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। बट एक चीज इंपॉर्टेंट और है कि खाली लीव्स ही ऐसा नहीं करती गैस का एक्सचेंज, स्टेम्स भी करते हैं, रूट्स भी करते हैं। जैसे हमने कहा था स्टार्च जो होता है वो खाली लीव्स पे स्टोर नहीं होता, स्टेम में भी होता है, रूट में भी होता है। आगे देखो, सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दिस स्टोमेटा, यहां से वाटर का लॉस भी होता रहता है। जैसे ही अपना मुंह खोलता है तो वाटर का लॉस्ट होता है। तो द प्लांट क्लोजेस दिस पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, तो ये क्लोज कर लेता है अपने स्टोमेटा पोर्स को। तो ये करता कैसे उसको देखते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स, आपको दिख रही है कहीं पे गार्ड सेल्स, ये रही। तो ये काम करता है CO2 और O2 लेने के लिए, ये खोलता है। तो ये गार्ड सेल हमने ये देखी, तो एक गार्ड सेल ये रही, दूसरी गार्ड ये सेल्स ये रही। यहाँ से एयर जाने का रास्ता है, ये एयर स्पेसिस दिख रहा है, देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी रहता है अपर एपिडर्मिस पे भी, लेकिन यहाँ थोड़ा कम है यहाँ पे, और यहाँ थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। तो ये दोनों गार्ड सेल्स आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है, एक और दो। तो ये ओपन और क्लोज होती है, लेकिन ये ओपन और क्लोज होती कैसे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ने के लिए। तो कह रहा है द गार्ड सेल्स स्वेल, फूल जाती हैं व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, जब भी वाटर उनके अंदर चलेगा ना तो वो फूल जाएगी। जैसे हमने कई बार देखा कोई सॉफ्ट पाइप होता है, उसके अंदर अगर पानी चल रहा तो वो फूल गया, लेकिन नहीं चल रहा तो वो पिचक गया, समझे। तो ये देखो ये आपको फूला हुआ दिखाई देगा डायग्राम, दूसरा डायग्राम देखो आपको चिपका हुआ दिखाई देगा, फूला हुआ है ना। तो क्यों फूला हुआ है, क्योंकि वाटर फ्लोज इनटू देम causing the stomatal pores to open, जब वाटर इनके अंदर फ्लो होगा तो stomatal pores क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। सिमिलरली द पोर क्लोजेज इफ द गार्ड सेल्स श्रिंक, ये श्रिंक हो गई है यहाँ पे, और इसमें आपको यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी दिखाई दे रहा होगा, ग्रीन डॉट दिखाई दे रहे हैं, है ना, अच्छे से। तो अच्छे से डायग्राम याद करके जाना, पूछ सकता है वो आपसे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इसका एम क्या है कि हमको टेस्ट करके बताना है कि CO2 नीडेड क्यों है फोटोसिंथेसिस के लिए। और फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है, फोटो का मींस लाइट और सिंथेसिस का मतलब पुटिंग टुगेदर या फिर बनाना। तो लाइट से कुछ बनाना या लाइट से चीज़ों को इकट्ठी करना, पुटिंग टुगेदर करना वो। तो इस एक्टिविटी में क्या बोल रहा है, दो प्लांट लीजिए, हमने प्लांट ले लिए हैं और डार्क रूम में रख दिया 3 डेज के लिए उसको। और यहाँ पे एक कटोरी आपको दिख रही होगी, इस कटोरी में हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले रखा है और दूसरे प्लांट के पास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या होता है, जैसे हमने इसको देखो बैल जार से कवर किया ना दोनों प्लांट को, तो यहाँ पे जो CO2 जो थी ना दोनों के पास में, वो तो रहेगी ना CO2, लेकिन ये KOH पता क्या कर लेगा, ये सारी CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, यहाँ लिखा हुआ है ये रहा। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू कवर कार्बन डाइऑक्साइड। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि इस कटोरी में क्या लिया गया है, ठीक है, तो CO2 लिया गया है, तो इसने क्या किया CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया और कोई नया कंपाउंड बना लिया होगा। अब इसके पास है ना प्लांट के पास में, फर्स्ट के पास में CO2 नहीं है, बैठ गई बात अच्छे से, क्यों, क्योंकि इसने KOH ने पूरी एब्जॉर्ब कर ली है। और क्या बोल रहा है कि यूज़ वैसलीन टू सील द बॉटम, अब है ना बॉटम पे भी इनके ना कुछ वैसलीन वगैरह लगा दो ताकि एयर टाइट हो जाए। कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर्स, अब इनको है ना सनलाइट पे रखो 2 आवर्स के लिए, क्योंकि अब खाना तो बनाएगा ना तो सनलाइट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अब इसके पास में CO2 नहीं है, बस इतनी सी बात है। तो अब कह रहा है प्लग द लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द अबव एक्टिविटी, क्या निकल के आता है, कॉन्क्लूड क्या निकलता है। तो उस कॉन्क्लूड का मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिख दिया है आपके लिए बहुत अच्छे से, रेडी रेफरेंस, ताकि आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। क्या लिखा है, द प्लांट इन द जार विद द KOH डज नॉट गेट एनी CO2, ठीक है ना, जिसके पास में KOH था ना उसको CO2 नहीं मिलेगी।
सो व्हेन वी परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट, अब हम क्या करेंगे, आयोडीन टेस्ट करेंगे, क्यों करते हैं आपको मालूम है, ब्लू ब्लैक कलर करने के लिए, ओनली फ्रॉम दिस प्लांट इट विल टेस्ट नेगेटिव फॉर स्टार्च, ये नेगेटिव जवाब देगा हमको स्टार्च के लिए, नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि ब्लू ब्लैक कलर नहीं देगा ये हमको, पता चल गया ना, दिस प्रूव दैट फोटोसिंथेसिस डिड नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ CO2, ये लिख के आना होता है वहाँ पे। और दूसरा वाला जो था ये वाला, जिसके पास तो CO2 थी, इसको भी हमने सनलाइट पे रखा 2 hours के लिए या 2 days के लिए जो भी है, तो इसने क्या लिखा है, द लीव इन द अदर प्लांट विदाउट KOH है ये, ठीक है ना, विल द टेस्ट पॉजिटिव फॉर स्टार्च, अगर हम आयोडीन टेस्ट करेंगे ना तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा, यानी ये क्या देगा, ब्लू ब्लैक कलर देगा हमको, बैठ गया, यही लिख के आना है आपको वहाँ पे। आगे देखो क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन द टू एक्टिविटीज परफॉर्म्ड अबव, अब हमने दो एक्टिविटी कर ली, एक तो हमने ये एक्टिविटी कर ली 6.2 वाली और एक हमने 6.1 की थी जिसमें हमने ब्लू ब्लैक कलर देखा था, तो इन दोनों एक्टिविटी के बेस पे वो बोल रहा है कि कैन वी डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, क्या सनलाइट भी जरूरी है क्या फोटोसिंथेसिस के लिए, इसके लिए अभी तक हमने एक्टिविटी नहीं की है, तो इसकी एक्टिविटी यहाँ पे मैंने कर रखी है आपके लिए, छोटी क्लासेस के अंदर दे रखी है, क्या करना है ढंग से समझ लेना, इस एक्टिविटी का एम क्या है कि वेदर सनलाइट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, मटेरियल क्या ले लेकर दिख रहा है आपको, हमने सबसे पहले क्या किया, ये प्लांट जो दिख रहा है ना आपको, इस पर हमने यहाँ पे ब्लैक चार्ट पेपर से इसको कवर कर दिया, दिख रहा है आपको इतनी सी लीव्स को, तो ये तो कवर पार्ट हो गया और बाकी जो लीव्स हैं वो अनकवर्ड हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो फोटोसिंथेसिस कर लेगी, उनको तो सनलाइट मिलेगी, फिर हम क्या करेंगे, आयोडीन टेस्ट करेंगे, ये देखो आयोडीन ले रखा है, दिख रहा है आपको बहुत अच्छे से, तो जब हम इसका आयोडीन टेस्ट करेंगे ना तो इसका रिजल्ट जो है ना यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है, यू विल फाइंड दैट ओनली द अनकवर्ड पार्ट्स, ये अनकवर्ड 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 और ये सब अनकवर्ड पार्ट ऑफ द लीव हैव स्टार्च, इन सब का स्टार्च होगा, और इसका भी करेंगे ना तो देखो इस पर आपको ना इतने से पे कोई कलर चेंज नहीं मिलेगा और इसका ब्लू ब्लैक कलर हो गया, बैठ गया बहुत अच्छे से, ईजी सी थी, तो लिख के क्या आना होता है, ये लिख के आना होता है वहाँ पे, चले आगे, तो हमारी ये एक्टिविटी भी हो गई है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, कर लेना, आगे देखते हैं, सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ ऑटोट्रॉफ्स मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, अब हमको पूरा अच्छे से पता चल चुका है कि ऑटोट्रॉफ अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करते हैं, बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी, अब उनको रॉ मटेरियल भी चाहिए बॉडी बिल्ड करने के लिए, ठीक है, वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस टेकन अप, वाटर कहाँ से लिया जाता है, सॉइल से लिया जाता है, किसके थ्रू लिया जाता है, रूट्स के थ्रू लिया जाता है, इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल मतलब जो स्थलीय प्लांट होते हैं जो जमीन पर होते हैं, ठीक है, तो रूट्स लेता है सॉइल से वाटर, बैठ गई, अदर मटेरियल्स भी चाहिए होते हैं लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस आयरन मैग्नीशियम, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल, ये भी सॉइल से ही लिया जाता है, यानी वाटर और ये चारों चीज़ें और भी जो हैं ये सॉइल से लिए जाते हैं, ये सारे क्या हो गए, मिनरल ही तो हो गए और क्या, नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, नाइट्रोजन है ना बहुत एसेंशियल होता है जो प्रोटीन को बनाता है एंड अदर कंपाउंड्स को बनाता है, दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, अब देखो हमारे एनवायरमेंट में है ना 78% नाइट्रोजन है, ठीक है ना, आप बोलोगे सर इस प्लांट के पास तो नाइट्रोजन इतनी पड़ी है तो ये ले लेगा, ये फालतू की हरकतें क्यों कर रहा है, तो प्लांट को ना नाइट्रोजन नहीं चाहिए, ठीक है, प्लांट को नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स चाहिए इनऑर्गेनिक फॉर्म में, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चाहिए, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स यूरिया, इन सब के अंदर आपको ना नाइट्रोजन मिल जाएगा, ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये तीन हैं मैंने आपके लिए रेडी रेफरेंस के लिए लिख दिया ताकि आपको इधर उधर भागना नहीं पड़े, और इनऑर्गेनिक जो नाइट कंपाउंड्स होते हैं ना जैसे नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स वो प्लांट को चाहिए होते हैं, डायरेक्ट नाइट्रोजन प्लांट नहीं लेता, तो इसके पास अब प्लांट के पास में दो केस होते हैं कि ये ले कैसे, तो ये जो चीज़ है ना इनऑर्गेनिक वाली ये तो क्या होता है जब लाइटनिंग होती ना तड़ित बिजली कड़कती है तो बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं बेटा ऐसे, ठीक है ना, तो वहाँ से ये मचका लेता है प्लांट, और या फिर क्या होता है कि प्लांट के ना रूट पे ये जो रूट जाएंगे इसके इस पे छोटे छोटे बैक्टीरिया लगे हुए होते हैं, इस रूट पे ये गोल गोल ऐसी गांठें बनी हुई होती है जिसको हम बोलते हैं रूट नोड्यूल्स, इसके अंदर एक बैक्टीरिया रहता है जिसको बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है, ये क्या करता है एनवायरमेंट की नाइट्रोजन लेता है और उसको नाइट्रेट में बदल देता है, ये रहा एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, समझ में आ गया, चले आगे, अब देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये कितने टाइप का होता है, देखो सैप्रोट्रॉफिक होता है, होलोजोइक होता है, पैरासिटिक होता है, होलोजोइक के अंदर हम लोग आते हैं, ये ह्यूमन लिखा हुआ है यहाँ पे, और बाकी के एग्जांपल उसने बुक में दे रखे हैं तो अपन को उसको बुक में ही देख लेंगे, द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटीरियल एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन बाय द ऑर्गेनिज्म, क्या कह रहा है कि कुछ फूड सोर्स जो होते हैं ना वो स्टेशनरी होते हैं, जैसे घास है स्टेशनरी कहीं जा नहीं सकती, और कुछ मोबाइल होते हैं जैसे डियर है हिरन, ठीक है, और हम लोग हैं, अलाउड डिफरेंस
Then how the food is accessed and what is the nutritive apparatus used by a cow and a lion. There is a range of strategy by which the food is taken in and used by the organism. सबसे पहला ये important. Some organism break down the food material outside. क्या करते हैं? Food material को बाहर ही break down कर देते हैं the body and then absorb it. और उसके बाद उसको absorb करते हैं. कौन कौन से होते हैं? Fungi like bread molds, yeast and mushroom. इसको बोलते हैं saprotrophic. ये वाला saprotrophic के अंदर आता है. ठीक है? नेक्स्ट है हमारा सेकंड, वो यहां से चालू होगा. अदर्स टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडी. वो पूरा ही मटेरियल अंदर ले लेते हैं और अंदर ब्रेक डाउन करते रहते हैं. ये आता है होलोजोइक के अंदर, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है उसके अंदर हम लोग आते हैं. अमीबा आता है, कैट, डॉग. ठीक है, तीसरा आता है यहां पे, इसको बोलते हैं पैरासिटिक. सम अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम. देखो, किल नहीं करते हैं. जैसे है ना, हमारे बालों में जूं रहती है, देखा होगा आपने, तो वो हमको किल नहीं करती है, हम ही से न्यूट्रिशन लेती रहती है. तो ये तो हो गया एनिमल. और कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं, जैसे अमरबेल होता है, कस्कुटा है ना, और भी नाम लिखा है, टिक्स, जूं, चींचड़ी, लाइस, लीचेस, टैप वॉर्म्स, फीताकर्मी. तो इस टाइप के वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इस टाइप के हैं. तो प्लांट और एनिमल दोनों हो सकते हैं. ये पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी होती है इनकी. प्लांट और एनिमल दोनों हो सकते हैं, ध्यान रखना. आगे चलते हैं. नेक्स्ट देखो, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन अब मिलता कैसे है इनको? तो हम बोल रहे हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है अमीबा. अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है तो ये देखता है. ये बोलता है कि फिंगर लाइक एक्सटेंशन बना लेता है और वो फूड पार्टिकल को पूरा कवर कर लेता है, जिसको हम फूड वॉक्यूल भी बोलते हैं. तो एग्जाम्पल डायग्राम को देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा. ये देखो, ए के अंदर क्या था, ये फूड पार्टिकल दिख रहा है आपको रेड कलर का, ठीक है ना. सेकंड केस में इसने क्या किया, जब इसको पता चला कि यहाँ पे फूड पार्टिकल है, तो इसने सूडोपोडिया बना लिया, जिसको बोलते हैं फिंगर लाइक एक्सटेंशन. नकली की बनी है ये. सूडो मींस फॉल्स होता है. तो ये देखो, अब धीरे धीरे कवर करने की कोशिश कर रहा है ना. और यहाँ पे देखो, इसने कवर कर लिया, जिसको बोलते हैं एनगल्फ. एनगल्फ मींस टू कवर समथिंग. और जैसे ही इसने एनगल्फ किया या कवर किया, तो इसको बोलते हैं फूड वॉक्यूल. ये पूरा कवर हो गया है फूड, अब ये अंदर चला गया. लेकिन ये कैसा होता है? ये होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, है ना. और ये डिफ्यूजन होता क्या, मैं कई बार बता चुका हूँ आपको. मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. ये मेरा कोई अमीबा है, यहाँ पे फूड पार्टिकल है, यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है. तो डिफ्यूजन के जरिए यहाँ पे चला जाएगा. समझ में आ गई बात? अब जब इसको, अगर मान लो अमीबा को ऑक्सीजन लेनी होगी, तो देखो ऑक्सीजन यहाँ ज़्यादा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, यहाँ लो कॉन्सेंट्रेशन में है, तो ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ चली जाएगी. अब इसको अगर CO2 निकालनी है अमीबा को, तो इसके पास CO2, अब देखो ज़्यादा कहाँ हो गई, यहाँ हो गई, यहाँ ज़्यादा मत कर देना बाहर CO2, यहाँ CO2 कम है. तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. तो CO2 यहाँ से यहाँ चली जाएगी. क्यों? क्योंकि इसका CO2 उसकी जो सेल ने बनाई है, वो उधर ज़्यादा हो गया कॉन्सेंट्रेशन में. जैसे बलून, बलून जब फूटता ना, तो उसकी हवा बाहर ही क्यों निकलती है? और क्यों फूटा वो? अंदर ही रहना चाहिए, क्योंकि उस बलून के अंदर हमने हवा डाली है, प्रेशर क्रिएट कर दिया. हमारे आसपास हवा का प्रेशर कम था या एयर का प्रेशर कम था, हमने जबरदस्ती भरी है उसके अंदर. समझ में आ रही है बात? तो जब वो फूटेगा तो हवा कहाँ जाएगी? समझ में आई? तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस क्या हुआ, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. बलून फूटा तो हवा सारी सारी आ गई, तो वैसे CO2 इसके पास ज्यादा होगी, तो यहां से यहां चली गई. बैठ गया? तो यहां पे ये जो भी काम हुए ना, ये सब यहां पे लिखे हुए कि फूड वॉक्यूल बना लिया, ठीक है. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस. ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट देखना है. यहाँ पे हमने जब ऑटोट्रॉफ पढ़ा था, तो हमने कहा था वो सिंपलर सब्सटेंस लेते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स, और CO2 और वाटर लेते हैं. लेकिन यहाँ पे देखो, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ले रहा हूँ, हम लोग भी क्या लेते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लेते हैं, और देन उसको ब्रोकन डाउन करते हैं, विच देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म. डिफ्यूजन हो जाता है. और साइटोप्लाज्म कौन सा होता है? ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है और ये जो दिख रहा है ना, ये सेल मेम्ब्रेन होती है. इन दोनों के जो बीच का जो हिस्सा होता है ना, येलो कलर का, ये साइटोप्लाज्म होता है. इसको बोलते हैं जेली लाइक सब्सटेंस, चिपचिपा सा. तो डिफ्यूजन हुआ, वो डिफ्यूजन मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं, ठीक है ना. जो भी हाई कॉन्सेंट्रेशन में होगा वो आ जाएगा या चला जाएगा. बैठ गई बात? ऐसा ही कुछ है ना पैरामीशियम में होता है, ठीक है. उसके अंदर क्या होते हैं, सीलिया होती है. लेकिन वो है ना, फूड किसी पर्टिकुलर एक जगह से ही ले सकता है, वो ऐसे नहीं कर सकता. जैसे इसने सूडोपोडिया किया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन किया, फिर उसको कवर कर लिया. चले आगे. नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. बहुत इंपॉर्टेंट है और इतना इंटरेस्टिंग है, पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा. क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या होता है, एटलीस्ट हमको पता तो होना चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है. और लाइफ लॉन्ग काम आती है ये बातें. जब भी आप किसी डॉक्टर के पास बैठोगे या किसी ऐसे आदमी के पास बैठोगे जिसको थोड़ा नॉलेज है इन सब बातों का, तो यही बातें करता रहता है, ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज़ करता रहता है. तो वो ऐसी टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, वो सब सीखने को मिलेगा. शुरू करते हैं. द एलिमेंट्री कैनल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू एनस.
ये आपको ध्यान रखना है कि एलिमेंट्री कैनल जो होती है ना आपके अंदर, वो सबसे लॉन्ग ट्यूब होती है और माउथ से एनस तक चलती है। कहाँ पे है देख लेते हैं इसको। तो देखो ये रहा माउथ और ये रहा अनस। यहाँ से क्या होते हो तो देखो ये ओसोफेगस हो गया, जिसको हम लोग फूड पाइप बोलते हैं। ये नाक वाली आ गई, इसको हम विंड पाइप बोलते हैं। ट्रेकिया, कुछ ट्रेकिया भी तो होता है। तो ये चलता गया, फिर यहाँ से पेट वाला आ गया, पूरा लीवर बन गया यहाँ से, ये रहा। और फिर यहाँ से ये पैनक्रिएट आ गई, पैनक्रिएटिक पैनक्रियाज। और फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई, और यहाँ से करते करते ये लार्ज इंटेस्टाइन बन गई, और लास्ट में आके अनस पे आ चुका है। तो इतनी लंबी होती है ये, ठीक है। आगे ये क्या बोल रहा है इस ट्यूब के बारे में कि हैज डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और वेरियस रीजन होते हैं, आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। और कौन कौन से होते हैं, व्हाट हैपेंस टू द फूड वंस इट एंटर्स आवर बॉडी, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। आगे देखो एक्टिविटी 6.3, बहुत अच्छे से पढ़ना, इंपॉर्टेंट है और बहुत कुछ सिखा के जाएगी आपको। कह रहा है टेक 1 ml स्टार्च सॉल्यूशन यानी 1% इन 2 टेस्ट ट्यूब ए और बी। तो मैं टेस्ट ट्यूब की जगह मैं थोड़ा सा बीकर ऐसा लंबा सा ले लेता हूँ। तो ये मैंने दोनों के अंदर क्या डाल दिया, स्टार्च डाल दिया, एक का नाम ए एक का नाम बी। अब आप बोलोगे सर ये स्टार्च मिलता कहाँ पे है, तो देखो इधर आओ, ये रहा भगोना, इसको पानी से पूरा भर दो। और नीचे मैंने राइस पटक दिए इसके अंदर, और बर्नर से मैं इसको गर्म कर रहा हूँ। तो मेरे राइस क्या हो जाएंगे, पक जाएंगे। और पानी इतना होना चाहिए कि राइस पकने के बाद भी पानी बचा हुआ होना चाहिए। इस पानी को छान लो, ये पानी क्या बन गया, अब स्टार्च बन गया मेरे बेटे। और चावल को खाने का तरीका यही होता है, कुकर में नहीं बनाया जाता है, ठीक है। और डॉक्टर एडवाइस करता है छोटे बच्चों को कि ये पानी पिलाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया, स्टार्च हो गया, ताकत होती है इसके अंदर, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है, एड 1 ml सलाइवा टू टेस्ट ट्यूब ए। अब इस ये जो टेस्ट ट्यूब ए है ना, इसके अंदर थूक दो, आप अपना सलाइवा डाल दो, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं डालना है। बोथ टेस्ट ट्यूब को लीव करो अनडिस्टर्ब फॉर 20 to 30 minutes, 20-30 आधा घंटा तक बैठे रहो शांति से। फिर इसका क्या करो, आयोडीन टेस्ट। क्या करना है, वही बात हो गई कि या तो ब्लू ब्लैक कलर आएगा या नहीं आएगा, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, टेस्ट पॉजिटिव फॉर द स्टार्च और टेस्ट नेगेटिव फॉर द स्टार्च। बैठ गई बात। इन विच टेस्ट डू यू ऑब्जर्व अ कलर चेंज। और आगे बोल रहा प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ स्टार्च इन टू टेस्ट ट्यूब। और क्या बताओ, एक्शन बताओ सलाइवा का स्टार्च पे क्या रहा, अगर आप आयोडीन टेस्ट करेंगे तो। तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन इसका लिख दिया है, आप अच्छे से फोटो खींच लेना। सलाइवा जो होता ना, वो क्या करेगा, स्टार्च को ना ब्रेक डाउन कर देगा और क्या दे देगा, शुगर दे देगा। यानी स्टार्च अब बचा ही नहीं है, और जब स्टार्च बचा ही नहीं है तो अगर हम आयोडीन टेस्ट करेंगे ना, तो ब्लू ब्लैक कलर क्या होगा, नहीं आएगा। या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं, इट विल टेस्ट नेगेटिव फॉर स्टार्च। ये लाइन भी आप लिख सकते हो इंग्लिश में, ये थोड़ा अच्छा लगता है, टेस्ट नेगेटिव फॉर स्टार्च। और अगर आपको ब्लू ब्लैक लिखना तो आप दोनों में से कोई भी जो आपको पसंद हो। तो ये ब्लू ब्लैक कलर देखो, ब्लू वाला ब्लू में लिखा है, ब्लैक वाला ब्लैक में लिखा है, आप लोगों के लिए इतनी माथाफोड़ी की है ना, तो अच्छे से पढ़ लेना। तो ये ब्लू ब्लैक कलर नहीं देगा, कौन, ये वाला सलाइवा वाला, लेकिन ये देगा। इसका मतलब आपके सलाइवा के अंदर कुछ है, क्या था जिसने स्टार्च को तोड़ दिया और क्या बना दिया, शुगर बना दिया। आगे पढ़ते हैं, अब इसको पता चल गया इस एक्टिविटी का मतलब। आगे देखो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक एक लाइन पढ़ता हूं और आपको समझाता हूं, अच्छे से समझने की कोशिश करना। वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, हम अलग अलग तरीके से खाना खाते हैं, जो गुजरता रहता है सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, यानी भोजन नली से गुजरता रहता है। नेचुरली क्या होता है ना कि फूड जब गुजरेगा ना, तो सेम टेक्सचर का होगा और स्मॉल होगा। वो कैसे होगा, हमारे कैसे अचीव करेंगे, दांतों से अचीव करेंगे, क्योंकि दांत क्या कर देते हैं, क्रश कर देते हैं, और वैसे हम इसको अचीव कर लेते हैं। दूसरी बात, लाइनिंग जो होती है ना कैनल की, वो बहुत सॉफ्ट होती है, ये कैनल की जो लाइनिंग है बहुत सॉफ्ट होती है। तो इसमें क्या कह रहा है कि फूड इज ऑल्सो वेटेड होना चाहिए, ताकि इसका पैसेज जो है ना स्मूथ हो जाए, यानी गीला हो जाए फूड। ये गीला होता कैसे है, व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स, जब हम किसी चीज़ को पसंद करते हैं खाने वाली चीज़ को कि यार ये तो मेरी फेवरेट चीज़ है, तो हमारा माउथ क्या निकलता है, वाटर निकालता है। दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट अ फ्लूड कॉल्ड सलाइवा। ये सलाइवा है जो कौन सिक्रीट करता है, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करती हैं। हमारे अंदर कुछ ग्लैंड होती हैं जो आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे, लेकिन अभी धीरे धीरे ये पढ़ते जाओ कि एक ग्लैंड आई है जो सलाइवा सिक्रीट करती है। दूसरा आस्पेक्ट क्या होता है, ढंग से समझना फूड का, कि जो भी हम इंजेस्ट करते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स नेचर का फूड होता है। यानी हम और अमीबा दोनों होलोजोइक के अंदर आ रहे थे, और हमने कहा था कि अमीबा भी कॉम्प्लेक्स नेचर, हम भी कॉम्प्लेक्स नेचर। लेकिन जब हमने ऑटोट्रॉफ को पढ़ा था, तब हमने कहा था ये सिंपल लेता है और इनऑर्गेनिक सोर्स से लेता है ना। आगे देखो, जब एलिमेंट्री कैनल इसको एब्जॉर्ब करेगी ना, तो ये ब्रोकन डाउन होना चाहिए। तो अगर गलती से आपने फूड लिया और आप पूरा निगल गए और वो टूटा नहीं है, मान लो, ठीक है ना, तो वो कौन हेल्प कर देता है, एंजाइम कर देता है। उस एंजाइम का नाम होता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है, ये हेल्प करते हैं हमारी। आगे देखो, द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम, सलाइवा के अंदर भी एंजाइम होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती है जो सलाइवा सिक्रीट करती है, सलाइवा के अंदर एंजाइम्स होते हैं, क्या कहलाते हैं, सलाइवरी एमिलेज कहलाता है।
ये क्या काम करता है, जो भी फूड आपने खाया ना ये वाला कॉम्प्लेक्स नेचर का, तो ये क्या करता है, ब्रेक डाउन स्टार्च विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स, खुद बोल रहा है कि स्टार्च जो है ना कॉम्प्लेक्स है, और क्या दे देता है, टू गिव सिंपल शुगर दे देता है। तो मैंने जब अभी एक एक्टिविटी की थी अपन ने, ये 6.3, इसमें मैंने कहा था कि सलाइवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च टू गिव शुगर। ये गिवर क्या कर दिया मैंने, ये गिवन कर, गिव कर देना, इसको आर को हटा देना, ठीक है। तो स्टार्च अब हमको पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, और शुगर जो होता है ना सिंपल नेचर का होता है। तभी हमने जब ब्लू टेस्ट किया था ना आयोडीन, तब ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिया उसने, क्यों, क्योंकि स्टार्च तो रहा ही नहीं, शुगर बन गया। स्टार्च होता तो ब्लू ब्लैक कलर आता। तो समझ में आ गया, स्टार्च जो है ना वो एक कॉम्प्लेक्स होता है, और हमको क्या मिल गया, शुगर मिल गया। दूसरा देखो, यहाँ पे इस मस्कुलर टंग की बात कर रहा है, इसमें ये क्या बोल रहा है कि भोजन को चबाने के दौरान जो हमारी जीभ होती है ना, वो भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देती है। लार जो है वो पूरी तरह मिल जाती है भोजन के साथ। ये काम करता कौन है, मस्कुलर टंग करता है, ये हमारी हेल्प कर देता है। तो अब भोजन गीला भी हो चुका है और भोजन टूट भी चुका है, और अब आगे ऐसे ऐसे चल रहा है। ये कैसे चलता है, कि रेगुलेटेड मैनर में चलता है, डाइजेस्टिव ट्यूब के अंदर चलता है, और प्रोसेस जो होता है ना प्रॉपरली होता रहता है। लाइनिंग ऑफ कैनल जो होते हैं ना, इसके अंदर मसल्स होते हैं दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती है। रिदमिकली का मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी होती है, रिलैक्स भी होती है। क्या करती है ये, इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड, अब जो फूड है ना वो आगे की तरफ जाएगा, इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये मूवमेंट जो होता ना, ये क्या कहलाता है, दीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स अकर ऑल अलोंग द गट। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलता रहता है, यानी भोजन जो है ना वो टुकड़ों में चलता रहता है। ये यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ बहुत अच्छे से, ये भोजन का एक टुकड़ा है, ये अब आगे चला जाएगा, ये चला गया आगे तो दूसरा आ जाएगा, तो एक टुकड़ों में चलता है, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये चलता रहता है ऑल अलोंग द गट। आगे देखो, फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और ऑसोफेगस। अब आपको यहाँ पे एक लेबल है जो ये आपको याद करने हैं, ये जो पूरी है ना ये फूड पाइप है, इसको ऑसोफेगस भी बोलते हैं। स्टोमक कहाँ है, यहाँ पे है। तो ये सब आपको आने चाहिए, पता होने चाहिए विद लेबल डायग्राम। तो फूड अब जो हमारा ना स्टोमक पे पहुंच चुका है, यहाँ पे क्या क्या काम होते हैं उसकी बात करते हैं। कह रहे द स्टोमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपांड्स व्हेन फूड एंटर्स इट, ठीक है, ऑर्गन है और फूड एंटर करता है तब इसके अंदर, तो ये क्या हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टोमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थोरोली विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस, यानी और ज़्यादा पाचन रस निकलने वाले हैं अब यहाँ से, ताकि फूड जो है ना वो पाचन रस से क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। तो क्या क्या रस निकलते हैं उसके बारे में बात करते हैं। द डाइजेशन इन स्टोमक इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्टोमक में जो डाइजेशन होता है ना वो हेल्प कौन करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स करती हैं, जो जूस निकालेगी अलग अलग टाइप के, कौन कौन से हैं, प्रेजेंट कहाँ पे होती है, इन द वॉल ऑफ स्टोमक, ये स्टोमक की जो वॉल है ना यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। अभी हमने कहा था कि एक सलाइवरी ग्लैंड्स होती है हमारे अंदर, ये रहा, और अब हमारे अंदर आ गई गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। ये क्या क्या करती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के क्या क्या काम होते हैं, तो ये पहला काम तो करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालती है, ये रहा। दूसरा काम करती है कि एक एंजाइम सीक्रेट करती है जिसका नाम है पेप्सिन, ये रहा, जो प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करता है, ध्यान रखना। तीसरा ये निकालती है म्यूकस, म्यूकस क्या होता है, जिसको सलेश्मा बोलते हैं, और ये हमारे नाक में भी प्रेजेंट रहता है, आपने देखा होगा जब हमारी नाक बहती है तो वो म्यूकस हरा हरा कलर वाला, ठीक है ना, जिसको मैं नाम नहीं लेना चाहता, नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं वो वाला। तो ये म्यूकस पता क्या करता है, जैसे हम नाक से सांस लेंगे ना तो ये फ्लूइड टाइप का होता है, तो डस्ट पार्टिकल है ना यहीं पे रुक जाते हैं, और आगे क्या होता है ना फ्रेश एयर या ऑक्सीजन जो है ना हमारे नाक में चली जाती है। तो म्यूकस का तो काम खत्म हो गया, और भी एक म्यूकस का काम है बात करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक का नाम ही HCl है, इसके अंदर H है तो ये एक एसिड हो गया है, हमको पता है, और इसकी pH बहुत कम होती है, जिसकी जितनी कम pH वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, हम पढ़ चुके हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, तो यानी ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl, ठीक है। ये एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, क्यों करता है, क्योंकि जो पेप्सिन एंजाइम है ना जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा वो तभी वर्क करेगा, एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन विच फैसिलिटेट्स, ये पेप्सिन एंजाइम तभी वर्क करेगा जब इसको एसिडिक मीडियम इसके लिए क्रिएट हो जाएगा, और वो कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और कौन निकालता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स निकालती है, ठीक है। व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय द एसिड, ये एसिड जो है ना और अदर क्या फंक्शन करता है, तो पहला तो हमने बोल दिया कि ये एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, और दूसरा इसका काम हो गया इट किल्स बैक्टीरिया। तो कभी आपने गलती से अगर ऐसा पानी पी लिया जिस किसी ग्लास के अंदर कोई चींटी वीटी थी अगर आपको दिख रही थी, तो ये अंदर चली जाएगी ना, या मर जाएगी, क्योंकि इसकी pH ना बहुत कम होती है, या कोई फूड के अंदर बैक्टीरिया था जो तो आप देख नहीं सकते क्योंकि नेकेड आई से हम देख नहीं सकते, तो वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा, मर जाएगा। तो ये दो काम हो गए अपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, ठीक है, जो इसने बोला था कि अदर फंक्शन क्या है उसका। आगे देखो, द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड,
म्यूकस क्या करता है, HCl है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, अभी हमने बात की थी, जिसकी पीएच जो होती है ना ऑलमोस्ट 1 के आसपास होती है। तो ये क्या कर सकता है, हमारे पेट को फाड़ देगा, ये तो जला देगा। तो म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता रहता है इस एसिड से। बैठ गई बात, तीनों चीज़ें आ चुकी हैं यहाँ पे, जो भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने तीनों चीज़ें निकाली। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है ना, ये क्या क्या चीज़ें रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, पेप्सिन एंजाइम रिलीज करता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, लेकिन तब करेगा जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, एक एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देगा। और तीसरी चीज़ हो गई म्यूकस, तो ये तीन चीज़ें निकालती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे स्टमक को नॉर्मल कंडीशन में। और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एक एंजाइम है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वो पूछा था अदर फंक्शन क्या है, तो हमने कहा था इट किल्स बैक्टीरिया। तो अब अगर आप कभी कुछ खा लेते हो ऐसा गलत चलत, तो टेंशन लेने की बात नहीं, हो जाएगा काम। आगे देखो, द एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर मसल। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका डायग्राम देखते हैं, वहां से समझ आएगा। स्फिंक्टर मसल्स दिखाता हूं आपको, ये है ना यहाँ पे, ये स्फिंक्टर मसल्स है, क्योंकि यहाँ पे ना ये हमारा पेट से खाना जो है ना यहाँ से निकल कर इधर जाएगा, तो यहाँ पे मसल्स होती है। स्फिंक्टर का हिंदी में मतलब होता है अवरोधिनी, जो अवरोध पैदा कर दे, ठीक है। तो फूड जो है ना छोटे छोटे टुकड़ों में लाइन से जाता जाएगा, ठीक है। बैठ गए बात, स्फिंक्टर मसल्स कहाँ होती है, एक यहाँ पे होती है, एक और होती है जो हमारे अनस पे होती है, यहाँ पे अनस पे। तो ये नाम बाद में आ जाएगा, डरने वाली बात नहीं है, अभी हमने स्फिंक्टर मसल्स की यहाँ पे बात कर ली है। तो स्फिंक्टर मसल्स के बारे में ये क्या बोल रहा है, विच रिलीज इट इन स्मॉल अमाउंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फूड जो है ना पेट से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया है और स्मॉल अमाउंट में जा रहा है विद द हेल्प ऑफ स्फिंक्टर मसल्स। दो होती हैं, एक तो स्टमक में हो जाती है और दूसरी एनस पे होती है। आगे देखो, फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फूड जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में जा चुका है। ये जो होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन, ये नाम तो इसका स्मॉल है, लेकिन देखो दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल खुद बहुत लंबी होती है, कहां से चालू होती है, माउथ से। कहां खत्म होती है, अनस पे खत्म होती है। लेकिन एलिमेंट्री कैनल का भी सबसे लंबा वाला या लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये क्या होती है, विच इज फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस। कॉम्पैक्ट स्पेस मतलब छोटी सी जगह पे है ना कॉइलिंग हो जाती है। देखो ये रही कहाँ है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लिखा हुआ था, ये जो कॉइलिंग होगी ना ये स्मॉल इंटेस्टाइन होगी। यहाँ से फिर ये ऐसे करके ये जब जैसी चली ना ये लार्ज इंटेस्टाइन होगी। तो हम इसकी बात नहीं कर रहे, इसकी बात कर रहे हैं ये वाली, ठीक है। जैसे ये वायर है मेरे पास में, इतना लंबा है, मेरे पास दूसरा वायर भी इतना लंबा है, लेकिन मुझे छोटा करना, तो मैं कैसे करूँगा, कॉइलिंग कर दूंगा, ये घुमा दिया मैंने इसको, और इसको जब सीधा करूँगा पता लगेगा तो बहुत लंबा हो गया वायर, ठीक है। चले आगे, क्या होती है, बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग होती है, उस वजह से ये कॉम्पैक्ट स्पेस में फिट हो जाती है, कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये एलिमेंट्री कैनल का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। आगे देखो, द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल्स। अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग लेंथ की होती है, डिपेंड ऑन द फूड दे ईट, क्योंकि सब अलग अलग फूड खाते हैं। जैसे हर्बीवोरस जो होते हैं, शाकाहारी ईटिंग ग्रास, वो ग्रास खाते हैं, तो उनके लिए क्या चाहिए, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए टू अलाउ द सेल्यूलोस टू बी डाइजेस्टेड, क्योंकि सेल्यूलोस भर लेते हैं वो पेट के अंदर, तो उस इसी के लिए उनको लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए। किसको, हर्बीवोरस को, शाकाहारी वालों को। मीट क्या होता है, ईजियर टू डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो जो कार्निवोरस होते हैं ना, मांसाहारी, लाइक टाइगर हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना वो शॉर्टर होती है टाइगर के पास, तो जो कार्निवोरस होते हैं या टाइगर लाइक जो भी कॉर्निवेरस हैं, और हर्बीवेरस जो होते हैं उनके पास लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, क्योंकि वो सेल्यूलोस को चबाते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे। आगे देखो, अब हमारी जो कहानी का हीरो है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन एंड फैट्स है, यानी ये एक साइट है जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स का। तो आप बोलोगे सर लार्जर इंटेस्टाइन, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन ये कहानी का मेन हीरो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे सब चीज़ डाइजेस्ट हो जाती है, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन हो, फैट हो। अब देखो क्या करता है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन को भी है ना कुछ सीक्रीशन मिलते हैं, यानी रस मिलते हैं, जूस मिलते हैं। कौन कौन देता है इसको, एक तो लीवर देता है और एक पैनक्रियाज देती हैं फॉर दिस पर्पज। पैनक्रियाज कहाँ होती है और लीवर कहाँ होती है, पहले वो देख लेते हैं। तो लीवर तो ये रहा जी, ये काड़ूलाल, और पैनक्रियाज हो गई हमारी ये छोटा सा, ये इतना सा टूडा दिखाई दे रहा है आपको बहुत अच्छे से। चलते हैं आगे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना इसको सीक्रीशन मिलता है, रिसीव करता है ये कहाँ कहाँ से, पहला लीवर से और दूसरा पैनक्रियास से। बैठ गई, चले आगे, द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक इज एसिडिक है। अब जो फूड आया ना वो एसिडिक है, हमको पता है क्यों, क्योंकि हमारे पेट के अंदर HCl होता है। अब इसको क्या बनाना है, एल्केलाइन बनाना है, यानी बेस बनाना है इसको, समझ में आया। आगे देखते हैं, तो फॉर द पैनक्रेटिक एंजाइम टू एक्ट, ताकि पैनक्रेटिक एंजाइम जो है ना वो एक्ट कर लें। फिर एंजाइम की बात आ गई, तो पैनक्रेटिक एंजाइम कौन निकालता होगा, पैनक्रियास निकालती होगी, है ना। पैनक्रेटिक एंजाइम तभी वर्क करेगा जब
फूड एल्केलाइन होगा और पेप्सिन एंजाइम जो गैस्ट्रिक ग्लैंड ने निकाला था वो तब वर्क करेगा प्रोटीन पे जब फूड एसिडिक होगा। ऊपर पड़ चुके हैं, कंफ्यूज मत होना। अब देखो कौन कौन इसको क्या क्या देता है। जो लीवर होता है ना वो इसको बाइल जूस देता है। बाइल जूस फ्रॉम लीवर अकॉम्प्लिश दिस, क्या काम करता है अकॉम्प्लिश दिस, क्या लिखा है इसने, लैंग्वेज बड़ी टफ होती है लेकिन क्या करता है एल्केलाइन बना देता है बाइल जूस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स। तो दो काम करता है बाइल जूस। पहला काम इसने क्या कर दिया, ये फूड को एल्केलाइन बना दिया, ये काम अकॉम्प्लिश हो गया हमारा। दूसरा इसके साथ और क्या करता है इन एडिशन, फैट पे भी काम करता है कौन, बाइल जूस। आगे देखो ये कंफ्यूज करेगा तो मैं बहुत अच्छे से इसको धीरे धीरे बताता जाता हूँ आपको। कह रहा है फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन देम। फैट जो होता है ना वो लार्ज ग्लोब्यूल्स में प्रेजेंट रहता है। तो देखो ये ना लार्ज ग्लोब्यूल्स बने हुए, बड़े बड़े ढेले बने हुए हैं, किसके, फैट के बने हुए हैं। यहां से फैट क्या होता है, छोटा छोटा टुकड़ों में टूट चुका है ना। तो यहां से यहां पे जाना, बड़े से छोटा होना कहलाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। यानी लार्ज ग्लोब्यूल से स्मॉल ग्लोब्यूल अगर फैट के बन रहे हैं तो वो कहलाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और ये जो स्मॉल ग्लोब्यूल्स बने हैं फैट के ही ये कहलाता है इमल्सिफाइड फैट। ये काम कौन करता है, लीवर से जो हमें बाइल जूस निकलता है वो इस काम को करता है। आगे देखो बाइल सॉल्ट ब्रेक्स देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। तो बाइल क्या करते हैं स्मॉल ग्लोब्यूल्स में चेंज कर देते हैं, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन, ताकि जो एंजाइम है वो इस पर काम कर सके। और एंजाइम तभी काम करते हैं जब हमको बहुत स्मॉल स्मॉल अमाउंट में मिलता है, हमको बहुत छोटे छोटे चीज रूप में मिलता है, ठीक है। दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप, इसलिए इमल्सिफिकेशन का मैंने नाम लिया है। एक इमल्सिफाइड फैट है, ये जो छोटा छोटा स्मॉल ग्लोब्यूल्स है ये इमल्सिफाइड फैट कहलाता है, और जो लार्ज ग्लोब्यूल्स थे वो बड़े से छोटा होने का प्रोसेस कहलाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और किसके थे ये, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स फैट के थे, अब ये जो फैट है ये छोटा हो गया, इस पर अब काम करेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है ये आप जो है ना पढ़ोगे ना डर्ट जो सोप पे लग जाते, डर्ट जो कपड़े पे लग गए और फिर सोप से उसको हटाते हो, तो ये चैप्टर फोर्थ में पढ़ोगे आप। आगे देखो द पैनक्रियास सीक्रेट पैनक्रेटिक जूस। अब पैनक्रियास जो है ना हमने पढ़ा है ना वो पैनक्रेटिक जूस सीक्रेट करती है विच कंटेन्स एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन एंड डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड लाइपेस फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट। अब देखो वापस कंफ्यूजन आ जाता है कि ये भी फैट को तोड़ता है क्या। तो लाइपेस एंजाइम जो है ना जो पैनक्रियास ने निकाला है वो किसको तोड़ता है, इमल्सिफाइड फैट को तोड़ता है। नाम देखो यहाँ पे, और इमल्सिफाइड फैट कौन सा है, इस पे काम करेगा, इस पे छोटे वाले पे लाइपेज एंजाइम इस पे काम करेगा। और बड़ा फैट का अगर ढेला है उसको छोटे फैट में तोड़ना है तो बाइल जूस ये काम करेगा। और बाइल जूस दूसरा काम क्या करेगा, फूड को एल्केलाइन भी बना देगा। ये बाइल जूस ने दो काम कर दिए, समझ में आया, बड़े फैट को छोटे फैट में तोड़ना। अब छोटे फैट को और ज़्यादा है ना उसको डाइजेस्ट करना है तो उसके लिए फिर हमारे पास में लाइपेज हो जाता है एंजाइम जो पैनक्रियाज निकालती हैं। बैठ गया अच्छे से। और अगर प्रोटीन को डाइजेस्ट करना हो, देखो फैट अलग होती है चीज़ और प्रोटीन अलग होती है। अब हम बात कर रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स भी कर रहे हैं डाइजेस्ट, प्रोटीन भी डाइजेस्ट कर रहे हैं और फैट भी डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो पैनक्रियास दो जूस निकालता है, एक ट्रिप्सिन निकालता है, एक लाइपेस निकालता है। लाइपेस किसको करता है, इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट या ब्रेकिंग डाउन और कोशिश करता है करने की। और ट्रिप्सिन जो होता है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। और ये दोनों एंजाइम कौन निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। बहुत अच्छे से बैठ गया होगा। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। अब देखो मेरी बात सुनो कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना वो भी तो खुद भी तो जूस निकालेगी, कि उसके पास भी तो ग्लैंड्स हैं और वो भी इंटेस्टाइनल जूस निकालेगी। तो ये क्या करती है, दी एंजाइम प्रेजेंट इन इट, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो क्या करती है, फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन। प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर देती है, अमीनो एसिड में। याद रखना हमेशा, प्रोटीन हमेशा कन्वर्ट होकर अमीनो एसिड्स बनाता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो आपने खाया है वो किसमें हो जाता है, ग्लूकोज में। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट्स भी कॉम्प्लेक्स होते हैं और स्टार्च भी कॉम्प्लेक्स होता है। शुगर सिंपल होता है और ग्लूकोज भी सिंपल हो गया, बैठ गया। और जो फैट होता है ना वो फैटी एसिड या ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, विच मीन्स ये हमको अब सारे के सारे सिंपल मिल गए हैं। प्रोटीन भी कैसा होता है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स होता है, और अमीनो एसिड कैसा हो गया, सिंपल हो गया, बैठ गई बात। तो ये कंप्लीट डाइजेशन साइट इसने अभी बोला था थोड़ी देर पहले, तो ये कंप्लीट डाइजेशन हो गया। याद रखना प्रोटीन अमीनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ग्लूकोज में, और फैट फैटी एसिड या ग्लाइसरॉल के अंदर चेंज हो जाते हैं। बोलोगे तो नहीं। अब हम यहां से थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेंगे। डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है ना वो डाइजेस्टेड फूड को ले लेती है, अपना लेती है। टेकन अप मतलब अपनाना। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। विली होती है इसके अंदर, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। विली आपको दिखनी है वो मैं दिखा देता हूँ।
ये देखो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन थी और इसमें देखो आपको एक छोटा सा बॉक्स दिखेगा यहाँ पे, ये इसको इसने ना बड़ा किया है और बड़ा करने के बाद में देखो ये फिंगर लाइक प्रोटीन, ये अंगुलियाँ निकली हुई है, दिखाई दे रही है आपको बहुत अच्छे से, तो ये है ना विली कहलाती हैं ये, और ये इतने से एरिया में ही है ये पूरा का पूरा इतने से एरिया के अंदर, तो सोचो इसके अंदर भी क्या होगा, इसके अंदर भी इतने से एरिया में और सब एरिया में क्या होगा। आगे चलते हैं, तो विली होती है, विली क्या करती है पूछ सकते हैं एक नंबर पे, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो हो रहा ना, क्या एब्जॉर्प्शन हो रहा है बेटे, तीन चीज़ें एब्जॉर्प्शन हो रही है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में जा रहा है, फैट फैटी एसिड या ग्लाइसरॉल में जा रहा है, और प्रोटीन अमीनो एसिड्स में जा रहा है, तो ये सब एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो इनका एरिया इंक्रीज कर देती है। द विली आर रिची सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। अब आपने जो खाना खाया है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विली होती है ना वहाँ पे आपकी ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट रहती है, ठीक है ना, तो वो क्या करती है, अब खाना पूरा पच चुका है, ग्लूकोज बन गया, अब प्रोटीन से अमीनो एसिड्स बन चुके हैं और फैट से फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल बन चुके हैं, ये ब्लड में मिक्स हो जाएगा और ब्लड से फिर किस में चला जाएगा, हार्ट में चला जाएगा, और हार्ट क्या करेगा वापस पंप करेगा, पूरी बॉडी को दे देगा, समझ में आ गया, यहाँ से फूड ऐसे जाता है पूरी बॉडी में, ये देखो एवरी सेल ऑफ द बॉडी, वेयर इट इज़ यूटिलाइज फॉर ऑप्टेनिंग एनर्जी, और यहाँ से हमें एनर्जी के लिए हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज़, अगर कोई टिश्यूज़ पुराने हो गए हैं टूट रहे हैं तो उनको कर सकते, और रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज़, और ओल्ड टिश्यूज़ अगर हैं तो उनका रिपेयरमेंट भी हो सकता है, तो हम रिपेयर और मेंटेनेंस बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, वही चीज़ बातें आप जिसने यहाँ पर बोली। आगे देखो अब क्या होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का काम खत्म हो गया, तो इसके अंदर विली भी होती है, यहाँ तक स्मॉल इंटेस्टाइन चल रहा था, ठीक है ना, इस पैराग्राफ तक। आगे होता है, the unabsorbed food is sent into the large intestine where its wall absorb more water from this material. Water को absorb कर लेती है बस, और कुछ नहीं, कौन, large intestine, जो unabsorbed food हुआ ना अभी भी, जैसे मान लो आपने बेर खाया है, है ना, और बेर के साथ अब गुठली भी निगल ली हो चुप करके, तो उस गुठली के अंदर जो पानी होगा ना वो अब क्या स्मॉल इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब कर नहीं पाई, कहने का मतलब, तो लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाता है और उसमें से वाटर निकाल लिया जाता है, द रेस्ट ऑफ द मटीरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द अनुस, और लास्ट में जो बचता है यहाँ से ये रवाना होकर इधर आ गया और ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया, घूमता 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 ये अनस में आया और यहाँ से आपने इसको एक्सक्रीट कर दिया, एक्सक्रेटा। आगे देखो, निकाल दिया अनस से, आगे देखो, द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटीरियल इज रेगुलेटेड बाय एनल स्पिंक्टर मसल्स, यानी एनल में भी स्पिंक्टर होती है, ये दूसरी थी, और कहाँ पे होती थी, स्टोमैक के अंदर होती थी स्पिंक्टर मसल्स, ये रहा पहला वाला, यानी दो स्पिंक्टर मसल्स होती है, यानी दो अवरोधनीय पेशियां होती है हमारे अंदर, अवरोधनी यानी अवरोध करती है कि भाई धीरे धीरे जाओ ऐसे मत जाओ। तो अब एनल स्पिंक्टर का मतलब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ये अवरोध उत्पन्न करता है और कंट्रोल जो होता है वो हमारे हाथ में होता है, किसका, स्टूल का या फिसिस का, यानी जो मल जो हम निकालेंगे ना वो हमारे हाथ में होगा, ऐसा नहीं कि हम जब चल रहे हैं तब मल आ गया या स्टूल आ गया या हम दौड़ रहे हैं तब आ गया, नहीं, हमारे ऊपर होता है, इसीलिए ये मसल होना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं, आगे आपके हैं क्वेश्चंस, करते हैं इनको। तो देखो बेटा पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक का हमने पहले ही बोला था कि सिंपल फूड मटेरियल यूज करता है इनऑर्गेनिक सोर्स से, ये चीज़ें लिख के आनी है, और इसके एग्जांपल दे देना, ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया, और बाकी इसको और क्या क्या चाहिए वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन देखो, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए इसको जो रॉ मटेरियल चाहिए वो मिलता कहाँ पे है, तो हमने कहा था कि सनलाइट मिल जाती है, क्लोरोफिल अब्जॉर्ब कर लेती है, एटमोसफियर में हमारे CO2 वो स्टोमेटा ले लेता है, और रूट्स जो होते हैं ना वो सॉइल से क्या करते हैं, वाटर ले लेते हैं, और अदर जो रॉ मटेरियल्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, वो भी सब सॉइल से ले लिए जाते हैं रूट के थ्रू। थर्ड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टमक, रोल क्या है एसिड का, तो ये एक तो एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देता है ताकि जो पेप्सिन एंजाइम है ना वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा तो वो अच्छे से काम करेगा, तो उसके लिए ये एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देता है। दूसरा, इट किल्स डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया और डिसॉल्व फूड पार्टिकल जितने भी होंगे वो हमारे अंदर कर देगा उसको। फोर्थ देखो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के क्या फंक्शन होते हैं, ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू सिंपलर मॉलिक्यूल, बस इतना ही लिखना है, ठीक है। फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, तो पूरा वही माथा फोड़ी, डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, द विली आर रिची सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, बस ये लिखना है और बाकी ये काटा हुआ है और ये सब आपके बुक से ले रखा है, इसीलिए सेम टू सेम दिख रहा है आपको। चले आगे,
तो ये हो गए अपने सारे क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, रेस्पिरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रेस्पिरेशन का मतलब है ना, पहले ये समझो कि खाली इनहेल और एक्सहेल नहीं होता है। और डेफिनेशन सिक्स चैप्टर में मैंने आपको बोला था, इसको याद कर लेना, डेफिनेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से पता चलेगा कि खाली इनहेल और एक्सहेल नहीं होता है। दूसरी चीज, रेस्पिरेशन की जब भी बात चलेगी ना तो O2 और CO2 की बात चलेगी, क्योंकि हम इनहेल करते हैं O2 और एक्सहेल करते हैं CO2, बैठ गया ना। तो अभी O2 को एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं कुछ टाइम के लिए, CO2 की बात करते हैं सिर्फ। तो अब एक्टिविटी दे रखी है 6.4, और इसमें हमको ये बोला है कि लाइम वाटर लीजिए दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो हमने ले लिया, लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा ये बोल रहा है कि एक के अंदर पिचकारी से हवा भरी और दूसरे के अंदर एक्सहेल कीजिए। तो देखो, एक में है ना, उसने इंसान की फोटो बना रखी है तो एक्सहेल कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो दोनों टेस्ट ट्यूब है ना, इसके अंदर एनवायरनमेंट की CO2 तो है ही, क्योंकि ये टेस्ट ट्यूब ओपन है, दूसरी वाली भी देखो ओपन है यहाँ से, तो इसके अंदर भी एनवायरनमेंट की CO2 तो है ही, लेकिन एक पिचकारी से हवा भरेंगे ना तो CO2 नहीं निकलेगी ज़्यादा। लेकिन ह्यूमन क्या करता है, CO2 निकालता है, तो हमको तो मालूम है ना, लेकिन हम प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं। तो इसमें क्या करना, CO2 ज़्यादा अमाउंट में निकलेगी, तो ऑलरेडी CO2 तो इसके पास भी थी, इसने भी निकाल दी। तो CO2 क्या करती है, ये हम सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छे से समझ के आए थे कि लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देती है, अच्छे से लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। लेकिन ये वाला जो सॉल्यूशन है ना, ये थोड़ा टाइम लगाएगा मिल्की वाटर होने में, क्यों, क्योंकि इसके पास एनवायरनमेंट की CO2 तो है ही, लेकिन पिचकारी ने निकाली नहीं शायद, लेकिन इसने तो निकाली है, क्योंकि CO2 निकालते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 6.5, तो कह रहा है कि सम फ्रूट जूस लीजिए या शुगर सॉल्यूशन लीजिए, दोनों में से कोई एक लेना है और उसके अंदर यीस्ट डाल दीजिए। ये सब एक टेस्ट ट्यूब के अंदर काम कर लिया आपने, ठीक है ना। तो दूसरी एक और टेस्ट ट्यूब लीजिए जो बेंट होनी चाहिए थोड़ी सी, और फ्रेशली प्रिपेयर करो उसमें लाइम वाटर। अब हम क्या देखते हैं कि लाइम वाटर के अंदर अब हम जब यीस्ट डाल देंगे ना, तो ये भी क्या हो जाएगा ना, ये भी मिल्की टर्न हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि फॉर दिस चेंज टू अकर, तो ये भी हम क्या बोलेंगे कि मिल्की टर्न हो गया। यानी इस बार देखो, यीस्ट ने ये काम कर दिया है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। फर्स्ट चैप्टर में पहला पेज आप खोलोगे तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको कि ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, है ना। तो फर्मेंटेड का मतलब होता है किण्वन, और अच्छे से समझाऊं तो इसका मतलब होता है सड़ना। तो इसको सड़ा के क्या बनाया जाता है, एल्कोहल बनाया जाता है, दारू बनाई जाती है, ठीक है। तो ये काम यीस्ट ने कर दिया, कहीं कोई ह्यूमन नहीं था, कहीं हमने हवा नहीं भरी, लेकिन हमने यीस्ट डाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, और उसने उस सॉल्यूशन को मिल्की टर्न कर दिया। तो हम बार बार एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मिल्की टर्न हुआ, इसका मतलब CO2 निकली होगी इस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखो, फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में जो हमने फूड लिया था, उसमें सेल पता है क्या करती है, उस फूड को यूज़ करती है फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस के लिए। जो वेरियस लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं, बताया था हमने, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। तो उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाती है, कौन, सेल प्रोवाइड करवाती है। आगे देखो, इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप टू ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, हर स्टेप का जो पहला स्टेप होगा ना, इसमें उसमें ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है। ग्लूकोज हमारी बॉडी में जा चुका है, ठीक है ना, ये सब हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं पहले। अब आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। तो इस पूरे टॉपिक को, इतने से को समझने के लिए पहले एक आपको डायग्राम समझना पड़ेगा, जिसमें हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज सीखेंगे। इसमें यही बता रखा है पूरा, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज कैसे होता है। तो डायग्राम से सीखेंगे ना, उसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। तो ये डायग्राम देखो आप, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है फिगर, किस चीज़ का है, नाम याद होना चाहिए आपको, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। अलग अलग पाथवे से ग्लूकोज जो होता है ना, ब्रेकडाउन होता रहता है। तो सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज था और 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था। तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है, C6H12O6। तो बाकी हमें लिखने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ कार्बन की बात उसने की है कि C6 होता है, ठीक है। और ये प्रोसेस जो है ना, सभी के अंदर, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे कोई भी हो, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है ये ब्रेक होना, ठीक है। अब आप पूछोगे कि सर साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। ये एक हमारे पास में कोई सेल है, और ये सेल का एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, हर सेल का एक न्यूक्लियस होता है। तो ये हो गई मेम्ब्रेन, ये होगी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और बीच का जो पार्ट होता है ना, ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल या सेल एपरेटस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी यहीं पे रहता है, गॉल्गी बॉडी भी यहीं रहता है, लाइसोसोम, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वॉक्यूल्स, ये सब यहाँ पे रहते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म खुद क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, भूलोगे तो नहीं, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद एक माइटोकॉन्ड्रिया का भी नाम आएगा, तो वो भी कहाँ होता है, यहीं पे कहीं होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसी पोर्शन में, बैठ गई बात अच्छे से। तो सबसे पहले ग्लूकोज का जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ना, वो साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होता है, और क्या बना लेता है, 3 कार्बन का बना लेता है। और जब भी 3 कार्बन बनाएगा ना, तो उसको हम बोलेंगे पाइरूवेट, बस इतना सा याद रखना, बैठ गई। और प्लस एनर्जी भी है उसके अंदर, क्योंकि उसने 3 कार्बन कहीं और यूज़ कर लिया, उससे एनर्जी निकाल ली। अब ये प्रोसेस जो है ना, वो 3 टुकड़ों में टूट जाता है। ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है,
और यहां पे दूसरा देखो लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है लेकिन कम ऑक्सीजन है, तो दोनों में देखो फर्क क्या है, यहां तो ऑक्सीजन है ही नहीं, यहां कम ऑक्सीजन है और यहां पे तो क्या है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एब्सेंस का मतलब क्या होता है, आप जब क्लास से एब्सेंट होते हो तो क्या आप होते हो क्या वहां पे, नहीं होते ही नहीं हो बिल्कुल भी, ठीक है बैठ गई। तो सबसे पहले प्रोसेस हम देखते हैं एब्सेंस इन ऑक्सीजन, इसमें क्या होता है, ये प्रोसेस होता है यीस्ट के अंदर, जो अभी हमने बात की थी कि यीस्ट को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी उसने CO2 रिलीज की, समझ में आई बात, और CO2 रिलीज करके क्या बना दिया उसने, ये काम यीस्ट के अंदर होता है, टू कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम एथेनॉल बोलते हैं, यही एल्कोहल का फॉर्मूला होता है, ठीक है, यही प्रोसेस पूरा क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन कहलाता है, जो अभी हमने पढ़ा है और नाम भी आया था फर्मेंटेशन का। और ये क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड का नाम यहाँ पे आ गया है, ठीक है। और ये क्या निकलता है, एनर्जी निकलता है, तो ये टू कार्बन का मॉलिक्यूल हो गया यानी C2 है, तो यानी C3 से पहले C6 से C3 एंड देन C2 हो गया, ये होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और कहाँ होता है, यीस्ट में होता है, आपको पता होना चाहिए, तीनों में से वो एक ना एक जरूर पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन तो है लेकिन ये कहाँ होता है, ये मसल सेल में होता है हमारे अंदर, जब हम रनिंग करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं ना, तब आपने देखा होगा कि हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत है, जितनी ऑक्सीजन हम दे नहीं पा रहे हैं लेकिन फिर भी हम तेज ले रहे हैं ऑटोमेटिक, तो फिर ये क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, और लैक्टिक एसिड जो होता है ना, तीन कार्बन का मॉलिक्यूल होता है और प्लस एनर्जी फिर से रिलीज होती है इसके अंदर, तो इसकी वजह से क्या ना, लैक्टिक एसिड जब बनता है ना तो हमको पेन फील होता है, हमारी बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं, ऐसा लगता है ना कि जब एक्सरसाइज के बाद में क्या आज तो पूरा बॉडी पेन हो रहा है, मीठा मीठा सा, ठीक है, तो ये हो जाता है मसल सेल के अंदर, वो पूछ सकता है आपको। नेक्स्ट देखो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमारे अंदर होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, बैठी बात, और इसमें भी क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और इसके अंदर भी एनर्जी रिलीज होती है और वाटर और बन जाता है, बैठ गई बात यहां तक। तो अब ये जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है ना, इसको बोलते हैं एनएरोबिक, नाम है आपके, और इसको बोलते हैं एरोबिक, बार बार ऐसा नहीं बोलना है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हम क्या बोलेंगे, एनएरोबिक और एरोबिक। दूसरी चीज, इसके अंदर जब एनर्जी जो रिलीज होती है ना, ये एनर्जी ये कम होती है और इसके अंदर एरोबिक के अंदर एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, तो ये डिफरेंस भी पूछेगा आपसे बाद में, तो यहीं पे अपन पढ़ लेते हैं तो एक बार अपन को आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली में है क्या ये। तो ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, इसकी हर एक चीज आपको आनी चाहिए, यहाँ पे ये अगर नहीं लिखा हुआ है एरो के ऊपर साइटोप्लाज्म आपने, तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और बाकी आपको वो कुछ भी पूछ सकता है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है ना वो पाइरूवेट बन जाता है, अब बताइए लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा या हमारे मसल सेल में क्या होता है, तो आपको वहाँ पे लिखना होगा कि लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, लैक्टिक एसिड बनता है और प्रोडक्ट एनर्जी भी रिलीज करता है, ठीक है। चले आगे, अब देखो इसको पढ़ेंगे ना तब मजा आएगा, ठीक है ना, क्योंकि अपन काफ़ी चीज़ें समझ चुके हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ब्रेकडाउन होता है बस ग्लूकोज का, यूज किसका करके, ऑक्सीजन का करके। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, ये सब साइटोप्लाज्म में होता है, और आगे क्या होता है, पाइरूवेट जो होता है ना कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल में भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड में होता है किसी किसी के अंदर, और किसी के अंदर ये प्रोसेस यीस्ट के अंदर होता है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, और बाकी एब्सेंस ऑफ एयर में होता है, और एब्सेंस ऑफ एयर में हो रहा होगा ना तो उसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट यूजिंग ऑक्सीजन हो रहा है, अगर ऑक्सीजन है तो फिर ये टेक प्लेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फिर यहाँ पे क्या करता है, ब्रेक कर देता है थ्री कार्बन पाइरूवेट मॉलिक्यूल्स को कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और क्या बना लेता है, वाटर बना लेता है, और अब अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो ये क्या कहलाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और रिलीज ऑफ एनर्जी, ये देखो यहाँ पे पढ़ो, इज इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज अ लॉट ग्रेटर देन इन एन एरोबिक प्रोसेस, यानी एरोबिक में एनर्जी ज़्यादा मिलती है क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसीलिए, ठीक है। तो वो किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, इसलिए। आगे देखो तीसरा वाला, व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल्स अनदर पाथवे फॉर ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट इज टेकन, हियर द पाइरूवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड व्हिच इज आल्सो अ थ्री कार्बन मॉलिक्यूल, दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेज क्रैम्प्स, ठीक है ना, तो हमको पेन का थोड़ा सा फील होता है। तो ये कब होता है, ये जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, तो ये हमने तीनों अच्छे से पढ़ लिए हैं, इस डायग्राम से हमको समझ में आ गया, हमको ये कचरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। आगे चलते हैं, आगे देखो, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड ATP। अब जो एनर्जी रिलीज हुई ना इस देखो, ये एनर्जी रिलीज हुई, ये एनर्जी रिलीज हुई और ये एनर्जी रिलीज हुई है, ये पता है क्या बनाता है, एक मॉलिक्यूल बना देता है, सिंथेसाइज यानी संश्लेषण करता है, बनाना ATP मॉलिक्यूल बना देता है। इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट विच इज यूज टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज इन द सेल, और ये क्या करता है, ATP फ्यूल का काम करता है, और फ्यूल क्या देता है, एनर्जी देता है, है ना। इन दिस प्रोसेस ATP इज ब्रोकन डाउन इनटू राइजिंग टू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, और फिक्स अमाउंट की एक एनर्जी देता है विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है, वो पूछ सकता है सेल के अंदर
कि कौन सी रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, आपको लगाना है। दूसरी चीज़, ये जो 2023 में बच्चे एग्ज़ाम देंगे ना CBSE के, उनके लिए येलो वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं, बट थोड़ी सी एक लाइन समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है? ATP इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेल्युलर प्रोसेस। जो भी सेल्युलर प्रोसेस होंगे ना, उसमें यहाँ पे एक ही करेंसी चलेगी। जैसे हमारे यहाँ पे एक ही करेंसी चलती है, चाहे हमको सब्जी लेनी हो, चाहे सोना लेना हो, चाहे कुछ भी लेना हो, ठीक है, तो हमारे पास में रुपया होता है हमारी करेंसी, और बांग्लादेश की टक्का, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी करेंसी चलती है? ATP चलती है। इसका नाम होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, और ये ADP का मतलब होता है एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, और एक फॉस्फेट कहीं से मिल जाएगा तो एनर्जी आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा? ATP बन जाएगा। बाकी आपको यहाँ पे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखो, सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड ऑन ऑक्सीजन। अब बार बार है ना एरोबिक का नाम आ रहा है, तो आप क्या समझो कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, तो डिपेंड ऑन ऑक्सीजन, ये हमको पता है। तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू एंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन सफिशिएंट होनी चाहिए आपके पास में। तो हमारे एनवायरनमेंट में कितनी ऑक्सीजन है? 21% ऑक्सीजन है, ठीक है। वी हैव सीन दैट प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस एंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कॉन्टेक्ट विद एयर। अब देखो, प्लांट की जो सेल्स होती है ना, ये इंटरसेलुलर स्पेस किसकी बात कर रहा है, कि यहाँ पे भी ऑक्सीजन जानी चाहिए, यहाँ पे भी ऑक्सीजन जानी चाहिए, बैठ गई बात। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हेयर। अब प्लांट के अंदर जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है ना, वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। और डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस या फिर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। बैठ गया। दे कैन गो इन टू सेल्स और अवे फ्रॉम देम एंड आउट इन टू द एयर। आगे देखो, इंपॉर्टेंट जो है ये है कि द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन किस चीज़ पे डिपेंड करती है, आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो पहली है एनवायरमेंटल कंडीशन पे, और दूसरी रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट है, कि प्लांट को क्या चाहिए वो उस हिसाब से वो देख लेता है। ये हमारा प्लांट है, अगर इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है और ऑक्सीजन यहाँ ज़्यादा है, तो वो यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगी हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और CO2 अगर ज़्यादा है तो यहाँ से यहाँ चली जाएगी। अब आप बोलोगे सर प्लांट ऑक्सीजन कहाँ लेता है? नहीं, प्लांट ऑक्सीजन लेता भी है और ऑक्सीजन देता भी है, CO2 देता भी है और CO2 लेता भी है, दोनों प्रोसेस होते हैं। तो इसकी बात अपन अभी यहाँ पे कर लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इतना सा, कि डायरेक्शन डिफ्यूजन की किस पर डिपेंड करती है। तो आप क्या लिखोगे? एनवायरमेंट कंडीशन पे और रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, की प्लांट की रिक्वायरमेंट क्या है। अब आगे देखो, एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग CO2 एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है निष्कासन करना, निकलना। इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन, यानी नाइट में प्लांट क्या निकालता है? CO2 निकालता है, ध्यान रखना। इसीलिए बोला जाता है कि रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोते, और इसको जोड़ दिया धर्म से कि भूत रहते हैं इस पर, बैठ गई बात। इसीलिए बोला जाता है, ताकि आप तभी मानोगे, वरना आप मानोगे नहीं। तो हमको ये पता चल गया कि रात में नाइट में प्लांट CO2 रिलीज करता है। एलिमिनेशन का मतलब आप ये मत समझ लेना कि कम हो जाता है, नहीं, एलिमिनेशन का मतलब होता है निष्कासन, निकालना। During the day, CO2 generated during respiration is used for photosynthesis, hence there is no CO2 release. Day में कोई CO2 release नहीं होती है, instead इसकी बजाय oxygen release is the major event at this time, और दिन में oxygen release करता है ये plant, ठीक है। तो यानी plant दोनों ही करता है काम, लेकिन रात में तो CO2 निकालता है और दिन में oxygen release कर देता है, भूलोगे तो नहीं। आगे देखो, एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स, मतलब एनिमल के अंदर ना डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन थे ना, उसका विकास हुआ। क्यों हुआ? फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से ऑक्सीजन लेने के लिए, एंड फॉर गेटिंग रिड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए। टेरिस्ट्रियल एनिमल्स, जो स्थलीय जीव होते हैं, जो स्थल पर रहते हैं, कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर, बट एनिमल्स दैट लिव इन वाटर नीड टू यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, इसलिए इसको बोलते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन, DO से बोलते रहते हैं, DO से डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। आगे एक एक्टिविटी है जिसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी हमको थोड़ा सा ये देखना है कि इसमें बोला क्या गया है। ये बोल रहा है कि फिश का जो माउथ है ना, वो कितनी बार नंबर ऑफ टाइम्स ओपन होता है और क्लोज होता है इन अ मिनट, एक मिनट में आप बताइए हमको, और इसी को कंपेयर कीजिए कि आप कितनी बार ब्रीथ करते हैं एक मिनट के अंदर। समझ में आ गई बात? तो हम लोग जो जनरली ब्रीथ करते हैं ना, वो 12 से 20 बार करते हैं पर मिनट, और फिश का जो रहता है ना, वो कितना रहता है? लगभग 80 से 100 पर मिनट। समझ में आई बात? ऐसा क्यों? अभी बात करते हैं। सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, कह रहा है एयर में जो ऑक्सीजन है ना वो ज्यादा है, और डिजॉल्व जो ऑक्सीजन है ना वो कम है। डिजॉल्व ऑक्सीजन कितनी है उसकी बात करते हैं। एनवायरमेंट में 21% ऑक्सीजन है, और अगर वाटर की बात करें तो 0.5% ऑक्सीजन है, ठीक है। और अच्छे से समझना है इसको, तो एक लीटर अगर हम पानी लेंगे ना, तो उसमें से
5 मिलीलीटर से 8 मिलीलीटर, यानी मिलीलीटर में बात कर रहा हूँ और यहाँ पे लीटर में बात कर रहा हूँ, तो इतनी ऑक्सीजन होती है, समझ में बात। लेकिन ये जो वाटर वाली है 0.5%, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर होना चाहिए 30 डिग्री सेल्सियस, तब ये पूरा ऐसा निकलता है। तो हमको पता चल गया कि एक लीटर में 5 मिलीलीटर से 8 मिलीलीटर होती है और यहाँ पे 21% होती है। तो इन दोनों का अगर आप देखोगे ना कि 5 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाए, तो 5 को लगभग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तब 21 आएगा। बैठी बात, इसको नहीं लेके चलना, इसको लेके चल रहे हैं अपन एक लीटर वाला, ताकि उसे आपको पता चल जाए। तो 5 और 21 बनाना है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि वो 21 बन जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई किया। तो अब देखो, हमने बोला कि हमारी 12 से 20 के बीच में ब्रीदिंग रेट होती है, अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ 20 को, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वो फैक्टर आ चुका है, वो कितना है 4 है, और 20 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 80 आता है कि नहीं आता है, आता है ना। तो इसीलिए इनकी रेट बढ़ जाती है, क्योंकि ये जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेते हैं और हमारे पास ऑक्सीजन जल्दी लेने की इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। बैठ की बात, इसीलिए देखो ये बोल रहा है, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मच फास्टर देन द सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। इसीलिए ना ब्रीदिंग जो रेट होती है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में फास्ट होती है और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के अंदर स्लो होती है। फिश टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट पास द गिल्स, गिल्स को पास कर देती है, वेयर द डिजॉल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय ब्लड, और ब्लड ले लेता है। तो फिश के अंदर क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, वो ऑक्सीजन निकाल लेते हैं पानी में से, H2O में से जो डिजॉल्व ऑक्सीजन ये है ना, ये निकाल लेते हैं। आगे देखो, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, वो रेस्पिरेशन के लिए एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, और दिस ऑक्सीजन इज अब्सॉर्ब बाय डिफरेंट ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल्स। ऑल दिस ऑर्गन्स हैव अ स्ट्रक्चर दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। तो इस ऑक्सीजन लेंगे ना तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा अंदर हमारे, तो ऐसे ऐसे ऑर्गन होते हैं हमारे अंदर। सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टू टेक प्लेस अक्रॉस दिस सर्फेस, और इसी सर्फेस से ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज चलता रहता है। दिस सर्फेस इज वेरी फाइन एंड डेलिकेट, यानी ये पर्टिकुलर किसी पॉइंट के बारे में बात कर रहा है, उस पॉइंट का मैं नाम बता देता हूँ एक बार आपको, वो जो आपको बात कर रहा है ना वो इसके बारे में बात कर रहा है, इस डब्बू के बारे में, ये गुब्बारा जिसका नाम है एल्वियोली, ठीक है, यहाँ से एक्सचेंज होता है। तो अपन इसको पढ़ते हैं तो अपन को नाम ये पता भी चलेगा। तो ये जो सरफेस होती है ना, ये वेरी फाइन होती है और डेलिकेट होती है, यानी कोमल होती है, और इस सरफेस को प्रोटेक्ट करना हो ना तो ये कहाँ पे होती है, इट इज़ यूजली प्लेस्ड विद इन द बॉडी, इसलिए ये बॉडी के अंदर रहती है, और आगे क्या आ जाती है, रिब्स आ जाती हैं। तो रिब्स कहाँ हैं उसको भी देख लेते हैं अपन। तो ये देखो, ये वाली जो चीज़ है ना वो यहाँ पे है, जो आपको बहुत छोटी छोटी दिखाई दे रही होंगी ये सब, ठीक है, और आगे ये रिब्स दिखाई दे रही होंगी। तो एक लंग्स पे उसने रिब्स दिखाई और दूसरे पे इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि वो अपन को अंदर का डायग्राम दिखाना चाहता था। तो ये विद इन द बॉडी हो गया। सो देर हैव टू बी पैसेज दैट विल टेक एयर इन दिस एरिया, इन एडिशन देर इज अ मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट इन दिस एरिया वेयर द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब। आगे बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की, इसका मतलब वही डायग्राम पे पटके काम को लेकर, एयर इज टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल्स, द एयर पासिंग थ्रू द नोस्ट्रिल इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर दैट इज लाइन द पैसेज। और नोस्ट्रिल से हम लोग है ना इसलिए लेते हैं, माउथ से हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमारे पास नोस्ट्रिल के अंदर ना म्यूकस होता है। एक हमने म्यूकस पढ़ा था कि हमारे स्टोमक के अंदर होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टोमक को, और दूसरा म्यूकस हो गया हमारे। तो ये म्यूकस पता क्या करता है, ये डस्ट पार्टिकल जो होगा ना उसको हटा देता है और सीधा फाइन एयर जो होती है ना वो अंदर चली जाती है हमारे नाक के अंदर। इसलिए हम मुंह से नहीं लेते, नाक से लेते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर म्यूकस होता है, यानी बलगम बोल दो, कफ बोल दो, वो हरा हरा कलर का जो बच्चों के निकलता रहता है नाक में से। वेरी गुड, आगे चलते। द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विद म्यूकस, ये बात आ गई है, विच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस। फ्रॉम हेयर द एयर पैसेज थ्रू द थ्रॉट, और यहाँ से हवा थ्रॉट में जाती है इन टू द लंग्स, और फिर लंग्स में और बीच में आते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का मतलब होता है, कार्टिलेजेस क्या होती है ना, बोन की तरह होती हैं बट दे आर सॉफ्ट। कार्टिलेज इज लाइक बोन बट दे आर सॉफ्ट। कहाँ पर होती है, ये हमारा मुँह है और ये हमारा कान है, ठीक है ना, बड़ा बनाया मैंने। ये जो आपका हिस्सा होता है ना, यहाँ पे आपके कार्टिलेजेस होती है, आप करके देखना, आपको ना थोड़ा सा मुड़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है, ये ऐसी बोन क्यों होती है और ये रिंग ऑफ कार्टिलेजेस होती कहाँ पे, अब अपन बात करते हैं। तो रिंग ऑफ कार्टिलेजेस है ना, आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, ये देखो रिंग ऑफ कार्टिलेजेस, यहाँ पे ये रिंग बनी हुई है कार्टिलेज। ये ऐसा क्यों होता है कि अगर इस आदमी ने अपनी गर्दन नीचे की तरफ मोड़ ली तो अगर कोई पाइप होगा ना तो वो तो ऐसे पिचक जाएगा यहाँ से, ये देखो, तो अब एयर जा नहीं रही यहाँ से, तो ये ऐसे नहीं होके और यहाँ पे रिंग ऑफ कार्टिलेजेस हो जाती हैं और फिर ये ऐसे मुड़ जाती हैं, समझ में आई। तो ये तो मैंने एक बनाई, इसके पास देखो बहुत सारी है, तो यहाँ से मुड़ता नहीं है और इसी वजह से ये रिंग ऑफ कार्टिलेजेस यहाँ पे होती है, ठीक है। तो यही इसने लिखा, रिंग ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रॉट, थ्रॉट में रहती है। These ensure that the air passage does not collapse. यानी अगर आप गर्दन नीचे कर दी तो collapse नहीं होना चाहिए, इसलिए bones होती हैं जो soft soft होती हैं, यानी ये यहाँ पर कहीं ऐसे गोल 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 होती हैं। चले आगे, अब देखो एक मैंने अपनी तरफ से लिखा है ताकि आपको हमेशा एक याद रहे।
जब हम एयर को इनहेल करते हैं ना, तो उसका पाथ क्या होता है? इनहेल मतलब अंदर लेते हैं, तो नेसल कैविटी से लेते हैं, फिर फायरिंग्स आता है, फिर ट्रैकी आता है, फिर ब्रोंकी आता है, फिर लंग्स आता है। ये सब नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये देखो, नेसल पैसेज आ गया, फिर यहाँ से फायरिंग्स ये रहा, फिर ट्रैकिया में चला जाता है, ये रहा ट्रैकिया, फिर ब्रोंकी में चला जाता है, ब्रोंकी थोड़ा सा नीचे आ गया, और फिर ब्रोंकी के बाद लंग्स आते हैं। तो देखो, ब्रोंकी का एरो आपको यहाँ कहीं मिलेगा और लंग्स जो है ना नीचे यहाँ आ जाते हैं, ये लंग्स हो गए। तो पहले ब्रोंकी आ जाएगा, उसके बाद लंग्स आएगा, एंड देन ब्रोंकाइलोज आ जाएंगे, ये रहा ब्रोंकाइलोज, फिर एल्वियोली आ जाएगा, तो ये रहा एल्वियोली, लास्ट में बिल्कुल ये जड़ खत्म हुई और इससे जो ऐसा निकला है यहाँ पे ये एल्वियोलीज आ गया, और फिर कैपिलरीज आ जाती हैं, बात करेंगे अपन अच्छे से। तो एल्वियोली कितनी होती है हमारे अंदर, तो सबसे पहले हम एक एल्वियोली का अच्छा से डायग्राम देखते हैं, तब हमको पता चलेगा। तो देखो, ये रिंग ऑफ कार्टिलेजेस यहाँ खत्म हो गई, यहाँ से फिर है ना दो टुकड़ों में टूट जाता है, एक लंग्स के इधर चला जाता है, एक लंग्स इधर चला जाता है, लेकिन टुकड़ों में टूटने वाली जो चीज़ होती है ना ब्रोंकी होती है, ये ब्रोंकी है पहले, ठीक है। और ब्रोंकी के बाद में आपको बहुत सारे ब्रोंकाइलस मिलेंगे, तो ये एक बड़ी लाइन यहाँ आ गई और इससे फिर ये छोटे छोटे ऐसे निकल गए कुछ के, दिखा आपको अच्छे से, ठीक है, और दोनों तरफ ऐसा हो जाता है। फिर लास्ट में ये खत्म कहाँ पे होती है, तो ये खत्म यहाँ पे होती है, ये गोल गोल दिख रहे होंगे आपको छोटे छोटे, ये गुब्बारे होते हैं। अब इसमें देखो, एक ने यहाँ पे गोला कर रखा है इस एक डब्बू पे, ये छोटे छोटे डब्बू ने जिसमें इसने खुद ने गोला कर रखा है, और उसको इस इमेज को जूम करके दिखाया है यहाँ पे, अपन भी देखते हैं कि ये जूम इमेज क्या है। ये होती एल्वियोली, ये एक जो उसने जूम करके दिखाया, तो ऐसी देख लो कितनी होती है आपके अंदर, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एल्वियोली आपके अंदर होती है 300 मिलियन एल्वियोली इन ईच ह्यूमन लंग, एक लंग के अंदर, तो दो के अंदर फिर तो 600 हो जाएगी इसमें, मतलब ये कहीं बुक में लिखा हुआ था 7th क्लास की, अब हो सकता है कि गलत हो या नहीं हो, बाकी गलत तो क्या होगा बुक में लिखा हुआ, बट ऑलमोस्ट इतनी सारी होती है। और एल्वियोली जो होती है ना, उसके पास बहुत सारी ब्लड वेसल्स रहती हैं, उसको भी देख लेते हैं अपन, आ जाओ। तो ये रहा वो एल्वियोलियस, अकेला अकेले की बात करें तो ये देखो, यहाँ से गैस चली जाएगी, यहाँ से फिर इसके पास में दो चीज़ें रहेगी, एक आर्टरीज रहेगी रेड वाली और ये ब्लू वाली वेंस रहती है, तो यहाँ से गैस का क्या होता है एक्सचेंज होता रहता है, तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है यहाँ पे, समझ आ गया, ये एल्वियोली के पास में ही उसकी सरफेस पे है। चले आगे, तो ये हमने इनहेल्ड एयर देख लिया था, अब एक्सहेल एयर जो होता है ना, यही पाथ होता है सेम, लेकिन किस में चलता है, रिवर्स डायरेक्शन में चलता है। तो क्या होगा, कैपिलरीज, कैपिलरीज से एल्वियोली, एंड देन ब्रोंकाइलस, देन लंग्स, देन ब्रोंकी, देन ट्रैकिया, देन फायरिंग्स, देन नेसल कैविटी, तो यहाँ से ये चलता रहता है। और ये जो लायरिंग्स होता है ना, इसी को ही वोकल कोड बोलते हैं, ठीक है, यहीं से आवाज़ निकलते हैं हमारी लायरिंग्स से ही। ये आगे देखो, कह रहा है विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स विच फाइनली टर्मिनेट इन बलून लाइक स्ट्रक्चर। तो वो जो स्ट्रक्चर थी ना एल्वियोली, उसको हम क्या और बोल सकते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर, और वहाँ पे वो लंग्स खत्म हो जाते हैं, और खत्म जहाँ पे होते हैं वहाँ पे कौन आ जाती है, एल्वियोली आ जाती है। द एल्वियोली प्रोवाइड, और सिंगुलर बोलेंगे ना तो एल्वियोलस बोलेंगे, और एल्वियोली बहुत होती है हमारे अंदर। तो द एल्वियोली प्रोवाइड अ सर्फेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैन टेक प्लेस, यहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता रहता है, कैसे होता है वो मैं बता देता हूँ। अब देखो, हमने नेसल से एयर ली, बैठी बात, तो उसके अंदर क्या होता है, O2 और CO2 दोनों ही हो सकता है, ठीक है, और कैपिलरीज के अंदर ब्लड चल रहा है, यहाँ पे क्या प्रोसेस होगा, डिफ्यूजन होगा, कैसे होगा देखना। अगर इस ब्लड के अंदर CO2 ज़्यादा है, समझ में आई बात, तो CO2 यहाँ से कहाँ आ जाएगी, CO2 यहाँ से यहाँ आ जाएगी, बैठ गई बात, डिफ्यूजन हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे चली जाएगी फिर, क्योंकि यहाँ पे CO2 ज़्यादा थी तो विच मीन्स ऑक्सीजन कम थी, यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई फिर, और मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई ओरिजिन टू लो ओरिजिन या लो कॉन्सेंट्रेशन बोल दो, क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, बैठी बात अच्छे से। मान लेते हैं यहाँ पॉइंट पे बात करते हैं कि इसके पास यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा, तो ये ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होती जाती है, ये और इसी की सरफेस है, ये हो गई एल्वियोली की सरफेस, और ये इसी के पास बहुत बड़ा नेटवर्क चलता है ब्लड वेसल्स का, यानी जो हमारे खून की पाइप्स होती हैं अलग अलग, वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज, तो ये वो अच्छे से उसने बता रखा है, ऐसे बैठ गई बात, डिफ्यूजन भूलोगे तो यहाँ पे सब पे ये डिफ्यूजन चलता रहता है। फिर हमने कहा कि डिफ्यूजन जो होता है ना, वो बहुत, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने कहा था कि वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो नीड है ना, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता डिफ्यूजन, तो और क्या होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो ये डिफ्यूजन तो होता ही है हमारे अंदर, लेकिन और भी बहुत सी चीज़ें चलती हैं, तो इससे क्या करना, ऑक्सीजन की इनटेक जो है ना वो पूरी नहीं हो पाती, लेकिन समझ में आ गया ना कि अगर ब्लड के अंदर CO2 ज़्यादा होगी तो वो क्या कर लेगा, इधर ले लेगा और इसको फिर बाहर फेंक देगा, और O2 कम है तो O2 यहाँ से जो हमने लिए एयर, इससे यहाँ पे चेप देगा। आगे चले, देखो, द वॉल्स ऑफ एल्वियोली कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, एल्वियोली की वॉल्स जो होती है ना उस पर एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स का होता है, यानी हमारे अंदर कुछ पाइप होती है खून की अलग अलग, उसको ब्लड वेसल्स बोलते हैं, और आपको मैंने फोटो बहुत अच्छे से दिखा दी थी, ये रहा
बैठा अच्छे से। चलो आगे देखते हैं, आगे बोल रहा हूँ, एज वी हैव सीन इन अर्ली ईयर्स व्हेन वी ब्रीद इन, जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हमारी रिब्स कहाँ चली जाती है, लिफ्ट हो जाती है और डायाफ्रेम क्या हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है। और जब हम ब्रीद आउट करते हैं, एक तो ब्रीद इन किया और एक ब्रीद आउट करते हैं, तो ये दोनों जो प्रोसेस है ना, ये आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे, तो इसको समझने के लिए मैंने डायग्राम यहाँ पे ले रखा छोटी बुक का, ये रहा, ये ड्यूरिंग इनहेलेशन है और ये ड्यूरिंग एक्सहेलेशन है। इसके अंदर देखो क्या हुआ, इनहेलेशन में मतलब सांस अंदर जा रही है तो इसका लिफ्ट हो गया और डायफ्रेम कहाँ चला गया, नीचे चला गया, चेस्ट कैविटी क्या होगी, लिफ्ट हो गई यानी बाहर की तरफ आ गई, और ये चेस्ट कैविटी अंदर चली गई जब इसने हवा बाहर निकाली, और डायफ्रेम क्या हो गया, अपवर्ड मूवमेंट हो गया। ठीक है, और इसको अच्छे से समझना हो तो इसको देख लो, इसमें इसने जैसे ही हवा अंदर ली यानी इनहेल हो रहा है यहाँ पे, ध्यान रखना, और यहाँ पे एक्सहेल हो रहा है, यहाँ पे आपको एरो दिख रहा होगा ऐसे करता हुआ, तो इनहेल जब वो करेगा ना तो ये देखो, ये इसका रिब्स जो है ना ये लिफ्ट हो जाएगा, और डायफ्रेम कहाँ चला जाएगा, देखो नीचे की तरफ खींच गया है ना, और यहाँ पे डायफ्रेम ऊपर चला जाएगा और ये रिब्स जो है ना ये फ्लैट हो जाएंगी। बस ये दोनों डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे देखो, बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल द एक्सपांडेड एल्वियोली। अब एयर लंग से कहाँ चलेगी, एल्वियोली में चलेगी, एल्वियोली क्या होती है, फूल जाती है। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी, जो रेस्ट ऑफ द बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो लेके आई जाती है और रिलीज कर दी जाती है एल्वियोली को, और यहाँ से क्या हो जाता है, एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड इन द एल्वियोलर ब्लड वेसल्स, जो अभी मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था ये वाला, ठीक है ना, इसमें ये कैसे डिफ्यूजन होता है उसकी बात कर रहा है, टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल ऑफ द बॉडी, और ऑक्सीजन क्या होता है, ऑल सेल पे चली जाती है और ऑल सेल से कार्बन डाइऑक्साइड आके और वापस रिलीज कर दी जाती है लंग्स को, और लंग्स निकाल के वो सब प्रोसेस ट्रेकिया उधर वो ब्रोंकी ब्रोंकाइलस उनको देता है। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, जब भी ब्रीदिंग साइकिल के अंदर जब एयर अंदर ली जाती है और बाहर निकाली जाती है, द लंग्स ऑलवेज कंटेन्स अ रेसिड्यूअल वॉल्यूम, रेसिड्यूअल मतलब पर्याप्त मात्रा में ऑफ एयर सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब्ड, यानी ऐसा नहीं है कि आपने जैसे हवा निकाली यहाँ से CO2, तो CO2 अब आपके लंग के पास नहीं पड़ी है, नहीं पड़ी है वहाँ पे CO2 पड़ी है रेसिड्यूल वॉल्यूम में पड़ी हुई है, और आपने जैसे ही ऑक्सीजन ली तो यही ऑक्सीजन थी और आपके पास में बाकी ऑक्सीजन थी नहीं, नहीं तो भी पड़ी थी आपके पास में ऑक्सीजन, ठीक है ना, पहले से ही वो इतना सा सेव रखता है वो, तो सफिशियंट टाइम मिल जाता है ऑक्सीजन को टू बी एब्जॉर्ब एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज, तो ये टाइम मिल जाता है उसको। आगे देखते हैं, व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज लार्ज द डिफ्यूजन प्रेस प्रेशर कैन अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब जैसे हमारी साइज जब बड़ी हो जाती है ना, आपने देखा होगा, तो हम कह रहे हैं कि डिफ्यूजन जो है ना वो हमारे लिए इनफ नहीं होता, उसके लिए क्या हो जाता है फिर, डिफ्यूजन अगर नहीं हो इनफ नहीं है हमारे पास तो हमारे पास कोई और चीज़ भी होती, तो हमारे पास वो होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट का मतलब होता है हीमोग्लोबिन होता है हमारे अंदर, टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम the air in the lungs and carry it to tissue which are deficient in oxygen before releasing it. जहाँ भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वहाँ पर ये हीमोग्लोबिन जो है ना ऑक्सीजन की पूर्ति पूरी कर देता है, which has a very high affinity for oxygen. हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी मतलब याराना बंधुता बहुत अच्छा होता है, जहाँ भी ऑक्सीजन होगी ना उसके पास में भागता हुआ हीमोग्लोबिन चला जाएगा, और हीमोग्लोबिन किसके अंदर रहता है, रेड ब्लड सेल के अंदर रहता है, ठीक है ना, तो ये ऑक्सीजन को कट से पकड़ लेता है कि आ जाओ ऑक्सीजन घुमा के लाता हूँ तुझे पूरी बॉडी के अंदर, तो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर घुमा के लेता, तो इन दोनों का याराना बहुत अच्छा होता है, ठीक है। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पल्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। अब देखो कि O2 का तो हमको पता चल गया, ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन से दोस्ती करके पूरे ब्लड में चली जाती है, अब पूरे ब्लड के अंदर हमको ये भी पता है कि हमारे ब्लड के अंदर CO2 भी है, ठीक है, CO2 प्लस ब्लड है, तो ये कैसे होगा, तो ये बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो मोर सोल्यूबल इन वाटर होती है, ये ध्यान रखना, ऑक्सीजन से ज्यादा भी सोल्यूबल कौन हो जाता है वाटर के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है, हमारी बॉडी के अंदर वाटर है 70% तो वाटर ही है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। देन ऑक्सीजन इज एंड हैंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिसॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड, और हमारे ये डिसॉल्व फॉर्म में ब्लड में चलती रहती है ऑक्सीजन, समझ में, पूरी बॉडी से और निकाल के ऊपर लेके आ गए लंग्स पे, और लंग्स को से पूरे प्रोसेस में नोस्ट्रिल तक को देके बाहर निकाल के फेंक दिया उसको CO2 को, तो ये डिसॉल्व फॉर्म में चलती है और ये ज्यादा अच्छी डिसॉल्व होती है वाटर के अंदर देन कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। तो बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं इस पैराग्राफ से, ध्यान रखना आप। आगे देखो, ये 2023 का जो एग्जाम देंगे ना बच्चे CBSE वाले, उनके ये नहीं आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, इसमें मजा आएगा कि खाली डिफ्यूजन ही अगर हमारे अंदर होता और उससे ऑक्सीजन अगर मूव होती तो ऑक्सीजन को 3 ईयर्स लग जाते टू आवर टोज फ्रॉम आवर लंग्स, यानी लंग्स से टोज में पहुंचने में, टोज कहाँ होते हैं, ये पांव का हमारा हिस्सा जो आ गया ये टोज, और लंग्स कहाँ आ गए हमारे, यहाँ कहीं आ गए, यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसको 3 साल लग जाते हैं। आर नॉट यू ग्लैड दैट वी हैव हीमोग्लोबिन, या वी आर ग्लैड, वी आर सुपर ग्लैड, हाँ,
कि वी हैव अ हीमोग्लोबिन जो कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है. ठीक है, चले आगे. नेक्स्ट आता है आपके क्वेश्चन आंसर करते हैं इनको. पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के पास ऐसे कौन से एडवांटेजेस हैं टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कैन ब्रीद इन ऑक्सीजन एटमोसफियर जो कि बहुत ज़्यादा होती है. तो ये सब कचरा लिख देना और बाकी मैंने यहाँ पे वाटर में लिख दिया कि डिजॉल्व जो फॉर्म होती है उससे फिर वो एक्वेटिक एनिमल वहाँ से लेते हैं तो वो रिलेटिवली कम होती है. सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म. तो ग्लूकोज कैसे करता है, तो ये डायग्राम पूरा आपको अच्छे से याद हो गया, आपने यही पढ़ा था. थर्ड क्वेश्चन देखो, हाउ इज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स. कैसे ट्रांसपोर्टेड होती है, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन विच इज वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन. दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पल्स. कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्युबल इन वाटर दैन ऑक्सीजन और यहाँ से वो ट्रांसपोर्टेड होती है. तो ऑक्सीजन ऐसे ट्रांसपोर्टेड होती है हीमोग्लोबिन के साथ और CO2 जो होती है वो डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्टेड होती है ब्लड में. फोर्थ देखो, हाउ आर द लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एक्सचेंज करना है, ठीक है. तो इस बार आपको ये सारा लिखना पड़ेगा और आपकी बुक से लिया हुआ है और जो चीज़ नहीं लिखनी उसको मैंने ऑलरेडी काट दिया है. यहाँ से इसका फोटो स्क्रीनशॉट ले लेना, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए. नेक्स्ट चलते हैं वापस. तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए, अच्छे से नोट डाउन कर लेना, दिमाग में फिट कर लेना. नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन में ये किसकी बात कर रहा है, पहले ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा है, हमारे अंदर की बात कर रहा है, ठीक है. तो एक्टिविटी है, आप पढ़ लेना इसको, एक बार छोड़ना मत. मैं यहाँ से चालू करता हूँ. ब्लड ट्रांसपोर्ट्स फूड ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटीरियल इन आवर बॉडीज. तो ब्लड ये चीज़ ट्रांसपोर्ट करता है. वेस्ट के अंदर क्या क्या आ जाता है, नाइट्रोजनस वेस्ट आ जाते हैं, सॉल्ट आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाती है, ठीक है. आगे देखो, अब ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं तो ब्लड के बारे में पहले पढ़ लेते हैं कि ब्लड होता क्या है. ब्लड बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, पूछ सकता है वो आपसे कि क्या होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है. और फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड वो होते हैं जो फ्लो कर सकते हैं और फ्लो कौन कौन कर सकता है, लिक्विड और गैस फ्लूइड कहलाते हैं, ठीक है. ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा. जो फ्लूइड मीडियम होगा ना ब्लड के अंदर वो प्लाज्मा कहलाता है, ठीक है. इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड. बहुत सारी सेल्स जो होती है ना वो निलंबित रहती है यानी लटकी हुई रहती है इसके अंदर. तो कौन कौन सी होती है उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है. तो इस प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी सेल्स सस्पेंडेड रहती है. प्लाज्मा क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है उसकी भी बात कर लेते हैं. प्लाज्मा फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है और नाइट्रोजनस वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है इन डिजॉल्व फॉर्म में, ध्यान रखोगे. ऑक्सीजन इज कैरीड बाय द रेड ब्लड कॉर्पसल्स. अब देखो ये रेड ब्लड कॉर्पसल्स का नाम पहले भी आ चुका है अपने एक टॉपिक में, ये रहा रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है. ये इसमें आया था डब्बू वाले के अंदर जिसमें बलून लाइक स्ट्रक्चर थी एल्वियोली के अंदर. तो ये होती क्या है इसके बारे में अपन एक बार बात कर लेते हैं. तो रेड ब्लड कॉर्पसल्स की बात करें तो हम कहते हैं कि उसमें सेल क्यों नहीं लिखा, रेड ब्लड सेल की जगह ये क्यों लिखा. तो सेल वो होती हैं जिसके पास न्यूक्लियस होता है, मालूम है. लेकिन रेड ब्लड कॉर्पसल्स होती ना इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है. और कुछ और भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो प्रेजेंट नहीं होते हैं, याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं. चले आगे. तो ऑक्सीजन इज कैरिड बाय रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है. और कैसे, क्योंकि हमें पता है कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है तो वैसे ऑक्सीजन की उसके साथ बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है, बंधुता होती है, याराना होता है, ठीक. मैनी अदर सब्सटेंस लाइक सॉल्ट, अभी सॉल्ट की बात कर रहा है देखो, आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड. वी दस नीड अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी. तो इसका मतलब हमारे जो ब्लड है ना वो बॉडी के अंदर पड़ा नहीं रहना चाहिए, पंप होना चाहिए. जैसे देखो हमारे घरों में पानी की मोटर होती है, एक पंपिंग मशीन होती है जो छत के ऊपर टंकी रखी होती है ना उसको भर देती है पूरा, है ना. अगर पाइप में पानी पड़ा होगा ना तो वो फ्लो नहीं करेगा, समझ में आई बात. वो फ्लो तभी करेगा जब एक कोई पंपिंग मशीन उसको मिलेगी. तो ऐसे ब्लड तो पड़ा रहेगा हमारे अंदर, वो आगे नहीं जा पाएगा. लेकिन हमारे सभी ऑर्गन सभी टिश्यू को ब्लड चाहिए, सेल को ब्लड चाहिए, तो हमको एक पंपिंग ऑर्गन की जरूरत है जो ब्लड को पुश कर सके अराउंड द बॉडी. इसके अलावा और हमको क्या चाहिए, अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स चाहिए. तो ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स की बात क्या हो गई है, ये ब्लड वेसल्स की बात कर रहा है, ठीक है ना, जो रीच ऑल द टिश्यूज एंड अ सिस्टम इन प्लेस टू एंश्योर, जो ये निश्चित कर दे कि अगर कुछ टूट फूट हो गई तो उसका रिपेयर भी हो सकता है, ठीक है. वो कौन करेगा, ब्लड करेगा. तो फिर हमें ट्यूब्स भी चाहिए और एक पंपिंग ऑर्गन भी चाहिए जो ब्लड को पुश करे. वो पंपिंग ऑर्गन कौन है ये इंपॉर्टेंट है, आगे चलते हैं वहां से पढ़ेंगे. तो आर पंप कौन है, द हार्ट. हार्ट क्या होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है एज बिग एज अर फिस्ट, इतना बड़ा होता है जितनी अपनी एक मुट्ठी होती है, ठीक है.
आगे देखो डायग्राम अच्छे से आपको आना चाहिए, लेबल्ड होना चाहिए विद, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई है मैं सबकी बात करूँगा इस डायग्राम में, जो जो भी चीज़ें आई है। लेकिन पहले अपन थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं। अब देखो हमारे हार्ट के अंदर जो ब्लड चलता है ना, वो उसके अंदर ऑक्सीजन भी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। ये दोनों मिक्स नहीं हो जाए उसको रोकने के लिए हमारे हार्ट के अंदर डिफरेंट चेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से चैम्बर्स होते हैं उनकी बात कर लेते हैं, और कितने चैम्बर्स हैं। तो पहला चैम्बर्स ये आ जाता है जिसका नाम हो गया लेफ्ट आर्ट्रियम, और ये खांचा इतना सा। दूसरा चैम्बर आ जाता है ये रहा, जिसका नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये खांचा यहाँ से यहाँ तक कर लेना पूरा, ठीक है। तीसरा खांचा आ जाता है राइट आर्ट्रियम का, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तीसरा खांचा हो गया। और चौथा खांचा हो गया हमारा ये वाला राइट वेंट्रिकल। तो कितने खांचे हो गए, चार चैम्बर्स हो गए हमारे हार्ट के अंदर। आगे देखो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है ना उसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं, यानी ब्लड के अंदर अगर ऑक्सीजन है बहुत ज़्यादा तो वो ऑक्सीजन रिच ब्लड हो गया, उसको हमने नाम दे दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है ना उसको हमने नाम दे दिया डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, रिच फॉर्म में है, तो उसको हमने बोल दिया डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। याद रहेगा इतना। आगे देखो काम क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं एक बार। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स, लंग्स तक जाना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है, क्यों, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिमूव कर सकें। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, अब लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आना चाहिए टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट, और हार्ट पे आना चाहिए। दिस ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड इज देन पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और ये पूरा बॉडी में फेंक दिया जाता है। कौन सा, ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड, या ऑक्सीजन रिच ब्लड बोल दो या ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल दो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब इस डायग्राम में, और यहां से कुछ समझते हैं कि क्या क्या है। अब देखो इस डायग्राम को अच्छे से, इसका नाम पता होना चाहिए आपको, स्कीमेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट है विद लेबल्ड आपको पता होना चाहिए। ऑर्टा क्या होता है, इसमें अब अपन पहली बात करें तो ऑर्टा होता है मेन आर्टरीज, जो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे ऑर्गन में सप्लाई करती है, याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेंस। इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, मैं इन पे स्टार लगा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद पढ़ेंगे तब अच्छे समझ में आएगा। बात करते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम की, यहाँ से ब्लड अब एंटर हो रहा है, कौन सा ब्लड उसकी बात करते हैं। तो पहला काम लेफ्ट आर्ट्रियम से चालू होता है, ये क्या करता है, ये कलेक्ट करता है कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उस टाइम पे ये क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, यानी फैल जाता है। मैंने आपको बोला रिलैक्स हो जाओ डबल बेड पे, तो आप फैल गए, उसको रिलैक्स होना बोलते हैं, ठीक है। जब ये रिलैक्स होगा तो ब्लड इसके अंदर भर जाएगा। अब जैसे ही ब्लड इसके अंदर भरा तब ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड इसमें आ जाएगा। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना मेरे बेटे, ये वाला, तब ये क्या रहेगा उस टाइम पे, रिलैक्स रहेगा, कौन, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अब लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करते हैं, अभी लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है, रिलैक्स पोजिशन में है, यानी फैल गया है वो, ठीक है। और जब पूरा भर जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड, अब यहाँ से सी को हटा के, मैं आर को हटा के सी लिख देता हूँ, और यहाँ से ब्लड यहाँ से होता होता नीचे की तरफ से, इस ब्लू वाली से नहीं, नीचे वाली तरफ से ओटा से होता था, मेन ऑर्गन पे चला जाएगा, जितने भी हमारे ऑर्गन हैं उस पे चला। यानी हमने क्या देखा कि जब ब्लड कलेक्ट होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तब एक बार रिलैक्स होता है लेफ्ट आर्ट्रियम, और फिर लेफ्ट आर्ट्रियम ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तब ब्लड इधर आएगा, फिर ये रिलैक्स होगा, और ये जब पूरा भर जाएगा फिर ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तब ब्लड यहाँ से उधर चला जाएगा। यानी जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तब ब्लड इधर उधर जाता है, बैठ गई बात। अब ब्लड जो है ना हमारे पूरे बॉडी में जा चुका है, फिर बाद में क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होगा, ठीक है। जब इसमें से कलेक्ट होगा ना तब ये क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। अभी मान लो पूरा कलेक्ट हो गया यहाँ पे, फिर ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो मैं इसको आर को हटा के सी लिख देता हूँ, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इधर आ जाएगा और ये रिलैक्स हो जाएगा, फिर ये रिलैक्स हो रहा मतलब भर रहा है, फैल गया ये पूरा, फिर ये क्या होगा, आर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, समझ में आई बात, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। और जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड यहाँ से देखो यहाँ जाते 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 इधर चला जाएगा वापस लंग्स के पास में, चले आगे। आगे देखो ये क्या है, वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, यानी अपर बॉडी से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हो रहा है। वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, यानी यहाँ से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस राइट आर्ट्रियम में आके कलेक्ट हो रहा है, बैठ गई बात। अब देखो हमने बार बार जब इसमें पढ़ा ना तो हमने क्या चीज़ देखी कि रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होता है लेफ्ट आर्ट्रियम, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तब ये रिलैक्स हो जाएगा, और फिर ये रिलैक्स होने के बाद ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ब्लड क्या चला जाएगा, ऑर्टा के अंदर चला जाएगा। यानी रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट हमने दो चीज़ें पढ़ ली।
तो अब हम यहाँ से शुरू करेंगे. वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप. फिगर 6.11. तो ये 6.10 है और 6.11 जो नीचे है. लेकिन इसमें अभी जो एक चीज़ बची हुई है वो और अपन देख लेते हैं कि सेप्टम क्या होता है. सेप्टम का मतलब होता है विभाजी का, जो विभाजन कर देता है. तो यहाँ से देखो आपको एक विभाजन लाइन दिखाई देगी, ठीक है. तो यहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, यहाँ पे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है. समझ में आ गई. और बीच में सेप्टम आ जाता है, डिवाइडिंग वॉल आ जाती है, विभाजिका आ जाती है. अब अपन ने जो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा ना, वो सारी की सारी चीज़ें वो अपन को बोल रहा है फिगर 6.11 से भी कर लो या आप इससे भी कर सकते हो 6.10 से भी. तो इसमें यही लिखा हुआ है देखो कि द लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्सेस. इसकी बात कर रहे हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्स हो रहा है. रिलैक्स यानी फैल रहा है. तब ये क्या करता है, कलेक्टिंग द ब्लड करता है. जब ये रिलैक्स है तो ब्लड कलेक्टिंग कर रहा है और फिर ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट. जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल को भेज देगा. तो ब्लड इज ट्रांसफर टू इट. व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल्स, अभी वेंट्रिकल में आ चुका है, कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स टर्न. अब जैसे ये पहले रिलैक्स हो गया फिर ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगा. तो ये लैंग्वेज जो है ना ये आपको यहाँ से देख के लिखनी है, सेम टू सेम होनी चाहिए. ऐसा नहीं आप अपनी मर्जी से ही कुछ भी चेपते जाओ. आगे देखो डायलेट्स का मतलब क्या होता है, यानी फैल जाना. इसका मतलब भी फैल जाना और रिलैक्स का मतलब भी फैल जाना, ये दोनों एक ही वर्ड हैं, कंफ्यूज करेंगे आपको, इसलिए मैंने लिखा है. आगे देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है. सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स. वेंट्रिकल्स ही है जो ऑर्गन को ब्लड देते हैं. आप देखते हैं कि ऑर्गन को ब्लड वेंट्रिकल्स दे रहे हैं क्या. तो ये देखो ये आर्ट्रियम है, ये तो वेंट्रिकल्स को ब्लड दे रहा है, ठीक है. और वेंट्रिकल्स ही हैं जो अलग अलग ऑर्गन में ब्लड भेजेगा ऑर्टा के थ्रू. बिल्कुल सही बोला इसने, वेंट्रिकल्स ही है जो ब्लड को अलग अलग ऑर्गन पे भेजता है. सो दे हैव थिकर मस्क्यूलर वॉल्स देन द आर्ट्रिया डू. अब आर्ट्रिया क्या होती है, आर्ट्रियम का तो मतलब हो गया दो मिलके, ठीक है ना. और आर्ट्रिया मतलब हो गया सिंगुलर शायद, और तो क्या होगा, यही होगा, ठीक है. तो ये जो होते ना वेंट्रिकल्स, इनकी वॉल जो होती है ना थिक होती है और इनकी जो होती है ना थिन वॉल होती है, पतली दीवार होती है. आगे देखो वॉल्स भी होते हैं, इसलिए मैंने अंडरलाइन कर रखा था. एंश्योर दैट ब्लड डू नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द आर्टरी और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट. अब देखो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, ये वाली पहली चीज कॉन्ट्रैक्ट होगी, तब ब्लड इधर ही आना मांगता है, ऐसा नहीं कि उधर चला जाए. फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड इधर जाना मांगता है. समझ में आई बात. जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड इधर जाना मांगता है मेरे को, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड मेरे को इधर जाना मांगता है. ऐसा नहीं है कि ब्लड वापस उधर पीछे की तरफ चला जाए. तो इसके लिए क्या होते हैं, वॉल्व्स होते हैं. वॉल्व्स, वॉल नहीं, वॉल्व्स. तो ये इंश्योर करता है, निश्चित कर देता है कि ब्लड जो है ना वापस बैक नहीं आना चाहिए. अब इसी को ही, पूरे इस कचरे को अपन फिगर 6.11 से भी अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या है. पहले फिगर 6.11 का नाम देखो आप अच्छे से. स्कैमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जब भी एक्सचेंज का नाम आएगा ना कि ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, तब आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है. तो ये हमारा जो है ना इतना सा हार्ट दे रखा है उसने, बैठा आपके दिमाग में अच्छे से. ऑर्टा क्या हो गई, वही हमने बात की है कि मेन आर्टरीज है, और यहाँ से देखो ऑर्टा के थ्रू ये हमारी टू बॉडी में जा रही है, और यहाँ पे ये देखो जाके बिखर गई अलग अलग जगह. अलग अलग जगह जाने का, बिखरने का मतलब पता क्या हुआ, कि यहाँ पे अलग अलग ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी में, तो वो यहाँ इसने लिख दिया. और क्या बन जाती है, कैपिलरीज बन जाती हैं. सबकी बात करेंगे अपन धीरे धीरे, ठीक है. यहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये जाके सेल ने कुछ काम कर दिया, तो सेल ने क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया कचरा, तो ये वेंस बन गई, ये इधर आर्टरीज बन गई. तो यहाँ से ये CO2, तो आपको कलर ब्लू दिखाई देगा, है ना, इधर रेड कलर देगा. तो ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये वापस कहाँ जा रहा है, हार्ट में जा रहा है. बैठी बात यहाँ तक तो. और ये बीच में एक हो गया सेपरेशन. इस सेपरेशन के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि ये सेपरेट होना क्यों ज़रूरी है, और हम एक चीज़ और सीखेंगे कि आर्टरीज और वेंस में एक्चुअली होता क्या है, और ये फिर पल्मोनरी वेंस और पल्मोनरी आर्टरीज क्या होती है. इन पे अभी भी अपन ने स्टार ही लगा रखा है, ठीक है. तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि वापस से एक बार होता क्या है. तो सबसे पहले क्या होगा, ब्लड यहाँ से आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इस लेफ्ट आर्ट्रियम में आके घुस चुका है. तो ये क्या होगा, रिलैक्स होगा. फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तब वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा. यहाँ पे जाएगा, ब्लड आ गया यहाँ पे. ये क्या होगा, पहले रिलैक्स होगा, और जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये यहाँ से ब्लड को ऐसे भेज देगा, और यहाँ से ये सारे ऑर्गन्स में चला जाएगा. ये ऑर्गन्स के नाम आ गए. इसको इसने बोला है कि फर्स्ट सर्कुलेशन बोल दिया, ठीक है. एक बार हार्ट में घुसा है ब्लड और हार्ट से देखो बाहर निकल रहा है, तो ये पहला सर्कुलेशन हो गया. फिर यहाँ पे पूरा इसने ऑर्गन्स को दे दिया,
और उसके बाद इसने यहाँ से कलेक्ट कर लिया CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वापस हार्ट में घुसा, तो इसको इसने बोल दिया डबल सर्कुलेशन। यानी ये डबल सर्कुलेशन हमारे अंदर होता है और किस किस के अंदर होता है उसके बारे में अपन यहाँ पे थ्योरी दे रखी है, उसको पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो यानी डबल सर्कुलेशन होता है, दो टाइम ब्लड है ना हार्ट में एंटर करता है, एक बार यहाँ पे हार्ट में एंटर किया और यहाँ से यूँ करके यूँ निकल गया और दूसरी बार वापस पूरी बॉडी से आके वापस हार्ट में एंटर हुआ और इस खांचे में हुआ और यहाँ से इधर निकल लिया। यहाँ तक बैठा, चले आगे इसको पढ़ते हैं। ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स, कैसे होती है क्या होती है। द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। ये सेपरेशन है बहुत जरूरी है ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल नहीं जाए, मिक्स नहीं हो जाए। क्या करता है अगर जब मिक्स नहीं होगा तब क्या होता है उससे, सच सेपरेशन अलाउज अ हाई एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत अच्छी हो जाती है टू द बॉडी। दिस इज़ यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स, और ये उनके अंदर होता है जिनकी हाई एनर्जी नीड्स होती हैं जैसे हमारी होती है। और कौन होता है, सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स, मैमल्स यानी जो अपनी माँ का दूध पीते हैं, समझ में ना बात, तो उनके अंदर ही ऐसा होता है। क्यों करते हैं वो, विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी, एनर्जी को यूज़ करते रहते हैं किस चीज़ के लिए, टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर अगर हमारी बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और ये मेंटेन रहना चाहिए, और थोड़ा सा बढ़ गया तो हम लोगों को बुखार जैसा फील हो जाता है ना। अब आगे देखो दूसरे वाले मोर में क्या क्या होता है। इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पस, जिनको टेम्परेचर मेंटेन नहीं करना अपना बॉडी का, भाई उनको क्यों नहीं करना टेम्परेचर मेंटेन, क्यों, क्योंकि उनका जो बॉडी है ना वो डिपेंड रहता है एनवायरमेंट के टेम्परेचर पे, ठीक है। द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरमेंट, क्योंकि वो पानी में कहीं पड़े रहते हैं या जमीन के अंदर कहीं पड़े रहते हैं, मिट्टी के अंदर पड़े रहते हैं, समझ में आ गया ना, तो वहां से उनको वो मिलता रहता है टेम्परेचर उस अकॉर्डिंग, तो इतना उनको एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो हमें हमारी एनर्जी यहाँ पर कुछ लॉस्ट हो जाती है। सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस, और वो कौन कौन से होते हैं, मैनी रेप्टाइल्स हैव थ्री चैम्बर्ड हर्ट, तो इनके अंदर थ्री चैम्बर्ड हर्ट होता है, इंपॉर्टेंट अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है और पूछते भी हैं। एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगर देखो अगर थ्री चैम्बर हो गए ना तो कहीं ना कहीं आपका जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना वो मिक्सिंग हो जाएगा, लेकिन ये लोग टॉलरेट कर लेते हैं। कौन कौन, एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस एंड मैनी रेप्टाइल्स। आगे देखते हैं, फिशेज ऑन दी अदर हैंड हैव ओनली टू चैम्बर्स, फिशेज के पास ओनली टू चैम्बर्स होते हैं टू देयर हर्ट एंड द ब्लड इज पम्प टू द गिल्स, और ब्लड कौन पम्प करता है इनका, गिल्स पम्प करता है, एंड पासिस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और बॉडी को भेज देता है। ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हर्ट इन द फिश, फिश के पास ब्लड एक बार ही अंदर जाता है और यहाँ से वापस बाहर निकल जाता है, लेकिन हमने क्या बोला, हमारे टाइम में ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर वर्टेब्रेट्स, जो अदर वर्टेब्रेट्स होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है उनके अंदर दो बार जाता है, दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। तो मैंने आपको बता दिया, एक बार ब्लड देखो यहाँ से एंटर किया, फिर पूरी बॉडी में गया, ऑर्गन में पहुंच गया, और फिर वहां से कलेक्ट होकर वापस हार्ट में गया और उसमें से CO2 यहां से निकाल दिया, यानी डबल सर्कुलेशन होता है हमारे अंदर। तो वो पूछ सकता है क्वेश्चन, और आता है कई बार क्वेश्चन की डबल सर्कुलेशन क्या होता है। तो आई होप ये पूरा अच्छे से बैठा होगा। अभी भी अपना एक टॉपिक छूटा हुआ है, पल्मोनरी वेंस और पल्मोनरी आर्टरीज, उसके बारे में पढ़ते हैं अपन। इसको पूरा कर दिया अपन ने, अब इसको समझने के लिए थोड़ा अपन को आगे चलना पड़ेगा और अपन को एक डेफिनेशन यहाँ से याद करनी पड़ेगी कि आर्टरीज क्या होती है। वापस अपन आएंगे यहाँ पे, लेकिन एक बार अपन पल्मोनरी को अच्छे से पढ़ने के लिए अपन यहाँ पे आए हैं, ठीक है ना। तो आर्टरीज क्या करती है, वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज वो वेसल्स होती हैं जो ब्लड को हार्ट से दूर करती हैं। बैठ गई बात यहाँ से, इतनी सी याद करनी है। और वेंस क्या करती है, कलेक्ट करती है ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। यानी दो चीज़ें हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि वेंस तो पूरे ऑर्गन से ब्लड कलेक्ट करके हार्ट को देती है और ये हार्ट से दूर लेके जाती है आर्टरीज। अब ये दो डेफिनेशन अगर आपको अच्छे से याद हो गई तब अपन आगे चलेंगे, ठीक है। अब देखो आर्टरीज क्या करती है, हमने ये पढ़ा है कि आर्टरीज के अंदर ब्लड प्लस ऑक्सीजन होना चाहिए उसको हम आर्टरीज बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाता है डेफिनेशन। बच्चे ऐसा सोचते हैं कि आर्टरीज के अंदर, ये देखो यहाँ पे ऑर्टा है तो इसको मेन आर्टरीज बोल दिया, तो बच्चे ऐसा। और वेंस को हम क्या बोलते हैं कि ब्लड प्लस CO2 अगर चल रहा है ना तो वो वेंस हो जाती है, नहीं ऐसा नहीं होता। अब ढंग से समझो, हमने जो अभी आर्टरीज की डेफिनेशन पढ़ी ना उसमें उसने क्या बोला है, आर्टरीज को बोला है विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ये हार्ट से दूर कर देता है। तो ढंग से देखना, यहाँ पे अगर हम बात करें पल्मोनरी आर्टरीज की, ये पल्मोनरी आर्टरीज, तो देखो ये इतना सा हार्ट का खांचा हुआ, इससे ये दूर कर रहा है, हार्ट से दूर कर रहा है, तो ये क्या बन गई, पल्मोनरी आर्टरीज जो हार्ट से दूर लेके जाती है। आगे देखो, जो हार्ट में वापस लेकर आती है वो क्या कहलाती है, वेंस कहलाती है, तो इसलिए इसने इसको वेंस बोल दिया।
ये रहा वेंस, ये हर्ट में लेके आ रही है और पल्मोनरी वेंस बोल दिया। तो ध्यान रहेगा, ये कभी चीज़ मत करके आ जाना, ये गलत हो जाती है। बच्चे ऐसा सोचते हैं, वैसे जनरली होता भी ऐसा ही है कि आर्टरीज में यही बोला जाता है कि ब्लड प्लस O2 चलता है और वेंस के अंदर ब्लड प्लस CO2 चलता है, ठीक है। लेकिन ये डाउट अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे ना आर्टरीज के अच्छे से, वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि आर्टरीज क्या करती है, हर्ट से दूर लेके जाती है ब्लड को, ठीक है ना। तो वो आर्टरीज होती है, अब चाहे वो ब्लड के अंदर CO2 हो या O2 हो, बैठ गई बात। तो यहाँ से दूर जा रहा है ब्लड, तो ये क्या हो जाएगी, पल्मोनरी आर्टरीज हो जाएगी। और हार्ट के अंदर अगर चीज जा रही है तो वो पल्मोनरी वेंस हो जाएगी, क्योंकि वेंस का हमने पढ़ा है कि ये सब जगह से कलेक्ट करके वापस हार्ट में लेकर आती है। अच्छे से बैठ गया, आगे चले। तो ये तो इस साल 2023 में आने के चांसेस हैं नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है येलो वाला आएगा नहीं, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ईयर के जब एग्जाम होंगे 2024 वालों के, तब या तो नए वीडियो बना देंगे या फिर आप उनको इसको ज़रूर पढ़ना, तो अपन कुछ ऐड कर देंगे इसके अंदर इस चीज़ को भी, लेकिन 2023 में जो देगा उसके लिए नहीं है। आगे देखते हैं, अब देखो द ट्यूब्स, जो ट्यूब्स होती है ना, अभी हमने कहा था कि हमें एक ऑर्गन की जरूरत है जो पंप करे, तो उसको तो हमने हार्ट बोल दिया। फिर हमने कहा था कि एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स भी चाहिए, तो वो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स जो होती है ना वो ब्लड वेसल्स होती है। कितने टाइप की होती है, आर्टरीज भी होती है, वेंस भी होती है और कैपलरीज भी होती है। ये रहा आर्टरीज, ये वेंस और ये रहा कैपलरीज, समझ में आ गई बात। तो ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, अभी तीनों के बारे में ही अपन को पढ़ना है, जिसमें अपन आर्टरीज के बारे में तो अच्छे से पढ़ चुके हैं, तभी हमने पल्मोनरी के बारे में बताया था उसको, ठीक है ना, विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक। आगे देखो, और इसके अंदर आर्टरीज के अंदर क्या होता है, सिंस द ब्लड एमर्ज फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, जब हार्ट से ब्लड निकलता है ना ऑर्टा में, यानी मेन आर्टरीज में या दूसरी आर्टरीज में जाता है, तो बहुत प्रेशर में होता है। द आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल, तो आर्टरीज की जो वॉल होती है ना, दीवारें, वो थिक होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए। और वेंस क्या करता है, ब्लड को कलेक्ट करता है, दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, तो वेंस के अंदर ब्लड प्रेशर में नहीं होता, तो इनके पास में जो वॉल्स होती है ना वो थिन होती हैं, पतली। इंस्टीड वॉल्स, वेन्स के अंदर एक चीज़ और ध्यान रखना, क्या क्या होती है, इंस्टीड दे हैव वॉल्स दैट इंश्योर दैट ब्लड फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। वेन्स के अंदर एक चीज़ फिक्स हो जाती है कि वॉल्स होते हैं, जैसे देखो हमने बात की है कि ये हमारा CO2 जा रही है ऊपर, क्यों, क्योंकि ये ब्लू कलर की स्लिम बोलती है और ये वेन्स है, ठीक है ना। तो इसके अंदर यहाँ पे वॉल्स हो गया, यहाँ पे वॉल्स हो गया, यहाँ पे वॉल्स हो गया, तो यहाँ पे ब्लड अगर यहाँ तक पहुँच गया है तो अब ये वापस नीचे नहीं आएगा, और यहाँ से ब्लड अगर यहाँ पहुँच गया तो ये वापस अब नीचे नहीं आएगा, ठीक है। ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू, अब जब ऑर्गन और टिश्यू पर पहुंच जाते हैं, द आर्टरीज डिवाइड इंटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स, अब आर्टरीज क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, बहुत छोटी छोटी होती है, ब्रिंग द ब्लड इन कॉन्टेक्ट विद ऑल द इंडिविजुअल सेल्स, और हर सेल के पास में ब्लड पहुंचे, इसलिए आर्टरीज ना डिवाइड होती जाती है और छोटी होती जाती है। और जो सबसे छोटी आर्टरीज होती है ना डिवाइड होकर जो बन जाती है, स्मॉलेस्ट वेसल हैव वॉल्स विच आर वन सेल थिक, उनकी दीवारें एक सेल जितनी थिक हो जाती है, एंड आर कॉल्ड कैपलरीज, और वो क्या कहलाती है, कैपलरीज कहलाती है। कैपलरीज क्या करती है, एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल्स टेक प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल, और इसी थिन वॉल से ही एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। कहाँ पे देखा था हमने, यहाँ रहा वो डायग्राम, ये रहा, ये कैपिलरीज के पास कैपिलरीज पहुँच गई, यहाँ छोटी छोटी होती गई और हर सेल के पास में, और यहीं से एक्सचेंज हो रहा, तो यहाँ तो ऑक्सीजन थी और यहाँ से अब इसने कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी कर ली और यहाँ से चल गई। तो देखो आर्टरीज क्या होती है ना, डिवाइड हो जाती है, और डिवाइड होकर क्या बना लेती है, कैपिलरीज बना लेती है, और बहुत सारी कैपिलरीज इकट्ठी होकर मर्ज होकर क्या बना लेती है, वेंस बना लेती है। ये फ्लो समझ में आया आपको, वापस से एक बार, आर्टरीज डिवाइड होकर कैपिलरीज बना लेती है, और कैपिलरीज मर्ज होकर मतलब बहुत सारी इकट्ठी होकर वेंस बना लेती है, यही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है बस। द कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर, अब बहुत सारी कैपिलरीज क्या होगी, जॉइन टुगेदर हो जाएगी टू फॉर्म वेंस, और वेंस बना लेगी। तो यहाँ पे ये चीज आपको बहुत ध्यान से रखनी है कि द आर्टरीज डिवाइड होती है तब तो बन जाती है कैपिलरीज, और कैपिलरीज जॉइन टुगेदर होती है वापस से तो बन जाती है वेंस, एंड दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू, और वो फिर टिश्यू से ब्लड को अवे कर देती है, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब एक बार हम आर्टरीज वेंस को और कैपिलरीज को देख लेते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है, किसकी वॉल कैसी होती है, तो मैंने यहाँ बना रखा, ये आर्टरीज है, इसकी वॉल देखो आपको यहाँ अंदर की तरफ थिक दिखाई देगी, ये भी थिक है, ठीक है, इसकी वॉल देखो आपको थिन दिखाई देगी, तो इसकी वॉल थिन होती है यानी पतली होती है दीवारें, क्योंकि प्रेशर नहीं होता यहाँ पे ब्लड का इसके अंदर, ये देखो ये आपको दिखेगी ये, और ये कैपिलरीज दिख रही, देखो कितनी पतली सी बनाती है, और अंदर ये रेड रेड क्या चल रहा है, ब्लड चल रहा है, तो इसकी जो वॉल होती है ना बहुत थिन होती है, समझ में आ गया, और यही हर सेल तक पहुँचती रहती है, और यहीं पर एक्सचेंज होता रहता है। जब आर्टरीज डिवाइड होती है ना, तो कैपिलरीज बना देती है, और कैपिलरीज जॉइन टुगेदर होती है तो वो वेंस बना देती है, ये ध्यान रखना, ठीक है, चलो आगे। मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स, इसके बारे में बात कर रहा है कि मेंटेनेंस कैसे करें, और कौन करता है, प्लेटलेट्स करती है, कौन किसकी बात कर रहा है, कि हमारी जो ट्यूब्स है ना
ये लीक होना स्टार्ट हो गई मान लो, तो क्या होगा? तो ये हमारी ट्यूब है और ये मान लो लीक होना स्टार्ट हो गई यहां से, ठीक है। तो ये ब्लड देखो आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, बाहर निकल रहा है यहां से, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, तो यहां पे दो काम होते हैं। पहला क्या काम होता है, नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड होना स्टार्ट हो जाता है जब ट्यूब लीक्स होती है। तो पहला काम क्या होगा, लिखोगे आप, लॉस ऑफ ब्लड हो जाता है। और दूसरा क्या हो जाता है, लॉस ऑफ प्रेशर होना स्टार्ट हो जाता है। ब्लड के अंदर जो प्रेशर था वो खत्म हो रहा है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए या लीकेज को रिड्यूस करने के लिए, ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लड हैज प्लेटलेट्स, इसको अवॉइड करने के लिए प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट सेल्स होती हैं विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लग दीज लीक बाय हेल्पिंग द क्लॉट। और वो क्या बनाती थी, क्लॉट बनाती है। यानी आप प्लेटलेट सेल्स होती हैं जो कैसी होती है, कैप्सूल शेप की होती हैं। तो मैं बना देता हूँ कैप्सूल शेप, ये कैप्सूल, ये कैप्सूल। तो ये बहुत सारी सेल्स यहाँ पे आके इकट्ठी हो जाती हैं और ये लो ये आपका ब्लड जो है ना, ये यहाँ से निकलना बंद हो जाएगा, लीक होना। क्यों? क्योंकि इसने क्या बना लिया, क्लॉट बना लिया, समझ में आ गया। तो ऐसी बहुत सारी प्लेटलेट सेल्स जो होती ना वो सस्पेंडेड रहती है। अब भूलना मत, एक तो प्लाज्मा था वो तो फ्लूड मीडियम होता है, ठीक है, और यहाँ पे आ गए प्लेटलेट्स, LTS, ठीक है ना। ये प्लेटलेट जो होती ना ये कैप्सूल शेप की होती है, जो आप कैप्सूल खाते हो वैसी वाली शेप की होती है। तो ये ब्लड के अंदर हर जगह घूमती रहती है, ठीक है, और जहाँ इसको लीक दिखता वहाँ आके इकट्ठी हो जाती है। तो ये दो चीज़ खत्म नहीं हो जाए, एक तो प्रेशर खत्म नहीं होना चाहिए और दूसरा लॉस नहीं होना चाहिए ब्लड का, तो वहां पे आके इकट्ठी हो जाती है। चले आगे, तो ये लिखा है कि प्लग द लीक्स बाय हेल्पिंग द क्लॉट द ब्लड एट दिस पॉइंट ऑफ इंजरी, और उस इंजरी पे ये आके क्लॉट बना देती है। तो अब आपको देखा होगा कि जब आपको कई बार लगती है तो क्लॉट बन जाता, ब्लड जम जाता है ना, गाढ़ा हो जाता है, तो वो इसकी वजह से होता है, प्लेटलेट सेल्स की वजह से होता है। आगे देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट लिक्विड होता है, इसके बारे में क्वेश्चन आने के इस बार बहुत ज्यादा चांसेस है, जिसको बोलते हैं लिम्फ, यानी लसीका। There is another type of fluid also involved in transportation. एक और fluid है जो transportation में involved होता है। जैसे हमने blood की बात कर ली, blood के अंदर क्या क्या होता है वो सारी बातें हमने कर ली कि उसके अंदर क्या क्या transport होता रहता है, लेकिन एक fluid और है, ये भी fluid है, ठीक है ना। This is called lymph or tissue fluid. इसके दो नाम हैं, tissue fluid भी आ सकता है, ठीक है। और blood क्या होता है, blood होता है connecting tissue था, याद आ रहा है, और ये tissue fluid है। आगे देखो क्या बोल रहे हैं, थ्रू द पोर्स ऑफ pores present in the walls of capillaries. अब हमने जो capillaries बनाई थी ना, जो बहुत पतली सी बनाई थी, तो इस capillaries में क्या होते हैं ना, छेद होते हैं छोटे 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 छोटे, ठीक है। यहाँ से आप बहुत एक important चीज़ सीखोगे जो आगे काम आएगी। तो capillaries पे pores होते हैं, यानी छोटे छोटे छेद होते हैं, जैसे हमारी skin में होते हैं, तो जितना जितना हमारा पसीना होता है वो सारा बाहर आ जाता है, sweating बाहर आती है। तो इसका मतलब कुछ हमारे छेद हैं, तभी तो अंदर से चीज़ बाहर आई है ना। तो ऐसे ही capillaries में भी छोटे छोटे छेद होते हैं। तो ये capillaries है, इसके अंदर हमने छेद होते हैं हमारे, ऑटोमेटिक ये छेद हैं। तो यहाँ से क्या आ जाता है, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स एस्केप इनटू इंटरसेल्युलर स्पेसेस इन द टिश्यू टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूड और लिम्फ। तो यहाँ से कुछ है ना बाहर आ जाते हैं, क्या क्या बाहर आ जाता है वापस से ध्यान से रखना, प्लाज्मा बाहर आ जाता है, प्रोटीन बाहर आ जाता है, ब्लड सेल्स एस्केप कर जाती है यहाँ से ये ब्लड बाहर निकल गई और कहाँ चली जाती है, इंटरसेल्युलर स्पेस में चली जाती है। अब ये इंटरसेल्युलर स्पेस क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, एक सेल ये है, दूसरी सेल ये है, तीसरी सेल ये है, चौथी सेल ये है। तो यहाँ पे कौन जाती है, कैपिलरीज जाती है, ये कैपिलरीज आ रही है, ये कैपिलरीज आई, ठीक है ना। हर सेल के पास में कैपिलरीज तो पहुँचती है। अब मान लो कैपिलरीज ने जो है ना कुछ इसके यहाँ से प्लाज्मा और प्रोटीन और ब्लड सेल्स रिलीज हो गए, तो वो यहाँ गिर जाते हैं इस इंटरसेलुलर स्पेस में, इस स्पेस के अंदर, बीच के वाले के अंदर। ये एक और यहाँ पे क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे कैपिलरीज आ रही थी, ये रही, तो इसके छोटे छोटे छिद्र होते हैं कैपिलरीज के, तो यहाँ से ये गिर के यहाँ पे आ गया, इंटरसेलुलर स्पेस में आ गया, इन द टिश्यू टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूड और लिम्फ। और ये क्या बन जाता है, अब ये लिम्फ बन गया। यानी क्या क्या चीज़ें मिलकर लिम्फ बनी, प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स आके कैपिलरीज के छोटे छोटे टाइनी पोर्स से यहाँ बीच में इंटरसेलुलर स्पेस में आ जाती हैं, तो ये क्या बना लेती है, टिश्यू फ्लूड या लिम्फ बना लेती है, इसी को लिम्फ बोलते हैं। अब यहाँ से आ गया, इट इज़ सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड बट कलरलेस। ये प्लाज्मा जैसा ही होता है, ठीक है ना। प्लाज्मा क्या होता है, फ्लूड होता है, और लिम्फ को भी क्या बोल रहे हैं हम, फ्लूड ही तो बोल रहे हैं। तो ये क्या होता है, प्लाज्मा तो कलरफुल होता है, लेकिन ये क्या होता है, कलरलेस होता है एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन। इस लिम्फ के अंदर लेस प्रोटीन होता है और ये कलरलेस होता है। आगे देखो क्या बोल रहा है, आगे देखो, लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज। अब जो लिम्फ ड्रेन हुआ है ना वो किस में चला जाता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज में चला जाता है। कहाँ से, इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस अपन ने ये बात की थी कि यहाँ से ये जो तीन सेल है इसके बीच में जो यहाँ पे था, यहाँ पे फिर कैपिलरीज का और जाल होता है, वो कैपिलरीज अलग होती हैं, वो होती है लिम्फेटिक कैपिलरीज। तो उसके अंदर लिम्फ जो है ना इस लिम्फेटिक कैपिलरीज में चला जाता है, यानी लिम्फ लिम्फेटिक कैपिलरीज में चला जाता है, जो भी इंटरसेलुलर स्पेसेस में लीक हुआ था या जो ड्रेन हुआ था। विच जॉइंट
टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स और फिर लार्ज लिम्फ वेसल्स भी बन जाती है। तो यानी हमारे अंदर जो हमने बोला ना कि आर्टरीज होती है, वेन्स होती है और कैपिलरीज होती है, तो ये तो एक अलग चलती है, ये ब्लड के लिए चलती है, फिर एक लिम्फ के लिए भी अलग चलती है, ठीक है ना। तो लिम्फ के लिए भी पूरा एक वेसल सिस्टम हो गया, तो लिम्फेटिक कैपिलरीज तो हमने देख लिया और फिर लार्ज लिम्फ वेसल्स में चली जाती है, दैट फाइनली ओपन इनटू लार्जर वेन्स। और फाइनली मिलती कहाँ पे है, वेन्स में मिल जाती है, जो हमने वेन्स पढ़ी है ना। तो लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से ये क्या कैरी करता है, डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट कैरी करता है एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस बैक इनटू द ब्लड। और जो भी ड्रेन हुआ है ना, निकला है ना एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस पे, जो लिक्विड जो बीच में आया या प्लाज्मा आया है या प्रोटीन आया या ब्लड सेल्स है, वो वापस किसको देता है, ब्लड को देता है थ्रू लार्जर वेन्स। बैठ गई बात बहुत अच्छे से, चले आगे। अब आगे अपना टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इम्प्लांट, तो दो मिनट मुझे सांस लेने दो, माथा खराब हो गया मेरा। अब आ जाओ इसको भी लपेट लेते हैं। यहाँ से देखो, फॉर प्लांट्स द सॉइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स। सॉइल ही है प्लांट के लिए जो रिचेस्ट और नियरेस्ट सोर्स है। रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स। द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंस देयरफॉर अकर थ्रू द पार्ट इन कॉन्टेक्ट विद द सॉइल, नेमली रूट्स। और कहाँ से होता है, रूट्स होता है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन सॉइल कॉन्टेक्टिंग ऑर्गन्स एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स आर स्मॉल, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल कैन ईजिली डिफ्यूज। फिर डिफ्यूजन का नंबर कह रहा है कि अगर कोई प्लांट छोटा होता है ना, तो जैसे इसको वाटर चाहिए, तो ये रूट से क्या कर लेता है, डिफ्यूजन हो जाता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो पानी इसके पास चला जाएगा और यहाँ से फिर ऊपर चला जाएगा। ये स्मॉल प्लांट के लिए होता है, ठीक है, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। बट इफ दिस डिस्टेंस बिकम लार्ज बिकॉज ऑफ चेंज इन प्लांट बॉडी डिजाइन, डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट बी सफिशियंट। अब यहाँ पर डिफ्यूजन जो है ना, वो सफिशियंट नहीं होगा, ठीक, टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल लीव्स एंड एनर्जी इन रूट्स। अब यहां पे हमको एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत पड़ रही है, एसेंशियल है हमको। तो अब देखो क्या होता है आगे, एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइंस, सबकी एनर्जी नीड्स अलग अलग हो गई। प्लांट डू नॉट मूव एंड प्लांट बॉडीज हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स। प्लांट के पास बहुत सारा जो पोर्शन होता है ना, वो डेड होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है ना, डेड सेल्स ही तो है वो टिश्यू का। एज अ रिजल्ट प्लांट हैव लो एनर्जी नीड्स, प्लांट को कैसी एनर्जी चाहिए, लो चाहिए, एंड कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज़ करेगा तो चलेगा, लेकिन हम ये जो बोल रहे हैं ना कि हम सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की, हमको एक प्रॉपर सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, वो किसके लिए ज़रूरत है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हैव टू ऑपरेट, वो ज़रूरत है वेरी टॉल ट्रीज़ के लिए, ठीक है। बैठ गया यहाँ तक, आगे चलते हैं। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर फ्रॉम लीव्स। अब ये देखो दो तरीके से होता है, एनर्जी को मूव करता है लीव्स के थ्रू पहला, और रॉ मटेरियल को मूव्स करता है रूट के थ्रू, तो ये हो गया दूसरा। बैठ गई बात, ये दो पाथवे यूज करता है। पहला अगर हम जाइलम की बात करें तो उससे क्या क्या मूव होता है, वाटर एंड मिनरल्स। ये जाइलम सेकंड वाला पार्ट है जो अपन ने यहां पे बात की है, तो ध्यान रखना वाटर और डब्लू का उल्टा कैसे लिखते हैं, हम एम लिखते हैं, है ना, ये दोनों W ही तो हैं, और है क्या, उल्टा A को कर दो ये M बन जाएगा तो ये W बन जाएगा। तो वाटर और मिनरल आपको याद रहेगा, खाली वाटर मत करके आना कि W का उल्टा M होता है। ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल, और दूसरा कौन सा होता है, फ्लोएम होता है। इसके लिए फ्लोएम काम आता है फर्स्ट वाले के लिए, एनर्जी स्टोर जो कर रखी लीव्स में। ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में जो भी प्रोडक्ट बना है ना वो ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीव्स, लीव्स से वेयर दे आर सिंथेसाइज टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पूरे प्लांट को दे देता है। अब बात करेंगे पहले हम इस जाइलम के बारे में और फिर बात करेंगे हम फ्लोएम के बारे में, समझ में आई बात। तो जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है वाटर, और ये भी कितने तरीके से होता है, दो तरीके से होता है। पहले तो हमने ये बोल दिया यहाँ पे दो तरीके हैं, एक जाइलम एक फ्लोएम है। अब जाइलम में भी दो मेथड यूज़ करता है वाटर ट्रांसपोर्ट करने का, ठीक है, अब अच्छे से समझना। तो प्लांट के पास में क्या है, देखो रूट्स स्टेम्स एंड लीव्स हैं, और ये सब क्या है ना, जुड़कर एक लगातार है ना वाटर कंडक्टिंग चैनल्स बना लेते हैं, पानी का एक जाल बना लेते हैं और रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। आगे यहां से जो लाइन लिखी हुई है ना, ये पहला मेथड है जाइलम का। इसमें इसने क्या बोला है कि सॉइल से ना ये आयंस ले लेते हैं, कौन, रूट, क्योंकि इसकी सेल्स जो होती है ना रूट की, ये कॉन्टेक्ट रहती है सॉइल से, और रूट में क्या होते हैं, रूट हेयर होते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, और ये क्या करता है, डिफरेंस कर देता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन में और ये सब में, रूट और सॉइल के बीच में। तो ये होता कैसे, इसको एक अच्छे से एक बार डायग्राम से देखते हैं। तो देखो आपको एक बहुत अच्छे से ट्री दिख रही होगी, ठीक है ना, और ट्री की रूट्स भी आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रही होगी, और ये जो ग्रीन कलर में जो मैंने बना रखे हैं ना, ये मैंने आयंस बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं, आयंस बना रखे हैं ग्रीन कलर वाले, ये लिखा हुआ ग्रीन कलर वाले आयंस, ठीक है। अब देखो प्लांट के पास क्या है, आयंस ज़्यादा है
लेकिन वाटर क्या है, कम है। ब्लू कलर में देखो वाटर दिख रहा है आपको प्लांट के पास में, यहाँ बनाया हुआ है जो मैंने, है ना। तो ये दो चीजें प्लांट के पास में होगी, एक ज्यादा एक कम है, आयन ज्यादा है और वाटर कम है। सॉइल की बात करते हैं, ठीक है। तो सॉइल के बाद देखो वाटर ब्लू कलर का इधर और इधर आपको दिखेगा बहुत ज्यादा है, लेकिन आयंस देखो मैंने ग्रीन कलर में बना रखे हैं सॉइल के पास में, तो क्या कम है। बैठ के बात, तो ये क्या हो गया, एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। दिस डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन में एक डिफरेंस हो गया किसके, आयन और वाटर के। तो ये बिल्डअप क्या कर देता है, एक ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्डअप कर देता है। ये आपकी बुक में वर्ड है इसीलिए मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। यहां से एक ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा, क्यों होगा, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस और वाटर, ठीक है। इससे क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, बिकॉज ऑफ दिस वाटर देयर फॉर मूव्स इनटू द रूट, और वाटर कहां चला जाएगा, रूट में चला जाएगा फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से टू एलिमिनेट द डिफरेंस, इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए। बैठ गई बात, ये पूरा प्रोसेस जो है ना, यार रेड कलर में देखो ये कर रखा है मैंने ऐसे ऐसे करके, ये कहलाता है रूट प्रेशर। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर मान लो जैसे एक रूट में हो रहा है, तो इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये सारा मिला के क्या हो गया, ये रूट प्रेशर हो गया। तो रूट प्रेशर एक बड़ी चीज है और ऑस्मोटिक प्रेशर एक छोटी चीज है जो क्या करती है, डिफरेंस को फिल करती है या एलिमिनेट कर देती है, कम कर देती है इस डिफरेंस को। तो वहां से क्या हो जाता है, पानी प्लांट के पास में आ जाता है और आयन किसके पास में चले जाते हैं, सॉइल के पास में चले जाते हैं। अब ये आयन क्या है, बार बार नाम आ रहा है। तो देखो हमने जब सेकंड चैप्टर पढ़ा था ना, एसिड्स और बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसमें हमने कहा था कि जो प्लांट होते हैं ना उनको भी एक पर्टिकुलर पीएच रेंज चाहिए, ठीक है ना। तो जब पीएच की बात आ रही है तो आयन्स की बात ऑटोमेटिक आ गई ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स। और भी आयन्स होते होंगे बट एक अपन ने नॉर्मल बात की है, ठीक है ना। तो मिट्टी कैसी हो सकती है, एसिडिक भी हो सकती है, बेसिक भी हो सकती है, विच मीन्स उसके अंदर आयन न्यूट्रल होती तो आयन्स होते हैं, न्यूट्रल न्यूट्रल हो गया खत्म खेल मोच। तो यहां से ये लेन देन चलता रहता है, यही लैंग्वेज है ना इसने यहां पे लिखी हुई है, इसको आपको अच्छे से समझना है। क्या लिखा है, पहला प्रोसेस देखते हैं कि जाइलम में वाटर और मिनरल कैसे ट्रांसफर होते हैं। एट द रूट्स, सेल इन कॉन्टेक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक्स अप आयन। जो रूट की सेल्स होती है ना वो कॉन्टेक्ट में रहती है सॉइल से और टेक अप आयन लेती रहती है। दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज आयन्स बिटवीन द रूट एंड द सॉइल। वाटर, वाटर जो है ना, वाटर देयरफॉर moves into the root from the soil to eliminate this difference, और इस difference को खत्म कर देता है। ये चीज़ क्या कहलाती है, root pressure कहलाती है, और इसी में osmotic pressure बन चुका है, और ये पहला process जो है xylem के अंदर वो root pressure कहलाता है। खत्म बात, आगे देखो, this means that there is a steady movement, steady मतलब लगातार movement चल रहा है किसका, water का, into root xylem, xylem के अंदर, creating a column of water, water के स्तंभ बना लेते हैं, लगातार पानी चले जा रहा है, एंड स्टडीली पुश अपवर्ड, और वाटर कहाँ जाता चला जाता है, अपवर्ड की तरफ चला जाता है। आगे देखो इसकी कुछ कमियां है उसके बारे में बात कर रखी है, शॉर्ट्स कमिंग क्या क्या है इसमें देख लेते हैं। हाउएवर दिस प्रेशर बाय इटसेल्फ इज अनलाइकली टू बी इनफ, ये प्रेशर जो होता ना ये इनफ नहीं होता वाटर को ऊपर मूव करवाने के लिए। वी कॉमनली सी इन प्लांट्स, जब हम प्लांट्स को देखते ना ऊंचे प्लांट्स को, वहां पे फिर ये काम नहीं करता, बहुत ऊंचाई वाले प्लांट है। तो प्लांट्स क्या करता है, यूज अनदर स्ट्रेटेजी टू मूव वाटर इन द जाइलम अपवर्ड टू द हाईएस्ट पॉइंट। अब हमको एक पता चल गया कि जाइलम में ना मूवमेंट एक ही होता है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। यहां इसने बात कर ली, यहां भी बात कर ली, पहली बात तो ये हमको पता चल गया जाइलम में। लेकिन ये वाला जो मेथड है ना रूट प्रेशर वाला, ये इतना अच्छा नहीं है। तो दूसरा वाला मेथड कौन सा जिसकी ये बात कर रहा है, तो यूज अनदर स्ट्रेटेजी। तो ये वो सेकंड मेथड है जाइलम के अंदर जिसके हम बात कर रहे हैं और उसको हम पढ़ेंगे। तो ये एक एक्टिविटी थोड़ा सा पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहां पे आता हूं, तो अब हम पढ़ेंगे दूसरा मेथड जाइलम का कि वाटर की सप्लाई कैसे होती है और जो टॉल प्लांट होते हैं उसमें। तो इसका मेन मकसद जो होता है ना वो ट्रांसपिरेशन के द्वारा ही होता है, ठीक है। ये बहुत हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए हैं और ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन भी यहाँ पे आ जाएगी। तो अब हम इसको पढ़ते हैं ढंग से। प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, अब हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि प्लांट के पास में पर्याप्त मात्रा में पानी है। तो कोई बोलेगा कि सर वाटर लॉस भी तो हुआ था ना, जो स्टोमेटा जब ओपन हुए थे, स्टोमेटल पोर्स जब CO2 ली प्लांट ने, तब हमने पढ़ा था चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कि गार्ड सेल्स होती हैं वो अपना पोर्स ओपन कर देती हैं, है ना, और CO2 अंदर चली जाती है, लेकिन वाटर का लॉस हो जाता है। लेकिन उस वाटर का जो है ना रिप्लेस हो जाता खाना पूर्ति, वो जाइलम वेसल के थ्रू हो जाता है जो लीव्स के अंदर होती हैं, ठीक है। उस पानी की खाना पूर्ति हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे जब देखोगे ना बहुत सारे एरो आपको एक ही डायरेक्शन में मिलेंगे जो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। यानी जाइलम के बारे में हम कई बार पढ़ लिए हैं तो हमको ये पता चल गया कि यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट होता है वाटर और मिनरल्स का। आगे देखो आप यहां से पढ़ते हैं, इनफैक्ट इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन क्या होता है इसकी डेफिनेशन लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब इस डेफिनेशन को पहले अच्छे से लिखना और दिमाग में डालना, मैंने क्या बोला है स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। तो यहां पे क्या देखो, ये समंदर है कोई, इसके अंदर बहुत सारा पानी है। तो यहां से क्या कि सनलाइट जब पड़ी ना तो इतने से एरिया का पानी जो है ना वो उड़ के वेपर फॉर्म में ऊपर चला गया। यानी प्लांट हमको पता चल गया कि ये ना H2O जो है ना ये लिक्विड फॉर्म में ये तो ऊपर नहीं जा पाएगा क्योंकि
ऑटोमेटिक तो मोटर कोई है नहीं इनके पास में, है ना। गैस फॉर्म में होगा ना तो वो क्या होगा, वेपर फॉर्म में हो जाएगा, तो तभी तो हमने इवेपोरेशन पढ़ा। लेकिन इवेपोरेशन और वेपराइजेशन इन दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा सा ही है। इवेपोरेशन का तो मतलब होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, इतना सा वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर चला गया, और वेपराइजेशन का मतलब क्या होगा, पूरा पानी ही गैस के फॉर्म में चला गया, ठीक है। इसीलिए इवेपोरेशन जो होता है ना उसको सरफेस फिनोमिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरफेस फिनोमिना, यानी जो पानी होता है ना इतना सा हिस्सा यही जाता है, ये नीचे वाला पानी उड़ के ऊपर नहीं जाएगा, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर कन्वर्ट इंटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अच्छे समझ में आ गया, आगे चल। इनफैक्ट इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन होगा, यानी जो लिक्विड फॉर्म में था वो गैस फॉर्म में बन जाएगा। फ्रॉम द सेल्स ऑफ ए लीफ क्रिएट अ सक्शन, अब क्या करेगा, ये जो लीफ होगी ना, प्लांट की लीफ कहाँ होती, ऊपर होती, वो सक्शन क्रिएट करती है। सक्शन मतलब चूसना, चूसण, विच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ रूट, रूट के अंदर जो जाइलम सेल्स होते हैं ना वहां से पानी पुल कर लिया जाएगा ऊपर की तरफ। कौन करेगा? लीफ करती है सक्शन उत्पन्न, लीफ सक्शन क्रिएट कर लेती है। यानी जैसे किसी ने स्ट्रॉ लगा दी हो यहाँ पे और अब ये खींच रहा है यहां से, तो ये रूट का पूरा पानी, अब ये फॉर्म किस फॉर्म में है, वेपर फॉर्म में है, पता चल गया। चले आगे, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर की ही बात चल रही है देख लो, मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि गैस फॉर्म में जा रहा है ना, या फिर हम बोल सकते हैं कि बहुत ही टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हैं, जैसे हवा चलती है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो उस हवा के साथ में पानी की बूंदें भी होती है, आपने देखा होगा ह्यूमिडिटी के टाइम पे, है ना, तो वो वेपर वाली बात कर रहा है। तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, एरियल प्लांट पार्ट कौन सा है, ये वाला ऊपर वाला एरियल पार्ट होता है प्लांट का, ठीक है, और द प्लांट इज नॉन एज ट्रांसपीरेशन। तो ये ट्रांसपीरेशन की डेफिनेशन भी हमको यहाँ से मिल गई है कि ट्रांसपीरेशन का मतलब ये होता है कि लॉस ऑफ वाटर है, लेकिन वो किस फॉर्म में हो रहा है, वेपर फॉर्म में हो रहा है। कौन से पार्ट से हो रहा है, एरियल पार्ट से हो रहा है प्लांट के, क्या कहलाता है, ट्रांसपीरेशन कहलाता है। बैठ गए अच्छे से, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो है ना, इसने इस लाइन में उसमें इसने ट्रांसपीरेशन के एडवांटेजेस बताए कि ट्रांसपीरेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो पढ़ें कितने एडवांटेजेस होते हैं, दो एडवांटेजेस होते हैं। क्या करता है, पहला हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट्स ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब देखो W भी आ रहा है, W का उल्टा M भी आ रहा है, ठीक है, और मूवमेंट कौन सा होता है, अपवर्ड होता है, यानी वाटर और मिनरल का मूवमेंट अपवर्ड होता है ट्रांसपीरेशन में, ये पहला इसका एडवांटेजेस है। और डिजॉल्व फॉर्म में होता है, इन इट फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स, और रूट से लीव्स की तरफ चल जाता है, यानी एक चूसण उत्पन्न हो चुका है यहाँ पे, सक्शन क्रिएट हो चुका है। दूसरा देखो, इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन भी करता है ट्रांसपीरेशन, समझ में आया। अगर यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है ना तो उसको थोड़ा ठंडा फील होगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट अगर सनलाइट में खड़ा है ना तो उसको थोड़ा सा धूप का वजह से टेम्परेचर जो है ना वो ज़्यादा फील होगा, तो ये टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है कौन, ट्रांसपीरेशन। ये ट्रांसपीरेशन के दो फायदे भी हो गए और ट्रांसपीरेशन की डेफिनेशन भी हमने यहाँ से यहाँ तक पढ़ ली। आगे देखो, द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर, अब ये नाम हमने कहीं सुना था रूट प्रेशर का, कहाँ पढ़ा था, ये रहा रूट प्रेशर, मालूम चल गया, चलो आगे चलते हैं। तो द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट एट नाइट, रूट प्रेशर कब काम करता है, नाइट पे। हमने कहा था कि ये प्रोसेस इतना अच्छा नहीं होता, क्यों, क्योंकि ट्री जो बहुत ज्यादा टॉल हो जाते हैं ना वहां पे फिर ये काम नहीं आता, क्योंकि यहां इसने देखो बात की थी, दिस प्रेशर बाय इटसेल्फ इज अनलाइकली टू बी इनफ टू मूव वाटर ओवर द हाइट दैट वी कॉमनली सी इन प्लांट्स। जनरली जब हम वाटर प्लांट की बहुत ज्यादा हाइट देखते हैं ना तो वहां पे वाटर जो है ना ऊपर जा नहीं पाता इस प्रेशर के थ्रू, लेकिन फिर भी ये रूट प्रेशर अच्छा है प्रोसेस, ठीक है ना, लिया जाता है इसको। तो ये पहला प्रोसेस हो गया और दूसरा प्रोसेस हमने जो पढ़ा वो ट्रांसपीरेशन पढ़ लिया, ठीक है। तो ये यही बोल रहा है कि ये रूट प्रेशर जो होता है ना ये काम कहाँ आता है, नाइट में काम आता है, ठीक है। तो ये रूट प्रेशर मैंने अपनी तरफ से नहीं डाला यहाँ पे, ये जो मैंने लिखा था ये बुक में नाम आ गया। दूसरा देखो, ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन, स्टोमेटा पोर्स ओपन हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि CO2 लेके सनलाइट भी मिल रही है, क्लोरोफिल भी है प्लांट के उसमें, तो अपना खाना खुद बनाएगा वो सारा का सारा, ठीक है। तो द ट्रांसपीरेशन पुल्स बिकम द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम, दिन में कौन काम आता है, ट्रांसपीरेशन काम आता है। लेकिन अब देखो कई बार दिन में ना रूट प्रेशर भी काम आ जाता है, दिन में कब, जब सनलाइट नहीं होती, जब सनलाइट नहीं होगी तो ट्रांसपीरेशन नहीं होगा, यानी वाटर वेपर की फॉर्म में ऊपर नहीं जाएगा, तब भी रूट प्रेशर काम आता है, ये ध्यान रख लेते ना, दिन में भूलना नहीं इस चीज़ को। लेकिन यहाँ पे जो जितना लिखा ना आप उतना ही पढ़ो कि रूट प्रेशर नाइट में काम आता है और ट्रांसपीरेशन डे में काम आता है, बैठ गई बात। अच्छा दूसरी चीज़, ये जाइलम जो है ना ये पूरा बेस्ड किस पे होता है, ड्राइविंग फोर्स पे बेस्ड होता है, यानी प्रेरक बल पे फोर्स बेस्ड होता है, यानी इसमें फोर्स काम करते हैं, ठीक है। नाम तो प्रेशर का आ रहा है, देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, रूट प्रेशर का नाम आ रहा है तो आप कहीं कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं, ये पूरा जाइलम जो है ना ये फोर्स पे काम करता है। तो यही डिफरेंस होता है जाइलम और फ्लोएम में कि ये फोर्स पे काम करता है, दूसरा ये अपवर्ड मूवमेंट होता है, तीसरा ये वाटर और मिनरल को डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसफर करता है, खाना ट्रांसफर ट्रांसपोर्ट नहीं करता, ये ध्यान रखना।
तो ऐसे आप डिफरेंस भी बता पाओगे इसमें। आगे चलते हैं आप, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। अब हमने देख लिया ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स तो हो गया। नाउ लेट अस कंसीडर द प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है कि फूड डाइजेशन होने के बाद में जो प्रोडक्ट बनते हैं ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट बना, वो सही बन रहे हैं या नहीं बन रहे, अच्छे बन रहे हैं या नहीं बन रहे, तो ये मेटाबॉलिक प्रोसेस कहलाता है। उपापचयी क्रियाएं बोलते हैं इसको। पर्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस आर मूव फ्रॉम लीव्स। लीव्स से मूव होगी, कहाँ आएगी, पूरे प्लांट में आएगी। ये अपन ने पहले भी नाम सुना था यहाँ पे, ये रहा मूव एनर्जी स्टोर फ्रॉम लीव्स, तो ये कहलाता है फ्लोएम। दिख रहा है आपको यहाँ पे फ्लोएम अच्छे से। वेयर दे आर फॉर्म, और कहाँ पे खाना बनाया, वहाँ से फिर पत्तियों से वो पूरा प्लांट बचा टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट, ये भी सब सोल्यूबल प्रोडक्ट ही हैं डिसॉल्व फॉर्म। फोटोसिंथेसिस कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, ध्यान रखना ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन भी पूछ सकता है। ट्रांसपोर्ट होना किसका, सोल्यूबल प्रोडक्ट का, सोल्यूबल प्रोडक्ट किसके, फोटोसिंथेसिस के, क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन कहलाता है। बैठ गया। एंड इट अकर इन द पार्ट ऑफ द वैस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम, और ये कहाँ पे होता है, फ्लोएम, यानी ट्रांसलोकेशन कहाँ पे होता है, फ्लोएम में होता है। और ट्रांसपीरेशन कहाँ पे होता है, वो जाइलम में होता है। कहाँ था ट्रांसपीरेशन, ये रहा, और ये जाइलम में होता है। कहाँ है जाइलम, ये रहा जाइलम, बैठ गया। और ट्रांसलोकेशन कहाँ होता है, फ्लोएम में होता है। ये दोनों नाम है साथ में। बिसाइड द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, अब फ्लोएम क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, देखो अमीनो एसिड्स भी ट्रांसपोर्ट करता है और अदर सब्सटेंसेस भी ट्रांसपोर्ट करता है। दीज सब्सटेंसेज आर स्पेशली डिलीवर टू द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ रूट्स, जितने भी स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं, भंडारित अंग जो होते हैं प्लांट के पास में, कौन कौन से होते हैं, रूट्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, सीड्स होते हैं वहाँ पे, और जो भी ग्रोइंग ऑर्गन्स होते हैं, वृद्धि करने वाले जो अंग होते हैं, वहाँ पर ये उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेज टेक प्लेस इन द सीव ट्यूब्स, कहाँ पे होते हैं, सीव ट्यूब्स में होते हैं, और एडजेसेंट उसके पास जो होते हैं कंपेनियन सेल्स जो होती हैं यहाँ पे होते हैं, एक सीव ट्यूब्स में, एक कंपेनियन सेल में होते हैं। ये हमने नाइन्थ में पढ़ी थी और यहाँ पे इनका ज़्यादा नाम नहीं है तो इसलिए अपन इसकी बात ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन क्या होता है, बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, याद रखना जो फ्लोएम होता है वो दोनों डायरेक्शन में होता है। फ्लोएम में ट्रांसलोकेशन आता है और जाइलम के अंदर ट्रांसपीरेशन आता है। फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है जो फोटोसिंथेसिस से बना है, और जाइलम वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। बैठ गया। और फ्लोएम फोर्स, जाइलम जो होता है वो फोर्स पे डिपेंडेंट होता है, लेकिन ये किस पे होता है, अगली लाइन देखो, अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन जाइलम, जो जाइलम में ट्रांसपोर्ट होता है ना वैसा नहीं, अनलाइक का मतलब वैसा नहीं, विच कैन बी लार्जली एक्सप्लेन बाय सिंपल फिजिकल फोर्स। तो जाइलम में हम क्या बता देते हैं, फोर्सेस बता देते हैं, जो अभी हमने बात की थी ड्राइविंग फोर्सेस जो होते हैं, या फिर यहाँ पे जो फिजिकल फोर्सेस की बात कर रहा है, ऐसा फ्लोएम में नहीं होता है। अनलाइक का मतलब ऐसा नहीं होना। तो द ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी, समझ में आ गया, फ्लोएम में कैसा होता है, एनर्जी के थ्रू होता है, ठीक है, और जाइलम में कैसा होता है, फोर्स के थ्रू होता है। चले आगे। अब आगे देखो, मटेरियल लाइक सुक्रोज, सुक्रोज क्या होता है, सिंपल शुगर जो हम खाते हैं, या टेबल शुगर हम जिसको बोल देते हैं, ठीक है ना, इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। ये कैसे ट्रांसफर करता है सुक्रोज को, एटीपी से एनर्जी लेता है, जो एटीपी हमने बहुत पहले पढ़ ली है, जब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का किया था तब हमने कहा था कि एटीपी जो होता है ना एनर्जी करेंसी होती है किसी भी सेल के लिए, तो वहां से एनर्जी ये लेके ले लेता है, यानी फ्लोएम में बार बार एनर्जी का नाम आ रहा है, देख लो, है ना, तो एनर्जी के थ्रू होता है ये काम। दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर, ये नाम किसका आ गया फिर मेरे बेटे, ऑस्मोटिक प्रेशर का नाम आ गया, और यही ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने आपको समझाया था बहुत अच्छे से डायग्राम में, ना कहाँ गया, ये रहा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये सारे बुक से नाम लिए गए हैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं डाला है। तो दिस इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट, वाटर को मूव करने के लिए एस टाइप का ऐसा कुछ जब प्रेशर क्रिएट होता है ना, तो यही प्रेशर काम में लिया जाता है, मूव द मटेरियल इन फ्लोएम टू टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर, जहाँ पे लेस प्रेशर हो जाता है तो वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर का काम किया जाता है, लेकिन वाटर मूव नहीं होता, ये ध्यान रखना इसके अंदर, फ्लोएम के अंदर ऐसा नहीं आप वाटर मूव कर दो, जैसे वाटर मूव होता ना कैसे प्रेशर क्रिएट हो गया, वैसे ही मटेरियल को ट्रांसफर किया जाता है, ये वाला, जहाँ पे लो प्रेशर होता है वहाँ लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर देता है, कौन, ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस अलाउ द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड, इसलिए क्या उसमें मूव होता है, मटेरियल मूव होते हैं, वाटर मूव मत कर देना, वाटर का बताया इसने कैसा टाइप से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लांट्स नीड, जैसे प्लांट की नीड होती है। फॉर एग्जाम्पल इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु, क्या लिखोगे, बसंत ऋतु, शुगर स्टोर्ड इन रूट, या रूट में स्टोर है, या स्टेम में या तने में स्टोर है टिश्यू के अंदर, वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स, बर्ड्स यानी कलिकाएं, विच नीड एनर्जी टू ग्रो, इन कलिकाओं को क्या होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, क्यों जरूरत होती है, ग्रो करने के लिए, तो जो भी शुगर स्टोर होती है रूट और स्टेम में, तो इसको ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है, किसको, बर्ड्स को ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। तो ऐसे मटेरियल जो है ना वो इसके अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं, किसके अंदर, फ्लोएम के अंदर, याद रहेगा। चले आगे, आगे आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर करते हैं इनको। तो देखो पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट
सपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के बारे में पूछ रहा है और क्या क्या इसके फंक्शन और कॉम्पोनेंट्स हैं उसके, तो फंक्शन भी पूछ रहा है, ढंग से समझना, फंक्शन और कॉम्पोनेंट्स भी पूछ रहे हैं। तो टू कॉम्पोनेंट्स होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक, को भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे भूल के आ जाते हैं, एक ही चीज कह देते हैं कि हार्ट ब्लड और ब्लड वेसल। तो सर्कुलेटरी के अब तीन पार्ट आ गए और इन तीनों के बारे में आपको अच्छे से बताना, और फिर ब्लड वेसल जब आ जाती है तो फिर उसके बारे में उसके तीन पार्ट होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ये सब बताना है। और स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी चेप लेना, ठीक है। आगे देखो, सेकंड का, व्हाट इज नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजन ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स, क्यों ऐसा नेसेसरी हो जाता है, तो सेकंड का ये सेपरेशन क्या कर देता है, एनर्जी नीड्स ज़्यादा होती हैं इन बर्ड्स की और मैमल्स की, इसलिए। थर्ड क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट, प्लांट के बारे में पूछ रहा है अब, तो कौन कौन से कॉम्पोनेंट होते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, तो तीसरे पे आ जाओ, तो दो कंपोनेंट होते हैं जाइलम और फ्लोएम, तो जाइलम के बारे में इतना सा लिखना है, फ्लोएम के बारे में मैंने इतना सा लिखना है जो मैंने लिख दिया है, ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखने की जरूरत है क्योंकि कंपोनेंट पूछे। फोर्थ देखो, हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, तो अब ये पूरा ना जाइलम के बारे में पूछ रहा है कि वाटर एंड मिनरल्स, क्योंकि डब्ल्यू बी आर और एम बी आर है, तो ये जाइलम के अंदर होता है, ठीक है। तो फोर्थ के अंदर देखो, अब थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा आपको, तो ये पहले तो उसके बारे में पूरे बता देना कि पूरा एक चैनल बना लेते हैं वाटर कंडक्टिंग के लिए, जो लगातार पानी चलता रहता है मिलकर जुड़कर ऐसा। और फिर दूसरा, मैंने यहाँ पे सिर्फ ट्रांसपीरेशन के बारे में बताया है, ठीक है, रूट प्रेशर के बारे में नहीं बताया है। तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप एक बता देना, यहाँ पे ये ट्रांसपीरेशन के बारे में बताया, रूट प्रेशर के बारे में मैंने नहीं बताया, लेकिन आपने समझ लिया, आप चाहे तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है, कि आयन में क्या होता है, आयन कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस हो जाता है, उस वजह से क्या होता है, ऑस्मोटिक पीरियड बिल्ड प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आयन जो है वो पेड़ से मिट्टी सॉइल में चले जाएंगे प्लांट से, और वाटर जो होगा सॉइल से प्लांट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें तो हो गया आपका। फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट, यानी ये फ्लोएम के बारे में पूछ लिया इसने फिर वापस, तो आ जाओ फ्लोएम, तो ये रहा फ्लोएम के बारे में, ये जो लिखा है पूरा अच्छे से लिख के आना है, फोटो चेप नहीं हो तो फोटो खींच लेना आपके काम के लिए, मैं हटा देता हूँ यहाँ से इसको, चलते हैं वापस। ये हुए अपने क्वेश्चन सारे, नेक्स्ट चलते हैं अपना टॉपिक, लास्ट है एक्सक्रीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस हाउ ऑर्गेनिज्म गेट रिड ऑफ गैशियस वेस्ट, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना वो कैसे छुटकारा पाते हैं गैशियस वेस्ट से, यानी फोटोसिंथेसिस से छुटकारा पा लेते हैं, यानी कौन, प्लांट। और रेस्पिरेशन से कौन छुटकारा पा लेते हैं, हम लोग, रेस्पिरेशन से क्या निकाल लेते हैं, हम लोग CO2 निकाल लेते हैं। अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का मतलब होता है उपापचयी क्रियाएं, हमारी सेल है ना जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के ग्लूकोज बनाती है, प्रोटीन को तोड़ के अमीनो एसिड्स बनाती है, फैट को तोड़ के फैटी एसिड्स बनाती है ना, तो कुछ और भी काम उसमें चलते रहते हैं साथ का साथ, तो वो क्या जनरेट करती रहती है, नाइट्रोजनस मटीरियल्स करती रहती है, विच नीड टू बी रिमूव, और ये रिमूव होना बहुत जरूरी है, कौन सा, नाइट्रोजनस मटीरियल। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, ये डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन की बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं शुरू में ही, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज वेराइड स्ट्रेटजीज टू डू दिस, मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दिस वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन। यूनिसेलुलर अगर हम बात करें ना, तो अमीबा होता है, ये अमीबा की स्ट्रक्चर है, उसको वेस्ट अगर जनरेट कर बाहर निकालना हो ना, एक्सक्रीट करना हो, तो ये उसके पास वेस्ट पड़ा है, तो ये कौन से कॉन्सेंट्रेशन में, हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, और बाहर कौन से में है, लो कॉन्सेंट्रेशन में है, तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, और वो ऐसे निकाल देता है कहाँ पे, वाटर के अंदर, फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर, क्योंकि पानी में पड़े रहते हैं ये। एस बी आर सीन इन अदर प्रोसेस कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हम लोगों की बात कर रहा है, यूज स्पेशलाइज ऑर्गन्स टू परफॉर्म द सेम फंक्शन, तो हमारे अंदर स्पेशलाइज ऑर्गन होते हैं ये सब परफॉर्म करने के लिए, कौन कौन से होते हैं, आप डायग्राम देखते हैं और वहां से हमको पता चल जाएगा अच्छे से। तो सबसे पहले इस फिगर का नाम याद कर लो, किस चीज़ का, एक्सक्रेटरी सिस्टम का है ये ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो हमारे अंदर क्या होता है, ढंग से देखो, पेयर ऑफ किडनी होती है, दो किडनी है हमारे पास में, जिसको बोलते हैं पेयर ऑफ किडनी, और पेयर ऑफ यूरेटर होता है, ये एक पाइप, ये एक पाइप, तो ये रहा पेयर ऑफ यूरेटर हमारे पास में, ठीक है। फिर एक हमारे पास में बैग होता है सिंगल, जिसमें स्टोर करते हैं यूरिन को, उसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, और फिर एक होता है यूरेथ्रा, जिसके थ्रू वजह से हम लोग थ्रो कर देते हैं यूरिन को, ठीक है। यहाँ पे एक ऑर्टा भी आती है, ध्यान रखना, ये रेड कलर वाली, ये क्या होती है, मेन आर्टरीज होती है, जब अपन ने हार्ट का पढ़ा था तब मैंने आपको वहाँ पे बता दिया था, क्योंकि मेन आर्टरीज में जो ब्लड होता है ना वो हार्ट से पंप होता है, तो इसकी वॉल्स बड़ी होती है, इसलिए देखो बड़ी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपको यहाँ पे और आर्टरीज दिखाई दे रही होगी, ये किडनी के पास जा रही है, इतनी सी दिखाई दे रही है आपको बहुत अच्छे से, तो ये और लेफ्ट रीनल आर्टरीज बोल दिया इसको, ये ब्लू वाली को वेना कावा बोल दिया, और ये एक और जो निकल रही है लेफ्ट रीनल वेन बोल दिया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम चलते हैं इस पॉइंट पे, अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स में, ह्यूमन बींग्स में मतलब हमारे अंदर कैसे होता है। तो हमने कहा कि पेयर ऑफ किडनी होती है, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर होता है, एंड यूरेथ्रा होता है, जहां से हम थ्रो करते हैं। किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, एब्डोमेन मतलब लगभग पेट के आसपास, लेकिन बैकबोन पीछे की तरफ रहती है, आइदर साइड मतलब दोनों तरफ किडनी रहती है, लेकिन किधर, पेट के जितने नीचे लेकिन पीछे बैकबोन की तरफ,
ठीक है. यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी पासेस थ्रू द यूरेटर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल इट इज रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा. जब तक वहाँ पे नहीं हम थ्रो करेंगे तब तक यूरिनरी ब्लैडर में पड़ा रहेगा स्टोर. ठीक है. हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड, क्वेश्चन पूछा है तो इसका आंसर इसने खुद ने दे दिया. द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड. आगे देखो बहुत इंपॉर्टेंट, जस्ट एज CO2 इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स. लंग्स में कौन होता था, एल्वियोली होती थी जो CO2 रिमूव करती थी, वैसे ही किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं और एल्वियोली के पास में एक्सटेंसिव नेटवर्क था किसका, कैपलरीज का, वैसे ही नेफ्रॉन के पास भी नेटवर्क रहेगा कैपलरीज का. ठीक है, एक्सटेंसिव या मैसिव नेटवर्क रहेगा. तो ये क्या बोल रहा है, इन द लंग्स नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड, नाम ध्यान रखना यूरिया एंड यूरिक एसिड, आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द किडनीज. तो ये हम CO2 तो हम निकालते थे लंग्स से, तो ये लाइन इतनी तो लंग्स के लिए हो गई, लेकिन अभी नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ना वो हम किडनी से निकालेंगे और ये एक्चुअली में होता कौन सा है, यूरिया और यूरिक एसिड होता है. इट इज देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनीज, किडनी के अंदर कौन सी बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है उसकी बात कर रहे हो अपन से. Like in the lungs, जैसे lungs के अंदर alveoli होती है, is a cluster of very thin walled blood capillaries. तो पूरा capillaries का network चलता है. Each capillary cluster in the kidney is associated with a cup-shaped end of a coiled tube called Bowman capsule that collect the filtrate. Each kidney has large number of these filtration units called nephron. और ये वो चीज़ आ गई है जिसके पास extensive network of capillaries का होता है. यहाँ से ये nephron जो है capillaries से पूरा भरा रहता है. तो आओ देखते हैं कहाँ पे है ये diagram. तो ये आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ ए नेफ्रॉन. डायग्राम आपको पूछ सकता है, मैं भी आपको अभी बनाना सिखाऊंगा डायग्राम, चिंता मत करो. पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं. तो सबसे पहले क्या होता है, इसने एक बोमन कैप्सूल्स का नाम लिया था कहीं पे, ठीक है ना. तो देखो बेटा होता क्या, सबसे पहले ब्लड है ना आपका यहां से आता है, यहां से आके ये ब्लड यहां घुसा. तो इसका जो मुंह होता है ना ये बड़ा ब्रॉड होता है और इधर से ये ब्लड यूं घूमता रहता है इसके अंदर गोल गोल, ये कहलाता है बोमन कैप्सूल. और ये जो खड्डे दिख रहे हैं ना आपको बहुत सारे ऐसे डॉट 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 डॉट, यहां पे कैपिलरीज का जाल रहता है. ठीक है, बैठ गई बस. यहां से ब्लड गोल गोल घूमते घूमते इसके अंदर जाएगा और इसका जो मुंह होता है ना वो नैरो होता है, यानी क्या हो गया, डिफरेंस इन प्रेशर हो गया है. ये तो मुंह बड़ा इसका और इसका मुंह छोटा, और इसके अंदर वापस घूम के ब्लड ऐसे चला जाता है. बैठ गई बात. और ब्लड यहां से चला जाता है, यहां से जो निकलता है ना एंड से, इसने अभी बात की, एंड ऑफ ए कॉइल ट्यूब कॉल्ड बोमन कैप्सूल दैट कलेक्ट द फिल्ट्रेट. तो यहां पे आपका इनिशियल फिल्ट्रेट हो चुका है. बैठी बात आपको, यहां पे इनिशियल फिल्ट्रेट हो चुका है, लेकिन इसको यूरिन नहीं बोलते हैं, ये ध्यान रखना. चलो आगे चलते हैं. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूंगी, जो कलेक्टिंग डक्ट है ना ये कलेक्ट करती है आपके यूरिन को. ठीक है, फाइनली यहां से आपका यूरिन आ जाता है. अब यूरिन के अंदर होता क्या क्या पहले मैं वो बता दूं ताकि आप कहीं गलती नहीं करके आ जाओ. तो यहां से जो ये आप कलेक्ट करोगे ना कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन आपका, उस यूरिन के अंदर क्या क्या चीजें होती है ढंग से समझ लो. 95% तो आप वाटर ही निकालते हो, ठीक है, 2.5% यूरिया ही होती है और 2.5% अदर सब्सटेंसेस हो जाते हैं, जैसे यूरिक एसिड की बात की उसने या कुछ और भी हो सकते हैं. तो ये 95 ये और 2.5 मिलकर 5 हो गया, तो टोटल 100% आपने यूरिन निकाली. लेकिन कहीं इसमें ब्लड आया क्या, ये ध्यान रखना. ब्लड नहीं आया ना तो आप भी जब क्या सूसू करते हो तो क्या आपके ब्लड आता है क्या, नहीं आता तो आप निकाल मत देना कहीं यहां से, ये वाली एरो से जो मैं बोल रहा हूं, जो हमने इनिशियल फिल्ट्रेट किया, यहां से ब्लड मत निकाल देना. तो ब्लड क्या होता है, गोल गोल घूम के वापस इसमें चला जाता है, इसमें आ जाता है. अब ढंग से सुनो आगे क्या खेल होता है. Each kidney has large number of these filtration units. ऐसी filtration unit kidney के पास बहुत होती है, millions में होती हैं, ठीक है ना, एक kidney के पास millions में होती हैं. ये क्या कहलाती है, nephrons होती हैं और packed होती है close together, बहुत पास पास में रहती हैं. Some substance in the initial filtrate. Initial filtrate कहाँ हो चुका हमारा, यहाँ पे हो चुका है initial filtrate. Such as glucose, amino acid salts and major amount of water are selectively reabsorbed. अब हमने ना ये जब यहाँ पे ये जो निकाला ना initial filtrate, तो हमने यहाँ पे सोचा इसकी यूरिन ही होगा, लेकिन एक्चुअली ये यूरिन नहीं है. इसके साथ साथ क्या क्या चला गया, ग्लूकोज भी चला गया, अमीनो एसिड्स भी चले गए, सॉल्ट्स भी चला गया और मेजर अमाउंट ऑफ वाटर भी चला गया. इसको हम लोग क्या करेंगे, रीअब्सॉर्ब करेंगे. ठीक है, कैसे करेंगे रीअब्सॉर्ब, हमारे पास पास में देखो क्या चल रही है, कैपिलरीज भी चल रही है, कैपिलरीज वापस ले लेगी. और हमने है ना जब कैपिलरीज और आर्टरीज और वेंस के बारे में पढ़ा था तो हमने कहा था कि कैपिलरीज है ना बहुत सिंगल सेल्ड होती है, बिल्कुल थिन होती है और इसके अंदर पोर्स होते हैं छोटे 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 छोटे. मालूम है जब हमने ये पढ़ा था कि इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर कुछ प्रोटीन यहाँ गिर जाता है ना, तो वो कहाँ से लीक होता है, इस कैपिलरीज से ही तो लीक होता है. इसका मतलब कैपिलरीज में छिद्र होते हैं. और ये जो दूसरी जो ट्यूब आ रही है ना येलो कलर की जो आपको दिख रही है, इसमें भी ट्यूब्स होते हैं. तो इस ट्यूब से ना इसके अंदर ट्रांसफर होता रहता है, यानी आदान प्रदान चलता रहता है इस पीली वाली ट्यूब से रेड वाली ट्यूब के अंदर. बैठ गई बात. अब ये जो रीअब्सॉर्ब होता है ना ये डिपेंड किस पे करता है, ये पूछ रहा है. द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड किस किस पे, पहली चीज ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी, कि एक्सेस वाटर आपका कितना है बॉडी के अंदर उसको रीअब्सॉर्ब करना है. और दूसरी चीज ऑन हाउ मच ऑफ डिसॉल्व्ड वेस्ट देयर इज टू बी सीक्रेटेड, कि वेस्ट कितना है जिसको हमें अब
बाहर निकाल के फेंकना है डिजोल्व वेस्ट को, और वाटर कितना एक्सेस में है जिसको हम वापस निकाल सकते हैं, क्योंकि सारा वाटर अगर निकल जाएगा तो वो भी तो दिक्कत पैदा कर देगा ना, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर 70% तो वाटर से ही तो बनी हुई है, वाटर तो रहेगा तभी तो सेल के अंदर कोई भी चीज़ का आदान प्रदान वाटर के थ्रू ही होता है बेटा, अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं बता दूँ, ठीक है ना। तो वाटर रहना जरूरी है। तो इन दो चीजों पे रीअब्सॉर्प्शन डिपेंड करता है। अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि रीअब्सॉर्प्शन किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, तो आपको यही लाइन लिखनी है। बैठ के बस आगे देखो, द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब। अब ये लॉन्ग ट्यूब में जाता है, ये लॉन्ग ट्यूब में ऐसे से एक गुच्छा देखो आपको है ना, इधर दिखेगा एक गुच्छा आपको पूरा इधर दिखेगा, और फिर ऐसे नीचे नीचे होता होता यहां पर होता जाएगा, ठीक है ना, और फिर ये इधर चला जाएगा। द यूरेटर विच कनेक्ट द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर। अब यहां पे ये जो करके कलेक्ट करके हमने यहां पे हो गया ना, अब यहां से कौन कनेक्टेड है, यहां से यूरेटर कनेक्टेड है। यूरेटर हम पहले देख चुके हैं, ये दो पाइप जो है हमारे पास में, एक ये पाइप एक ये पाइप, ये रहा यूरेटर, ठीक है, ये कनेक्टेड है, यहां से इसमें चला जाता है, और यूरेटर से फिर किस में चला जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा। बैठ गई बात। फिर यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर, यहां से ब्लैडर में स्टोर हो गया, अंटिल द प्रेशर ऑफ द एक्सपांडेड ब्लैडर लीड्स टू द अर्ज टू पास इट आउट थ्रू द यूरेथ्रा। जब तक आप पास नहीं कर दोगे तब तक वो पड़ा रहेगा। द ब्लैडर इज मस्कुलर, मस्कुलर है, विच मीन्स ये किसके कंट्रोल में है, नर्वस कंट्रोल में, हमारे दिमाग का खेल है, जब भी हम हमारे को अर्ज होगी हम यूरिनेट कर देंगे। बैठ गई बात। तो ये हमारे कंट्रोल में रहता है। तो ये डायग्राम है, ये मैं आपको सिखा दूंगा, अभी थोड़ी देर रुको, और ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए, एक कप शेप बननी चाहिए, आगे क्वेश्चन आएगा मैं वहाँ पे इसका बना दूंगा, अभी बस थोड़ा सा एक टॉपिक और बचा हुआ, उसके बाद इसी को भी बनाएंगे अपन सबसे पहले, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मेन मकसद जो था ना, वो था कि आप कहीं यहाँ पे ब्लड मत निकाल देना। मैंने आपको पहली चीज़ बता दी कि यूरिन बनता कैसे, इन तीन चीज़ों से बनता है, पहली दूसरी तीसरी, ठीक है। और दूसरा, फालतू का पानी भी नहीं निकालना है, वाटर को रीअब्सॉर्ब करना बहुत जरूरी है। और क्या क्या चीज़ें रीअब्सॉर्ब होती है, ध्यान रखना, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स और मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, ये रीअब्सॉर्ब होता रहता है। और रीअब्सॉर्ब किस पे डिपेंड करता है, ये दो चीज़ अपन दोनों ने पढ़ लिए, आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट कैसे यूज करता है एक्सक्रीशन के लिए, प्लांट यूज कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर एक्सक्रीशन देन दोज ऑफ एनिमल्स। पहला, ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी टॉट एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, ये पहला हमारा। तो कैसे करता है, ये जनरेट कर देता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे CO2 ले लेता है और O2 वेस्ट के रूप में बाहर निकाल देता है, काम खत्म, पहला याद रहेगा। आगे देखो, दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपीरेशन, ये दूसरा हो गया। एक्सेस वाटर इसके लिए क्या हो गया, यहाँ पे वेस्ट हो गया, तो ये कैसे छुटकारा पा लेता है, बाय ट्रांसपीरेशन से, अपन ने पढ़ रखा है ट्रांसपीरेशन बहुत अच्छे से, ठीक है। आगे देखो तीसरा, फॉर अदर वेस्ट प्लांट यूज द फैक्ट दैट मैनी ऑफ द टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ डेड सेल। अब देखो ये प्लांट है ना, तो इसका ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये वाला, ये डेड सेल से तो बना हुआ होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, एंड दैट दे कैन इवन लूज सम पार्ट सच एज लीव्स, और यहाँ पे जो प्लांट की लीव्स है उसके पास भी अगर कुछ कचरा स्टोर कर देता है ये वेस्ट प्रोडक्ट, और उस लीव को क्या कर देता है, डिटैच कर देता है कि जाओ लीव, अब हमसे टूट जाओ, ठीक है। तो ये तीसरा वाला हो गया यहाँ से। आगे देखो, मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेलुलर वॉक्यूल्स। सेलुलर वॉक्यूल्स होते हैं, जैसे प्लांट की भी एक सेल होती है, आपने देखा होगा, ठीक है, उसमें सेल वॉल होती है, तो उसके भी कुछ पार्ट होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, एपरेटस होते हैं, तो सेलुलर वॉक्यूल्स होती है, वहाँ पे वो स्टोर कर लेता है, ठीक है। ये चौथा हो गया हमारा, वेस्ट प्रोडक्ट्स मे बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ, ये पांचवा हो गया। तो हमने अभी बात की कि लीव्स पे भी ये वेस्ट प्रोडक्ट डाल देता है और फिर लीव को डिटैच कर देता है, वही बात उसने यहाँ पे बोली थी, ठीक है। आगे देखो, अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज रेजिन एंड गम्स, तो ये हो गया हमारा छठा, रेजिन और गम्स के एडहेसिव जो होती है चिपकाने वाली जो काम आती चीज़ें, वो भी वैसे करता था, जो प्लांट के बाहर कई बार आप देखोगे यहाँ पे ऐसा चिपचिपा सा मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम, और जाइलम पटक देती। अगला देखो, सेवेंथ, प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इन टू द सॉइल अराउंड देम थ्रू रूट्स। रूट्स के द्वारा वो सॉइल में भी सब वेस्ट सब्सटेंस निकाल देती है। ये सातवां हो गया, बैठ गई सारी बातें, चलें आगे। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चंस, करते हैं इनको। तो पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स। तो मैंने कहा था जैसा आपको कि मैं आपको बना के दिखाऊंगा, तो मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ बनाने की कोशिश करना, धीरे धीरे बनाते हैं, ठीक है।
तो बेटा ये डायग्राम आपको बनाना है, ये बोमन कैप्सूल बनाना बहुत जरूरी है और दो गुच्छे बना देना। कैसे? एक गुच्छा यहाँ बन जाएगा, एक गुच्छा यहाँ बन जाएगा, ये कलेक्टिंग डक्ट हो जाएगी। अब है ना, हो सकता है वहाँ पढ़ाते टाइम मैंने ये नहीं बताया इनका मतलब क्या होता है, ठीक है ना, इन सब का मतलब। यानी यहाँ पर भी ऐसा का ऐसा पूरा एक नेफ्रॉन यहाँ पे भी है, इस पर भी ऐसा का ऐसा पूरा एक नेफ्रॉन है, इस पर भी एक पूरा का पूरा नेफ्रॉन है, इस पर भी तो ऐसे बहुत सारे मिलियंस में चलते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। अब बात आती है हमारे इसके स्ट्रक्चर की कि अब इसमें लिखना क्या है, तो इसका लेबल आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर में ये जो चीज़ यूज़ की है वो सब लिखी गई। अब वो पूछ रहा है फंक्शन क्या होता है, तो ये फंक्शन यहाँ से ले रखा है, ठीक है ना, कि वो रीअब्जॉर्ब कर लेती है और इनिशियल फिल्ट्रेट में क्या क्या निकल जाता है, ब्लड मत निकाल देना बस, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द मेथड यूज बाय प्लांट टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। अभी मैंने बताया था 6-7, उसमें से जो पसंद आए वो लिख देना, यही है, ठीक है, बहुत ईजी साइज। हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड, थर्ड क्वेश्चन। तो कैसे रेगुलेटेड होती है, द रेगुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस डिपेंड हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इन द बॉडी एंड हाउ मच ऑफ डिसॉल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड, इसी पे डिपेंड रहता है। चले आगे, तो देखो बेटा ये तीनों क्वेश्चन हो गए अपने, नेक्स्ट चलते हैं। उससे पहले आपको ये टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर आप मेरे फेवरेट बच्चे हो तो यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है, छोड़ना मत इसको, पढ़ के जरूर जाना। नेक्स्ट आती है अपनी एक्सरसाइज, लपेटते हैं पहला क्वेश्चन। द किडनी इन द ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ एक्सक्रीशन, अभी पढ़ा था। द जाइलम इन द प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ वाटर एंड मिनरल, ठीक है, तो वाटर मिनरल है वाटर, ए। द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट क्लोरोफिल ऑल ऑफ द अबव। द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन, अगर ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट का हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी निकल रहा है, विच मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ, हाउ आर फैट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। तो ये रहा फिफ्थ का आंसर, आपको यहाँ से लिखना है। आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि उसने पूरा फैट का पूछा, तो फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल पूरा आना चाहिए, तो इतना लंबा लिखना पड़ेगा क्योंकि बड़े क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड, तो इतना ही लिखना है इस बार, जरूरी नहीं है। सिक्स क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना, यहाँ से चालू कर देना कि द सलाइवा कंटेंस एन एंजाइम। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट, नेसेसरी कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, तो ये नेसेसरी कंडीशन है और ये इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं, ये सेवेंथ का आंसर। अगर आप चाहो तो फोटो खींच सकते हो, बाकी सब अपने पढ़ाओगे। नेसेसरी कंडीशन चारों चीज़ें चाहिए, फिर ये इक्वेशन होती है और मेन प्रोडक्ट इज ग्लूकोज एंड बाय प्रोडक्ट इज वाटर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं वैसे भी, क्योंकि जिसने मेरे से अगर बुक से पढ़ा है मेरे साथ, डेफिनेट है उसके लिए ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। दैट एनएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन, तो ये एरोबिक आ गया, ये एनएरोबिक। जब भी डिफरेंस का पूछा, डब्बा बना के बीच में लाइन खींच के तो करो, थोड़ा अच्छा लगता है, मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं फिर, ठीक है। और ये किस किस में होता है, इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस, क्योंकि उसने और एक्स्ट्रा पूछा था ये, ठीक है, तो ये बता देना। 8वां, 9th क्वेश्चन देखो, हाउ आर द एल्वोली डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो ये रहा 9th का आंसर, कि एल्वोली कैसे डिजाइन हो रखी है और व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी, अगर क्या कॉन्सिक्वेंस नतीजे होंगे कि अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई हमारे बॉडी के अंदर, तो ये नतीजे होंगे और फाइनली हमें एनीमिया डिजीज हो जाएगी, ये लिख लेना, ठीक है। और फोटो खींचना हो तो हटा देता हूँ ये सब, ये लो। नेक्स्ट देखो 11th क्वेश्चन, डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बींग्स, वाई इज इट नेसेसरी, तो ये डबल सर्कुलेशन क्यों होता है, ये ह्यूमन में होता है, और ये सब पहले तो आप फोटो खींच लो इसकी, और डायग्राम कौन सा बनाना है वो भी खींच लो ताकि आपको याद रहे, बस ये फोटो खींच लो और बाकी आप सब बता दोगे कि इसने क्या क्वेश्चन पूछा, कि डबल सर्कुलेशन क्यों जरूरी है। अपन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं इसको, हमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है और इसलिए। आगे आ जाओ, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड फ्लोएम, अब वही डिफरेंस पूछ लिया उसने, तो ऐसे ही बताओ, डब्बा बना के थोड़ा अच्छा लगता है, स्क्रीनशॉट ले लेना। और बाकी पर तो आपने रखा ही है जाइलम, इसमें फोर्स आ जाते हैं, इसमें एनर्जी आ जाती है, इसमें दोनों डायरेक्शन में होता है, इसमें सिंगल डायरेक्शन में होता है, एंड अपवर्ड मूवमेंट। आगे देखो 13th क्वेश्चन, कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वियोली इन लंग्स एंड नेफ्रॉन इन द किडनी, अब इनको कंपेयर करना है कि किडनी में नेफ्रॉन होते हैं और लंग्स के अंदर एल्वियोली, विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। तो पहले स्ट्रक्चर की बात की है, तो ये स्ट्रक्चर है देखो दोनों का, ठीक है ना, एल्वियोली और नेफ्रॉन का। फिर उसने फंक्शनिंग की बात की, तो यहाँ पे फंक्शनिंग और इसकी फंक्शनिंग। और अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे, बस खत्म इसी के साथ चैप्टर। तो ये 13 क्वेश्चन थे, हो गए सारे के सारे। और अच्छे से वीडियो देखो, अगर नहीं समझ में आया तो 2-3 बार देखो, धीरे धीरे देखो, सब समझ में आएगा। सारे क्वेश्चन करवाए मैंने, एक एक चीज़ करवाई है, एक एक चीज़ लिखी है, बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में। और अगर पसंद आ जाए
तो बस मेरे लिए यही बहुत है, ठीक है ना। लाइक वाइक का नहीं बोलेंगे तुमको, ठीक है ना, चिंता मत करो। मैं कभी नहीं बोलता वैसे भी, पसंद आएगा वो देखेगा, नहीं आएगा वो जाएगा। तो अच्छे से मेहनत करो और सारे चैप्टर धीरे धीरे चलते जाएंगे इसी हिसाब से। और अगर कुछ डाउट है और अगर मैंने कुछ गलती की है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना, ताकि दूसरे बच्चे जो देख रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। और बाकी दो तीन बार देखोगे तो धीरे धीरे चीज़ें सब समझ में आएगी, बहुत ईजी चीज़ें हैं, ठीक है। मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में, तब तक लोगों के बाद टड़ा।